हेलो 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 एवरी वन क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है और मैं दिखाई पड़ रहा हूँ तो जल्दी से एक बार तमसप कर दीजिए फिर आज का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है और मैं दिखाई पड़ रहा हूं तो जल्दी से थम्सअप कर दें एक बार व्हाट्सअप 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 चलिए तो आज का पेपर डिस्कशन आज का पेपर जो आप लोगों को आया काफी आसान सा पेपर था और आ, फिजिक्स की मैं बात करूं तो आ, एक दो प्रॉब्लम्स थे जो थोड़े से ठीक ठाक थे या ट्रिकी आप बोल सकते हैं उसके अलावा जो पूरा का पूरा पेपर था वो मोस्टली फार्मूला बेस्ड था हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा आसान था काफ़ी लोग लेट ओपी शुरू हो गए तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था बट या इट्स ओके okay. तो लव यू लव यू लव यू, 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 यू एवरी वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे जैसा मैंने बोला कि जहां जैसा अभी तक आ रहा है पेपर इस सेकंड सेशन का जितना भी पेपर अभी तक हुआ है पिछले दो दिन में और आज का भी पेपर देखा जाए तो फिजिक्स हमेशा की तरह ऑन द दर साइड रही है और काफी आसान से प्रॉब्लम थे एक और दो एक दो प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूं जो थोड़े से ट्रिकी माना जा सकता है अदरवाइज सारे कुछ मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही थे ठीक तो है तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल हम लोगों के पास थे स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से ये वाला क्वेश्चन और साथ ही साथ देखो ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और जो बच्चों ने हम लोगों को बताया वो हम लोगों ने टाइप किया और फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे इसको आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप लोग साथ ही साथ बताते भी चलिएगा कि इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस थे या हो सकता है कि कुछ आपको लगा कि कुछ मॉडिफाइड वे में ये क्वेश्चन पूछा गया तो जो भी था जैसा भी था वो आप लोग बताते भी चलिएगा साथ में चैट के माध्यम से ठीक है चलिए तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड ऑन अर्थ सरफेस फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्या ये क्वेश्चन आया था सब लोग जल्दी से बता दें यस और नो करके सर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था तो यहां पे बोल रहा है कि पार्टिकल है जिसका कि मास m है एंड दिस इज सिचुएटेड कहां पे भैया सिचुएटेड है अर्थ के सरफेस पे ठीक है अर्थ का रेडियस वगैरह r मान लीजिए पार्टिकल का मास स्मॉल इसको एक काम करते हैं क्योंकि ऑप्शन में सारे में कैपिटल एम है तो इसको अपन लोग कैपिटल एम ही ले लेते हैं सर तो ये पार्टिकल कैपिटल एम अर्थ का मास मास ऑफ अर्थ ले लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ को आप आर से डिनोट कर सकते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ताकि इट कैन स्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ मतलब ये स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये वाला सवाल था क्या ये सवाल आया था यस नो और अगर आया था तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो भी चार्ट में साथ ही साथ बताते चलिए ठीक है इन्फिनिटी में मास को लेना था बिल्कुल तो अगर मुझे स्केप करवाना है का क्या मतलब भैया इसको जो है इनफिनिटी पे पहुंचा देना है और स्केप फिलोस्टी के कॉन्सेप्ट में एनर्जी कंजर्व करते हैं राइट तो यहां पे भी कुछ नहीं आपको एनर्जी कंजर्व करनी थी आप जैसे ही एनर्जी कंजर्व कीजिएगा कंजर्विंग एनर्जी आप लिख दीजिएगा कि भैया जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ये इन्फिनिटी पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली इसके बराबर होना चाहिए टोटल एनर्जी कंजर्वेशन पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको था तो हमसे पूछ रहा है कि यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे जब ये पार्टिकल है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसकी ठीक है तो इसकी वैल्यू बतानी है ठीक फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल कहां ले जाना भैया स्केप करवाना है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर ले जाना है मतलब इंफिनिटी पे ले जाना है और इन्फिनिटी पे जाकर के इसकी एनर्जी अगर जीरो भी हो जाए मतलब जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी जीरो होता है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और इस पार्टिकल के बीच माइनस जी एम वन एम टू बाई आर मास ऑफ पार्टिकल मास आर दिस इज इक्वल टू जीरो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर हमारी हो जाएगी जी इन टू एम इंटू एम ई बाई आर तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन क्या ये सवाल सबको आया था यस yes, नो no, जल्दी से बताइए सब लोग और ये काफी आसान सा सवाल था जस्ट एनर्जी कंजर्व आपको करना था ओके ए ऑप्शन बहुत सारे लोग बता रहे हैं यस सर ए ऑप्शन था ऑप्शन स्मॉल जी के टर्म में था हो सकता है हो सकता है हो सकता है ऑप्शन स्मॉल जी के टर्म में मैंने जैसा बताया कि मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चंस कुछ लोगों ने बताया कुछ लोगों ने ऑप्शंस बताया सबको मिला जुला करके ये फ्रेम किया गया है तो क्वेश्चन बस रहना चाहिए ऑप्शंस किसी भी टर्म में रह सकता है राइट right? ओके okay. इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे क्योंकि यहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है मतलब मिनिमम कितना होगा मतलब इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच जाए ठीक है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पे बताइए ताकि इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच जाए तो जस्ट पहुंच जाए मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जीरो हो जाए राइट चलिए ओके आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायरड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड ऑन ए प्लाईवुड एंड इमर्जेस विद 40 मीटर पर सेकंड द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये तो एकदम बच्चू वाला सवाल है सर कि अपने पास एक प्लैंक है और एक बुलेट जो कि 100 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से जा रहा है और यहां से निकलता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड तो कितना परसेंटेज लॉस काइनेटिक एनर्जी में होगा ठीक है भैया ये तो बड़ा सिंपल सा है आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकाल लीजिए कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर बी स्क्वायर हंड्रेड स्क्वायर आप लिख लीजिए टेन टू द पावर फोर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी ये निकाल लीजिए आप हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्डी स्क्वायर सिक्सटीन हंड्रेड भैया इनिशियल और फाइनल अगर हमें पता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए तो हाफ एम टेन टू दावर फोर या टेन थाउजेंड बोल लीजिए माइनस सिक्सटीन हंड्रेड यह आ जाएगा बेटा अपने को हाफ एम इन टू एट थाउजेंड फोर हंड्रेड दस हजार में से सोलह सौ हो गया तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और परसेंटेज लॉस पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज ये पूछा जा रहा है यार इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है हाफ एम बीस पर यह तो मेरे ख्याल से एट क्लास का लड़का भी ये सवाल कर लेगा अब क्या चाहिए भैया परसेंटेज लॉस तो परसेंटेज लॉस क्या लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू डिड बाई हाफ एम इंटू टेन थाउजेंड इनटू हंड्रेड परसेंट हाफ एम से हाफ एम काट दो ये दो जीरो से ये दो जीरो इससे ये दो जीरो कट गया और एटी फोर परसेंट दिस विल बी आवर आंसर और इस तरह से इन्होंने वैल्यू भी दिया था कि भैया बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन में बड़े आराम से सब कुछ निकल जाना था ठीक है तो ये तो एकदम एकदम ही एकदम ही मैं तो बोलूंगा वाहियात सवाल था आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सैंपल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस किसी सैंपल में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर दे रखा था ठीक है हमसे पूछ रहा था क्या कि भैया रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन सैंपल वी आर एम एस वी आर एम एस का फॉर्मूला जिन जिन लोगों को याद होगा वो लोग बड़े आसानी से इसको निकाल दिए होंगे वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम नॉट अब देखो अगर सैंपल उसी सैंपल में ऑक्सीजन भी है Sorry, हाँ ठीक है ऑक्सीजन और हीलियम तो जिस सैंपल में हीलियम है उसी सैंपल में ऑक्सीजन है तो जो भी उस सैंपल का टेम्परेचर वही टेम्परेचर हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का राइट right? मतलब टेम्परेचर तो दोनों का सेम है तो हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है किसका वी आर एम एस ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है तो भैया यहां से मैं बोल सकता हूं कि भाई वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम नॉट तो मॉलिकुलर वेट का रेशियो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भैया बत्तीस और हीलियम का हो जाएगा चार तो ये हो जाएगा अंडर रूट एट एट को आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं टू रूट टू भैया ये टू रूट टू डिवाइडेड बाई वन दिस विल बी आवर आंसर क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा था यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो जल्दी अल्ली बताइए भाई क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखा था ओके okay.

एवरेज स्पीड पूछ रहा है इस जर्नी में पहले तो ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सबको दिखा था यस yes, नो no, जल्दी बताइए तो बोल क्या रहा है कि भाई दो पार्ट में डिवाइडेड है ये ये question कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से कहीं से स्टार्ट होता है और यहां पे इसकी स्पीड जीरो थी और इसकी स्पीड पहुंच जाती है अस्सी किलोमीटर पर आवर यह पहला पार्ट था और इस पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसके बाद अगले पार्ट में क्या था कि भाई इसी 80 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से 3t टाइम तक चलता है इसी कांस्टेंट स्पीड से यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है t, यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है थ्री टी इस पार्ट में स्पीड कांस्टेंट है 80 किलोमीटर पर आवर यहां पर एक्सलोरेशन तो पूरे जर्नी का हमसे बोला जा रहा है कि इस पूरे जर्नी का सर एवरेज स्पीड क्या होगा तो एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालना हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो कोई फॉर्मूला कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस निकालिए टोटल टाइम निकालिए ग्राफ से कर सकते हैं क्या बिल्कुल ग्राफ से भी किया जा सकता है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ओके लेकिन ग्राफ की यहां पे जरूरत ही नहीं है बड़े आराम से तुम ऐसे ही कर ले जाओगे देखो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तुमको चाहिए तो भाई टाइम तो टोटल पता है टी प्लस थ्री टी फोर टी और टोटल डिस्टेंस निकालो कि यहां से यहां पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस दूसरे पार्ट में कितना डिस्टेंस दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा तो आओ टोटल डिस्टेंस निकालते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है पहला पार्ट इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड पता है तो पहले तो भैया वीज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल किया जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली जाए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फाइनल है अस्सी टाइम है टी यहां पे। एक इक्वेशन तो ये आ गया एक्सेलरेशन यहां से बोल सकते हो एट्टी बाई टी मेरा एम क्या है डिस्प्लेसमेंट निकालना या डिस्टेंस निकालना आप बोल सकते हैं ठीक है तो मैं लिख सकता हूं सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस स्क्वायर इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट जीरो और हाफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन है एट्टी बाई टी पहले वाले इक्वेशन से एक्सेलरेशन को एट्टी बाई टी लिख सकते हो इंटू टी स्क्वायर ये टी से टी चला गया ये आ गया फोर्टी टी अच्छा इस वाले पार्ट में सेकंड वाले पार्ट में डिस्टेंस कितना होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम आप बोल सकते हो राइट right? या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम यहां पे मैं डिस्टेंस बोलूं डिस्प्लेसमेंट बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है तो इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूं तो भैया ये है एट एट्टी और टाइम है थ्री टी स्पीड है एट्टी टाइम है थ्री टी ये हो जाएगा टू फोर्टी टी चलिए अब अगर मुझे चाहिए सर क्या एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस इधर इस पार्ट में चालीस टी इस पार्ट में दो टी मतलब दो टी और टोटल टाइम टी प्लस थ्री टी यानी कि फोर टी तो चार सात तो 70 टाइम्स ये कट जाएगा तो यही अपना आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा चलिए वॉइस प्रॉब्लम क्या आपको मेरी आवाज सही से सुनाई पड़ रही है बाकी लोगों को एक बार जल्दी से थम्सअप कर दीजिए क्योंकि किसी का कहना है कि सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है 80 को मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे क्या 80 को मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे क्या बेटा जब यहां पे दे रखा है किलोमीटर पर आवर तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही कर लेते हैं ठीक है यस चलो मतलब वॉइस क्लियर है बेटा आप अपने अपनी जगह थोड़ा सा ध्यान दें आपके एंड से हो सकता है कुछ इश्यू हो चलो ओके 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 तो चलिए तो ये वाला सवाल भी आसान सा सवाल था कोई बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं बोला जाएगा बट हां बाकी सवालों के कंपैरिज़न में इसको मैं मॉडरेट लेवल में जेई मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस सवाल को मैं मॉडरेट लेवल में रख सकता हूं ठीक है ओके चलो अब आगे करते हैं ये सवाल आपको आया था स्क्रू गॉज के ऊपर पहले तो ये बताइए कि ये सवाल आया था कि नहीं आया था जितने सारे लोगों ने आ, आ, इसको एग्जाम दिया है वो सारे लोग बताएंगे कि ये सवाल आया था कि नहीं आया था और आ, करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग ए स्क्रू गॉज द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर नोटेड मेन स्केल रीडिंग हमको दे रखा है ठीक सर्कुलर स्केल रीडिंग 42 डिवीजन के बराबर है पिच दे रखा है और सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है वो दे रखा है डायमीटर ऑफ़ डायमी वायर मतलब इसकी रीडिंग निकालनी है तो अगर आपको बस फॉर्मूला भी बेटा याद रह, रहता है इसका तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं तो रीडिंग कैसे मेजर करते हैं भाई स्क्रू गॉच के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो राइट यही फॉर्मूला होता था मेन स्केल रीडिंग प्लस माइनस एन इन टू लीस्ट काउंट जितना डिवीजन को इंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जीरो एरर जोड़ते या घटाते थे डिपेंडिंग ऑन कि भैया पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस पूरे सवाल में जीरो एरर के बारे में कोई चर्चा नहीं थी अगर कोई चर्चा नहीं थी मतलब सर ये जीरो एरर वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो है अब बस बचा लीस्ट काउंट निकालना है और मेन स्केल रीडिंग निकालना है मेन स्केल रीडिंग तो दे ही रखा है एकदम साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन में दे रखा था मेन स्केल रीडिंग आ रही है मिलीमीटर राइट mm, right? तो भैया मेन स्केल रीडिंग तो साफ साफ शब्दों में दे रखा है, 1 mm, अब निकालना है। तो सर स्क्रू गॉच का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो आपको इसके लिए लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बहुत सारा मेथड हो सकता है uh, मतलब दो तीन फॉर्मुला होता है लीस्ट काउंट का डिपेंडिंग ऑन की क्या क्या दे रखा है तो अगर पिच दे रखा है तो पिच को जितना नंबर ऑफ डिविजन है उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका लीस्ट काउंट मिल जाएगा राइट तो चलिए पिच कितना है भैया यहां पे कुछ दे रखा है पिच के बारे में पिच ऑफ स्क्रू गॉज है वन एम एम और कितना डिवीजन है सौ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे तो मतलब लीस्ट काउंट हो गया एक बाई सो एम एम एन कौन सा सर्कुलर स्केल एन का क्या होता है भैया कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आपका मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू फोर्टी टू मतलब फोर्टी सेकंड जो है वो आपको कोइंसाइड कर रहा है तो एन की वैल्यू हुई फोर्टी टू और लीस्ट काउंट निकाला हमने एक बाई सौ एम एम ये हो गया इसका रीडिंग तो वन प्लस फोर्टी टू बाई हंड्रेड इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं सौ प्लस बयालीस एक सौ बयालीस बाई सौ एम एम ये हो गया रीडिंग इसी को आप लिखिए तो इकहत्तर बाई पचास एम एम आप बोल सकते हैं और यही सवाल में दे रखा दिस इज इक्वल टू एक्स बाई फिफ्टी इसको बोल रहा है एक्स बाई फिफ्टी के बराबर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 71 आ जाएगा x की वैल्यू राइट यही हमें बताना था कि x की क्या वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये भी इसको मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रखूंगा क्योंकि जनरली लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं वर्नियर स्केल स्क्रू स्क्रूगॉज देखते ही उन्हें लगता है कि भैया बहुत भारी सी चीज है इसीलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूंगा जस्ट बिकॉज ये स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है अन्यथा अन्यथा अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो काफी आसान सा सवाल था एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ठीक है कल का पेपर लीक हुआ था न्यूज़ चल रहा है यूट्यूब और ट्विटर पे तो देखो ये बात चल तो रही है और अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है क्या गवर्नमेंट का डिसीजन होता है एन वालों का क्या डिसीजन होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा तो अभी फ़िलहाल आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए उनका जो भी डिसीजन होगा आपका एम अपने पेपर पे फोकस करना है ठीक है जिन लोगों का पेपर हो गया है उन्हें तो खैर चलिए उनका उनकी तो जान छूट चुकी है बट जिनका नहीं भी हुआ है जिनका कल है या परसों है ठीक है कल तो खैर किसी का नहीं है कल तो संडे है बट हाँ मंडे ट्यूसडे वगैरह को उनका काम है अपने 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 पढ़ाई पे फोकस करते रहना, चालू रखना ठीक है चलो तो अब आगे चलते हैं भाई साहब अगला ये बड़ा आसान सा सवाल एक आया था इसको केमिस्ट्री में, में आया था कि फिजिक्स में आया था ये अभी भी कंफ्यूजन है लोगों ने बताया लड़कों ने बताया कि इस तरह का सवाल आया था अब फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग बताइएगा कि ये जो सवाल है ये आपको केमिस्ट्री में मिला था या फिजिक्स में मिला था तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन आइटम रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर एंड लाइमन सीरीज़ भैया लाइमन और बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो हमें निकालना था ठीक है तो अब आओ देखो इसमें यहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज तो जब मैं बामर सीरीज की बात करता हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कहां से कहां का ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाइएस्ट एनर्जी बामर का तो मतलब होता है सर एन इज इक्वल टू टू लाइम एन इज इक्वल टू वन बामर एन इज इक्वल टू टू पास आगे बढ़ता चलता है तो भाई बामर मतलब एन इज इक्वल टू टू और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाइएस्ट एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से टू इन्फिनिटी से टू तो बामर के लिए लिखेंगे वन बाई लामडा ऑफ बामर आर जेड स्क्वायर क्यों आर जेड स्क्वायर क्योंकि भैया कौन सा आइटम है ये नहीं दे रखा है हाइड्रोजन नहीं बोल रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन आइटम बोल रहा है अब हाइड्रोजन लाइक भी, भी हो सकता है हीलियम प्लस प्लस लिथियम ये सब भी हो इसलिए आर जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एंड लोअर स्क्वायर एंड लोअर 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 कौन सा है भैया यहां पे बामर की बात हो रही है तो एन इज इक्वल टू टू मतलब वन बाई फोर माइनस वन बाई इन्फिनिटी आप कर दो तो ये जीरो हो जाएगा और अगला है लाइमन अगेन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन का मतलब भैया इन्फिनिटी से एन इज इक्वल टू वन तक ठीक फिर से आर जेड स्क्वायर वैसे आर जेड स्क्वायर लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे भी रेशियो लेना है तो ये कट जाएगा तो ये वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी आ जाएगा हमें क्या चाहिए भैया हमें चाहिए लामडा बी डिवाइडेड बाई लामडा एल हमें चाहिए सर लामडा बी डिवाइडेड बाई लामडा एल की वैल्यू तो आर जेड स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें फोर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए ठीक है वा? ये फोर आ जाएगा और यहां पे वन आ जाएगा तो फोर इज टू वन ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए ठीक ओके okay. हाँ तो भैया आप लोगों ने बताया नहीं कि ये सवाल केमिस्ट्री में दिखा था या फिजिक्स में दिखा था इसमें दिखा था बेटा ये सवाल केमिस्ट्री या फिजिक्स हाइड्रोजन था अच्छा हाइड्रोजन था मतलब यहां पे फॉरे हाइड्रोजन आइटम आप बोल रहे हैं ऐसा था ओके okay. फिजिक्स में दिखा था ओके 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 मैथ सबके लिए टफ था अरे मैथ का भी होगा 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 मैथ वाले सर बताएंगे भैया टफ था कि नहीं था ओके okay, फिजिक्स में दिखा था हाइड्रोजन था सर ठीक है ठीक है मान लेते हैं हाइड्रोजन था हाइड्रोजन भी होता तो कोई खास फर्क नहीं था यही आंसर आना था यहाँ पे जेड के बदले आप वन लिखते राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इस तरह का सवाल कुछ दिखा था भाई यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टर दिख रहे हैं और हमसे क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अनोन रेसिस्टेंस एक्स दो है और इसके बीच में potential difference zero होना चाहिए मतलब का का वही हो हो जो D का हो. अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसके बीच में कुछ और लगा दूं ऐसे और अगर ये बैलेंस्ड वीट ब्रिज हो तब तुम क्या बोलते है? अगर बैलेंस वीड स्टोन ब्रिज होता तो आप बोलते कि सर इसका मतलब है कि बी और डी का सेम पोटेंशियल मतलब यहां से सर बीच वाले से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसका कोई मतलब नहीं है तो अगर बी और डी का सेम पोटेंशियल हो होना है मतलब ये बैलेंस्ड ब्रिज होना है अब जरा इधर देखो तुम ये वाले पार्ट में ए से बी में देखो बारह बारह चौबीस और ये चौबीस के साथ पैरेलल तो चौबीस चौबीस बारह मतलब ए और बी इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं थोड़ा सा तो यहां पे बारह आ जाएगा भाई ये आ गया बारह ठीक इधर देखो वन और वन वन और वन अगर पैरल में है तो ये आधा हो जाएगा इधर नीचे इधर आधा देही रखा है यहां से यहां तक का आधा देही रखा है और इस वाले पार्ट में बारह और बारह पैरल में तो ये हो गया 6 और ये एक्स के साथ सीरीज में तो इधर आ गया सर सिक्स प्लस एक्स ये है पॉइंट डी अब अगर बी और डी का सेम पोटेंशियल ये तो तब होगा जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो मतलब ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एक्स ये बराबर हो पॉइंट फाइव बाई पॉइंट फाइव यानी कि वन यानी कि बारह बराबर हो जाए बेटा प्लस एक्स के एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी बारह में से छह चला गया तो सिक्स दिस विल बी आवर आंसर काफी आसान सा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन था सिक्स आएगा बी वेरी इजी क्वेश्चन राइट 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 ओके चलो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था आप में से मेरे ख्याल से अब अधिकतर ज्यादातर लोगों ने इसको कैच कर लिया होगा ओके मैच्ड ओके वेरी गुड आते हैं अगले सवाल की तरफ चार पार्टिकल दे रखा है ए बी सी और डी जिसका कि मास बता रखा है एम बाई टू एम टू एम एन फोर एम ओके अब क्या बोल रहा है इफ दे इक्वल मोमेंटम मोमेंटम बराबर है तो किस पार्टिकल का हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ये भी काफी बच्चा वाला सवाल एकदम ही इजी सवाल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर होता है। अब सारे पार्टिकल का मास अलग अलग है लेकिन मोमेंटम बराबर है तो मोमेंटम तो बेटा बराबर है सबका तो p स्क्वायर सब में बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी जिसका मास सबसे कम होगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी अगर हाईएस्ट चाहिए तो मास सबसे कम होना पड़ेगा और इसमें मास सबसे कम किसका है एम बाई टू का है पार्टिकल ए का है तो पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी अरे ये भी कोई मेंस में पूछने वाला सवाल था यार ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आजकल चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट ये एक थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल दिखा आ, देखते हैं इसको क्या पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ वेव इन ए मीडियम में medium के अंदर स्पीड है टू ठीक है 2, और रिलेटिविटी आर की वैल्यू पूछी जा रही है क्या यह सवाल आपके शिफ्ट में आया था यस और नो जल्दी से मुझे बताइए एक बार क्या यह सवाल आया था तो स्पीड की मैं अगर बात करूं वेव के स्पीड की और इसको अगर मैं बात करूं परमिटिविटी यस 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 सारे लोग बोल रहे हैं यस सर यह सवाल दिखा था ठीक है तो आइए देखते हैं इसको तो स्पीड इस की अगर मैं मुझे बात करनी हो स्पीड ऑफ वेव परमी परमिबिलिटी और परमिटिविटी के टर्म में तो यह होता है वन बाई अंडर रूट म्यू इन इपसाइलन अच्छा स्पीड ऑफ लाइट ये वाला इक्वेशन भी आप लोगों ने देखा होगा वन बाई अंडर रूट लाइट भी एक वेव है लाइट भी एक वेव है और यहाँ पे भी वेव की ही बात हो रही है, है तो root, सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा और खास के मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा और साथ ही साथ जब हम लोग ई एम वेव वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो रेडिएशन वाला तो वहां हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट वन बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू नॉट राइट तो भैया अगर किसी मीडियम की बात किया जाए तो हम लोग बात करेंगे म्यू इन द मीडियम और इप्सायलन इन द मीडियम अगर वैक्यूम में बात किया जाए तो म्यू नॉट इनटू एपसाइल नॉट की बात करेंगे क्या रिलेशन होता है म्यू और म्यू नॉट वगैरह में तो सर ये तो याद होगा कि सर म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर सिमिलरली इप्साइलन किसी मीडियम में जो परमिटिविटी होती है वो होती है ई नॉट इन टू ई आर ये अगर आपको इतना पता है तो अब हम लोग इस सवाल को बना बना सकते हैं तो अब आइए देखिए इस सवाल को किस तरह से बनाया जाए यहां से मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो वन बाई म्यू इंटू ई लिखा जा सकता है म्यू को मैं डायरेक्टली यहां से लिख लेता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर और इप्सालन को मैं लिख स... लेता हूँ इंटू आर अब देखो इसको थोड़ा सा इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं वन बाई

आ जाएगा c बाई वी का होल स्क्वायर अब यहां पे देखो भैया c तो होता है थ्री इंटू टेन टू दावर एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इस वेव का स्पीड दे रखा है मीडियम में v क्या था मीडियम के अंदर वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द एट द होल स्क्वायर तो ये इससे ये कटा ये टू टाइम्स कट जाएगा तो दो स्क्वायर ये हो गया चार ठीक और म्यू आर की वैल्यू दे रखी है टू और ई आर की वैल्यू पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ई आर की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ई आर कितना हो जाएगा ये तो आ गया चार और डिवाइडेड बाई म्यू आर म्यू आर की वैल्यू दो दे रखी है तो चार बाई दो यानी कि दो दिस विल बी आवर आंसर तो मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर होगा दो तो ठीक है ओके, ओके 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 तो बहुत सारे लोगों ने इसको सही बना लिया होगा ठीक आसान सा था कुछ ज्यादा भारी नहीं था ओके 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 चलो ये हो गया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एस एच एम विद एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पता है फाइंड द मैक्सिमम भैया एम्पलीट्यूड दे रखा है टाइम पीरियड दे रखा है और हमसे मैक्सिमम बेलॉसिटी पूछ रहा है क्या इससे आसान सवाल एस एच एम से आ सकता है नहीं आ सकता है सर वी मैक्स ए ओमेगा के बराबर ए दे रखा है ओमेगा निकालना है टाइम पीरियड पता है टू पाई बाई ओमेगा होता है तर ऐसे ऐसे सवाल बैन कर देने चाहिए नहीं पूछे जाने चाहिए पाई से पाई कट जाएगा ओमेगा तो की वैल्यू आ जाएगी कितनी टू अब ए दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्स और ओमेगा तुमने टू निकाल दिया है तो भाई वन पॉइंट टू कर दो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और नाइन्टी एट परसेंट कितने नंबर पे बनेगी बेटा अभी इसका डिस्कशन हम लोग जब सारे uh, क्योंकि अभी तो मैंने बस फिजिक्स के क्वेश्चन देखे और आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में आप बताने चला आया फिर केमिस्ट्री वाले सर आपको केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन बताएंगे मैथ्स वाला फिर हम लोग आपस में बातें करेंगे कि भाई मैथ्स का कैसा था केमिस्ट्री का कैसा था उसके बाद ही ये बता सकते हैं कि नाइन्टी एट परसेंटाइल कितने पर बनेगी उसके लिए पूरा एनालिसिस होना ज़रूरी होता है कि सर किस कौन सा पेपर टफ था कौन सा आसान था फिर ये बता पाएंगे तो अभी तो नहीं बता पाएंगे कि कितने नंबर पे आपका 98 परसेंटाइल मिलेगा थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डिविएशन इज वन फॉर ए प्रिज्म किसी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डिविएशन दे रखा है वन ठीक मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर से डिनोट करें और मिनिमम डिविएशन तो इसका रेशियो है वन इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के बराबर है सर सिंपल सी बात और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है रूट थ्री तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू पूछी जा रही है इंडेक्स, के बीच एक रिलेशन होता था जो आप सारे लोग याद करते होंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस मिनिमम डिविएशन बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई राइट याद आया होगा कुछ यहां पे ए और मिनिमम डिविशन बराबर है तो एक ही टर्म में इसको लिख लेते हैं भाई मिनिमम डिविशन ए के बराबर तो टू ए डिवाइडेड बाई टू यानी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन ए को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए बाई टू क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है टू कट जाएगा साइन ए बच जाएगा तो साइन टू थीटा को मैं टू साइन थीटा, थीटा लिख सकता हूँ तो काट लीजिए म्यू तो की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री तो कॉस ए बाई टू कितना आ गया भाई साहब रूट थ्री बाई टू तो यानी कि ए बाई टू की क्या वैल्यू कॉस कितना होता है रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू राइट तो ए बाई टू की वैल्यू यहां से आ गई थर्टी डिग्री ए की वैल्यू आपको आ जाएगी सिक्सटी डिग्री राइट चलो तो ये तो सब हो गया ओके ओके सर मेरा थर्टी परसेंट आया था मैं ड्रॉप लूं क्या अरे भैया थर्टी परसेंट में फिर तो तुम्हें ड्रॉप नहीं भी लोगे तो भी यार कॉलेज तो मिलेगा नहीं बढ़िया तो ऐसे भी ड्रॉप लेना ही पड़ेगा राइट चलो चलो बहुत इजी बन रहा है पेपर बहुत सही आगे बढ़ते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने में मिला था इसमें क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है तो इसीलिए मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन कु� था भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा फॉल्स है दो स्टेटमेंट दे रखा था इन एलसीआर रेजोनेंस करंट विल बी मैक्सिमम अगर कोई एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में हो तो करंट मैक्सिमम होगा क्या इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को दिखा था यस नो जल्दी से बताइए यस था ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो पहली बात तो सर एलसीआर में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो करंट मैक्सिमम होगा हां भैया बिल्कुल सही बात है करंट एम्पलीट्यूड कि जो वैल्यू होती है वो वी नॉट बाई जेड आप होता है या आप इसको जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर के ऊपर ये सवाल था अगर रिजोनेस होता है तो एक्सएल और एक्सी बराबर होता है और एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा और करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो रिजोनेस में तो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ये बात हम लोगों को पता है दूसरा क्या बोल रहा है करंट इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट इज ग्रेटर देन सीरीज एलसीआर कहीं पे अगर कोई सीरीज में एल है और सिर्फ दूसरे जगह सिर्फ आर है सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट जहां पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा वहां पे करंट मैक्सिमम होगा क्या ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही है क्योंकि देखो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर होगा I नॉट को वी नॉट बाई R बोलोगे क्योंकि ये वा, ये वाला टर्म तो रहेगा नहीं फिर ठीक फिर R रहेगा और अगर एल सी आर है तो I नॉट की वैल्यू आप ये पूरा बोलिएगा तो जाहिर सी बात है एक्सएल माइनस एक्सी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी मतलब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा ठीक है तो अगर एल सी आर है तो करंट कम होगा प्योरली रेसेस्टिव है तो करंट ज्यादा होगा तो करंट इन प्योरली रेसेस्टिव सर्किट इज ग्रेटर देन सीरीज एल सी आर ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही था और अगर ये इस तरह से आया था कि स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है पहले वाले स्टेटमेंट का यही रीजन है यही रीजन है कि एक्सल एक्सी के बराबर होता है राइट ओके right? okay. चलो तीन सौ बन रहे हैं सर इस बार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार इस बार तो इतना आसान पेपर है कि मुझे लग रहा है कि तीन 300... सौ लाने के बावजूद अब पता नहीं फिजिक्स का तो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों को तीन सौ आना चाहिए अब मैथ्स वाले सर ही बता पाएंगे सही से कि भैया किस तरह का पेपर था ठीक ओके चलो वन फॉल्स सेकंड ट्रू कर दिया चलो कोई बात नहीं अब तो यार गलती हो गई दोस्त कोई बात नहीं है अब जो हो गया हो गया अब उसमें टेंशन नहीं लेना किसी को ये ये एनालिसिस बस अपने आप को बताने के लिए क्या गलत किए क्या सही किए ताकि अगर आगे इसको एग्जाम को देना पड़े तो हम लोग इससे सीख सकें या जो लोग पहली बार दे रहे हैं या जो लोग इलेवेंथ में वो लोग सीख लो सकें ठीक है अब जो अगर गलत कर दिए तो कर दिए अब क्या कर सकते हैं यार ठीक है होता रहता है मैथ्स भी ठीक ही था सर मैथ्स अगर ठीक था मैथ्स अगर अच्छा है या बोल रहे हैं कि मैथ्स अच्छा गया है तो मेरे ख्याल से फिर तो आप काफी सारे नंबर स्कोर करेंगे आओ ये ये इस तरह का क्वेश्चन दिखा था भाई आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह पे रिलेटेड मैच द कॉलम पूरे साल आपकी कोचिंग फॉलो करी आज मेरे 205 मार्क्स बन रहे हैं थैंक यू थैंक यू बेटा और काफी आसान है यार बनने भी चाहिए क्यों नहीं बनने चाहिए यार इतना आसान पेपर आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन सब का आपको क्या चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था हाँ ये था ओके चलिए तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं भाई कोई भी एक फॉर्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट आता है कई तरह से आप इसको कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को एन आई ए से कर सकते हो या फिर गायरो मैग्नेटिक रेशियो एम बाई एल क्यू बाई टू एम के बराबर होता है वहां से कर सकते हो जैसा चाहो बस एक फार्मूला याद आना चाहिए जहां पर यह मैग्नेटिक मोमेंट आता हो तो अगर मैं एन आई ए से ही कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एन होता है नंबर ऑफ टर्नस नंबर नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है करंट का एम्पियर और ए यहां पे एरिया है एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर ये हो गया बाकी एम जीरो मैग्नेटिक मोमेंट का एम जीरो ए एल स्क् टी जीरो मतलब बस ए एल देखो कौन सा है ए एल स्क्वायर और एल स्क्वायर डी तो पहला का तो डी है भाई फर्स्ट वाले का तो डी है ये दोनों तो सर ऐसे ही गलत हो गया बचा सी और डी ठीक सेकेंड क्या है भाई सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड अगेन कोई एक ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो तो ये वाला यूज कर लो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एफ बाई क्यू वी फोर्स का हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस टू चार्ज को लिख सकते हो करंट इन टू टाइम करंट का एम्पियर टाइम का टी और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन ये टी से ये टी माइनस वन काट लो एल से एल काट लो ये आ जाएगा एम टी माइनस टू ए और एल जीरो माइनस वन आ जाएगा ए नीचे है राइट तो ए पावर माइनस वन हो जाएगा एम एल जीरो टी माइनस टू ए ट पावर माइनस वन मतलब सेकंड का बी आ जाएगा तो एल देंगे ना यहाँ पे ठीक है तो सेकंड का बी इस वाले में सेकंड का बी दिख रहा है तो ये वाला सही होगा बात खत्म बाकी टॉर्क टॉर्क है तो 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 एफ क्रॉस आर आर फोर्स फोर्स स्क्वायर टी आ जाएगा तो का तो यही वाला होना है मतलब इसका होना है ए चलो ये दोनों में ही ए है खैर ये वाला तो हम लोग डिसाइड कर ही चुके हैं कि डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है ठीक चलो ओके 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 आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ N N 2, आपका आगे ऊपर चला गया फिर से आप क्या N N 2, ये कहां से आ रहा है मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला की बात हो रही है मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद अगर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है उससे आप थोड़ी निकालिएगा डायमेंशन अरे फॉर्मूला मतलब जिसमें अलग-अलग टर्म हो उनके बीच का रिलेशन हो अगर उस तरह का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला NIA से कर सकते थे या M बाय L जायरोमैग्नेटिक रेशियो Q बाय 2M होता है वहां से कर किया जा सकता था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 100 ड्रॉपलेट्स एक सेकंड में देख लूं कितना सवाल बचा है आओ 100 ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉपलेट अब क्या पूछा जा रहा है देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एनर्जी एक्स एक्स तो X की वैल्यू हमें जाननी है हजार ड्रॉपलेट अरे इस तरह के सवाल तो सारे ही लोगों ने किए होंगे छोटे छोटे एक हजार ड्रॉप है ये कंबाइन होकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं अब ये सारे छोटू ड्रॉप का रेडियस मान लो स्मॉल आर ले लेते हैं बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं भैया सबसे पहला चीज वॉल्यूम जितना लिक्विड इन सारे में भरा होगा इन सबको मिला के जो बड़ा ड्रॉप बना उसमें भी तो सर उतना ही लिक्विड भरा होगा राइट तो मतलब वॉल्यूम दोनों में बराबर होगी इसकी वॉल्यूम टोटल कितनी हजार ड्रॉप है फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब ये बराबर हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब के राइट फोर बाई थ्री पाई से फोर बाई थ्री पाई काट लो और कैपिटल आर आ जाएगा फिर टेन टाइम्स स्मॉल आर 1000 को लिख सकते हो 10 क्यूब ठीक है तो कैपिटल r आ गया 10 टाइम्स स्मॉल आर अब हमसे क्या पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया फॉर्मूला याद आया कुछ सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया भैया छोटे ड्रॉप का और बड़े ड्रॉप का मतलब यहां पर से एक ड्रॉप लीजिए छोटा वाला और ये बड़ा वाला ड्रॉप लीजिए तो इनके इनके सरफेस एनर्जी का क्या रेशियो होगा ये मुझे बताना है ठीक है भाई सरफेस टेंशन तो दोनों में सेम होगा क्योंकि सेम लिक्विड है सब कुछ सेम है तो सरफेस टेंशन तो सेम होगा एरिया इसका फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसका एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर फोर पाई से फोर पाई कट जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर तो वन बाई टेन आप लिख सकते हो का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा वन बाई हंड्रेड और ये बोल रहा है ये किसके बराबर है ये रेशियो है टेन बाई एक्स के ये रेशियो है टेन बाई एक्स के ठीक तो यहां पर से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई थाउजेंड आ जाएगा राइट एक्स की वैल्यू सर यहां पर से थाउजेंड आ जाएगी ये क्लियर है सबको पेपर बहुत इजी आ रहा है कहीं नाइनटी नाइन परसेंट दो सौ दस प्लस मार्क्स पर तो नहीं बनेगा मेरा दो हजार दो सौ चार आ रहे हैं आ, अब, देखो यार, उसका, अब देखो अब तो तुमने पेपर दे दिया दो सौ चार मार्क्स तुम्हारे आ भी रहे हैं तो भाई अब उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो अब तो जितना पे भी बनना होगा वो तो बनेगा और जैसा मैंने बोला कि यार अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अब वो देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री और मैथ्स ये पेपर कैसा था ठीक चलो हजार ड्रॉप भी है तो क्या हो गया हजार ड्रॉप है अच्छा कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि भाई रेशियो ऑफ देयर सरफेस एनर्जी तो यहां पर से एक ड्रॉप और यहां पर से ड्रॉप इसकी बातें हो रही हैं ऐसा नहीं कि ये आप हजार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक है इसमें से एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी और ये वाले ड्रॉप का सरफेस एनर्जी ठीक तो मुझे तो खैर यही समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर से एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी और ये बड़े वाले ड्रॉप की सरफेस एनर्जी इसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा था ठीक है और अगर ऐसा है कि भैया ये सारे का सरफेस एनर्जी टोटल सरफेस एनर्जी तो नहीं लिख रहा है वैसे अगर टोटल सरफेस एनर्जी की बात करता कि रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ ऑल द स्मॉल ड्रॉप एंड द लार्ज ड्रॉप तब फिर आप इसको यहां पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते तो ये टेन आता ये टेन आता फिर एक्स की वैल्यू वन आ जाती ठीक है लेकिन यहां पे टोटल सरफेस एनर्जी अब एग्जैक्ट क्या आ, उन्होंने वर्ड फ्रेम किया था उसके हिसाब से डिपेंड करेगा लेकिन अगर यहां से एक और यहां से एक कंपेयर कीजिएगा तब तो थाउजेंड आएगा ये टोटल इसकी बात कीजिएगा और इसकी बात कीजिएगा फिर एक्स की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी ठीक है चलो टोटल पूछा था सर ठीक है अगर ये वर्ड मेंशन है कि टोटल सरफेस एनर्जी की बात की जा रही है तब आपका आंसर वन आएगा ठीक है तब आपका आंसर वन आएगा ओके ओके टोटल था ठीक है तो मैंने जैसा बोला टोटल अगर था तब आपका आंसर फिर बनाएगा फिर आपको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक चलो एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का था हाँ हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का है अभी है है अभी आएगा आओ ये क्वेश्चन देखो ये एक ठीक ठाक अच्छा सा क्वेश्चन था और टू बहुत बढ़िया बेटा सक्षम 271 मार्क्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू थ्री फोर्थ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास देन वैल्यू ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन अर्थ विल बी तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर अर्थ के रेडियस को जो अभी इसका वैल्यू है उसका थ्री फोर्थ कर दिया जाए मास में कोई चेंज नहीं किया जाए तो भाई एक दिन का ड्यूरेशन कितना होगा अभी एक दिन का ड्यूरेशन कितना है भैया व्हाट इज द द ड्यूरेशन ऑफ डे तो आप बोलिएगा सर 24 आवर्स घंटा है तो अगर अर्थ के रेडियस को थ्री फोर्थ कर दिया जाए तो ये अच्छा सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको सोचना पड़ेगा कि भैया इसका क्या है ये किसी फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है क्या चेंज नहीं होगा तो सर सबसे पहली बात तो अर्थ अगर घूम रहा है अपने एक्सेस पे जिससे कि डे और नाइट बनता है ठीक उसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम है तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ चेंज किया सन जहां पे है जैसा है वो वैसा ही है अर्थ यहां पे घूम रहा है ठीक तो भाई जो फोर्स है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन और अर्थ के बीच आपने रेडियस चेंज किया उससे क्या वो फोर्स या वो टॉर्क चेंज हो जाएगा नहीं सर टॉर्क चेंज नहीं होगा मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो सर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे तो जो भी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम को कोई कोई भी अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो एंगुलर मोमेंटम को आई इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है तो आई इनिशियल बोल लीजिए आप ये बराबर हो जाएगा आई फाइनल इंटू ओमेगा सॉलिड स्पेयर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर राइट टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर टू बाई फाइव मास इंटू आर स्क्वायर ओमेगा

ड्यूरेशन ऑफ द डे मतलब टाइम पीरियड क्या होगा अब देखो जो जो कट रहा है उसको काटो भाई टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ये काट लो टू पाई से टू पाई काट लो यहां पे आ गया वन बाई ट्वेंटी फोर आवर और ये आ गया तीन ती आई नौ बाई चार चार सोलह इन टू टी फाइनल तो आठ दो आठ तीन तो टी फाइनल यहां से क्या आ जाएगा बेटा सत्ताइस बाई दो घंटा मतलब तेरह छब्बीस पॉइंट फाइव आवर तो नया टाइम पीरियड नया ड्यूरेशन डे का नया ड्यूरेशन कितना 13.5 आवर्स आवर्स तो 13 आवर्स मतलब तेरह घंटा और तीस मिनट तो यही हमसे पूछा जा रहा है कितना घंटा और तीस मिनट तो तेरह घंटा और तीस मिनट थर्टीन विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है ये सवाल सबको दिखा था क्वेश्चन ये सवाल क्या आपके शिफ्ट में दिखा था आपको नो जल्दी से बताइए अगला सवाल यस सर दिखा था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया केपलर्स थर्ड लॉ अगर आपको केपलर्स थर्ड लॉ लगाना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मेरे ख्याल से केपलर्स थर्ड लॉ अगर आप लगाना चाहें क्या आप लगा सकते हैं ओ, 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 ओ. मेरे हिसाब से तो नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है कि भैया यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं आया वहाँ पे क्या होता था कि थर्ड लॉ की जब आप बात करते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू तो आर क्यूब तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ पे ये होता था कि भाई आपने इस तरह से रेडियस को चेंज किया कि साथ ही साथ उसका मास भी चेंज होने लगा यहाँ पे चीज थोड़ी सी अलग है ठीक है यहां पे चीज थोड़ी सी अलग है इसलिए वो यहां पे आप नहीं लगा सकते सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज नहीं कर सकते चलो आओ आगे बढ़ते हैं इस तरह का कुछ देखने को मिला था कि भैया विच फेनोमेना ऑफ लाइट इज नॉट जस्टिफाइड वेव नेचर ऑफ लाइट यस और नो रिफ्लेक्शन भी ऑप्शन है अरे पांच ऑप्शन कैसे होगा यार दोस्त पांच ऑप्शन या फिर अगर पांच ऑप्शन होगा तो फिर तो फिर ऐसा होगा फिर ए बी सी डी करके ए बी इज ट्रू बी सी डी इज ट्रू इस तरह का कुछ हो सकता है राइट खैर ये बड़ा आसान सा सवाल था भैया कौन सा वेव नेचर ऑफ लाइट किसको सेटिस्फाई नहीं करता है ठीक है भैया डाइफ्रैक्शन वेव नेचर की वजह से होता है इंटरफेरेंस वेव नेचर की वजह से होता है पोलराइजेशन वेव नेचर की वजह से होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने खास तौर पे पढ़ा था और सारे लोग पढ़ते होंगे कि भैया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों हम लोग पढ़ते हैं कि भैया पार्टिकल नेचर होता तो क्या-क्या एक्सपेरिमेंट में आता वेव होता तो क्या-क्या एक्सपेरिमेंट में आता और किस तरह से ये पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करता ये सारे लोग जानते हैं तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड होता है और दैट विल बी योर आंसर ठीक इस टाइप का ऑप्शन था ओके 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 हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर देखो एग्जाम प्रेशर तुम हैंडल बेटा तभी कर पाओगे जब एग्जाम से पहले प्रेशर लिए होगे सिंपल सा है बड़ा सिंपल सा है यार मतलब एग्जाम से पहले अगर आपने अच्छे से तैयारी की और अच्छे से तैयारी की मतलब तुमने मेहनत की मतलब प्रेशर लिया तो देखो कभी ना कभी तो प्रेशर लेना पड़ेगा मतलब अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई टेंथ से एलिवेंथ में आए और दो साल तक कभी कुछ प्रेशर ही नहीं लिया फिर एग्जाम में भी प्रेशर ना हो तो ऐसा तो नहीं होता है दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा या तो एग्जाम में प्रेशर होगा और एग्जाम में प्रेशर होगा मतलब आपने एग्जाम से पहले प्रेशर नहीं लिया है और या तो आप एग्जाम से पहले आप प्रेशर लेंगे फिर आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं मिलेगा ठीक रिफ्लेक्शन होगा क्या नहीं रिफ्लेक्शन अगर ऑप्शन में था भी आपके मान लेते हैं कि चलो रिफ्लेक्शन आपके ऑप्शन में था तब भी तब भी रिफ्लेक्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि रिफ्लेक्शन पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को सेटिस्फाई करता है ठीक है तो दोनों से रिफ्लेक्शन प्रूव किया जा सकता है पार्टिकल नेचर से वेव नेचर से सिमिलरली रिफ्रैक्शन की अगर बात करो वैसे तो यहां पे नहीं दिख रहा है बट ठीक है रिफ्रैक्शन की भी अगर बात करें तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को सेटिस्फाई करता है दोनों में देखने को मिलता है ठीक है तो अगर रिफ्लेक्शन ऑप्शन में आपके था भी फिर भी आप उसको टिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बोला विच इज नॉट जस्टिफाइड बाई वेव नेचर रिफ्लेक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाई वेव नेचर रिफ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी जस्टिफाइड बाई वेव नेचर ठीक Okay. सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करेंट ऑफ टू एम्पियर तो दो प्लेट है किसी कैपेसिटर का बैटरी वगैरह कुछ आपने जोड़ दिया है लगा दिया है और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई इप्साला नॉ टाइम्स किस वजह से से होता है यहां पे सी बात है पे 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 बात जब आपने बैटरी से इसको लगाया तो ये होगा होगा कुछ जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब जैसे जैसे यहां पे चार्ज चेंज हो रहा है मान लो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है फुली चार्ज नहीं हुआ है अभी चार्ज हो रहा है धीरे धीरे ठीक है तो यहां पे चार्ज बदल रहा है ठीक जैसे जैसे यहां पे चार्ज बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से आपको होता है आपका, का, कंफर्म कर दीजिए ठीक है ये क्वेश्चन नहीं था ओके चलो ठीक है अब मुझे तो बताया गया कि ये क्वेश्चन था तो हम लोग उसको बना देते सॉल्व कर देते नहीं भी होगा अगर तो कोई बात नहीं ठीक चलो आज का मैच कौन जीतेगा आज का मैच वही जीतेगा जिसने दो साल अच्छे से पढ़ाई की होगी आओ ऑफ ऑफ फ्लक्स फ्लक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी भी चीज का फ्लक्स फील्ड इंटू एरिया चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बोलेंगे ई ए मैग्नेटिक फील्ड का होगा बोलेंगे बी इन टू राइट डिवाइडी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू एरिया अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ अगर ये लेंथ अगर एल है मान लो पैरेलल प्लेट के पास्टर के बीच में या डी बोल दो इसको ठीक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट अगर डी है मान लो तो वी वाई डी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल सकता हूं एरिया और डी तो कॉन्स्टेंट होगा इस प्लेट का नॉट बाई डी बाहर और डी वी वाई डी टी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करेंट अब इप्सालन नॉट ए बाई डी क्या होता है भाई ए बाई डी ये तो कैपेसिटेंस हो गया So C times dv by dt, क्या पूछ रहा है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोडेंशियल डीवी बाई डी टी हमसे पूछा जा रहा है, है. यह तो मैं आराम से बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट करेंट डिड बाई कैपैसिटेंस डिस्प्लेसमेंट करेंट दे रखा है दो एम्पियर और कैपेसिटेंस इसका है पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स ऊपर चला जाएगा तो टू इंटू टेन टू दावर सिक्स यहां पे ये आपका आंसर आ जाएगा अब अगर आप में ये एक सवाल नहीं आया तो कोई बात नहीं इसको इग्नोर कर दीजिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ये सवाल आपको देखने में मिला था एक थिन स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज देयर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफ़ेस ऑफ द स्फेयर एक स्फेरिकल शेल वगैरह कुछ है और रेडियस uh, दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द स्फेयर ये हमें बताना है यस सर बिल्कुल था चलो थोड़ा जल्दी करो बस हो गया बेटा मेरे ख्याल से इसके बाद एक आज सवाल और बचा है तो तो ये तो बड़ा सिंपल सा है मान लो भाई कोई शेल हो वैसे इस सवाल में आपको शेल था या स्फेयर था इसको जरा आप लोग कंफर्म कर दीजिए आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो बता पाएंगे शेल था इसमें या इस स्फेयर था मैं स्फेयर मान के चलता हूं और थिन स्फेयर की मैं अगर बात करूं तो थिन स्फेयर का मतलब होता है शेल ठीक है स्फेयर था स्फेयर तो था, था लेकिन अगर स्पेयर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या पतला सा स्पेयर है मतलब शेल है राइट right? अब इस पर मान लो क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड है रेडियस अगर आर है इलेक्ट्रिक तो फील्ड बाहर के पॉइंट पे क्या होता है सर बाहर के पॉइंट पे बाहर के किसी पॉइंट पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर राइट शेल था ओके चलो बहुत बढ़िया शेल था तो भैया बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर सरफेस पे क्या होगा सरफेस पे एक्स की वैल्यू आर मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर पाइपर अब ये सिग्मा के टर्म में अगर आप ऑप्शन है तो सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज डेंसिटी कितना होगा भाई साहब चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस एरिया बेटा फोर पाई आर स्क्वायर फोर बाई आर स्क्वायर को सिग्मा लिख लोगे क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर को और ये सिग्मा बाईस नॉट दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है ओके okay. ये तो काफी आसान सा एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था इससे आसान सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शायद ही कभी देखने को मिले चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अब इसमें आपको ट्रुथ टेबल बताना है कुछ इस तरह का सर्किट दे रखा था और ट्रुथ टेबल आपको बताना है तो ये तो आपका क्या कौन सा गेट है नॉट गेट है ये एंड गेट है ये और गेट है ठीक एक एक करके चेक कर लेते हैं मान लो पहले जीरो जीरो डालते हैं इस तरह का सवाल आप लोगों के शिफ्ट में देखने को मिला था ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन होगा मतलब बात है सवाल देखने को मिला था तो पहले जीरो डाल लेते हैं मान लो यहां पे जीरो डाला यहां पे जीरो डाला तो यहां पे अगर जीरो डाला तो इधर गया जीरो और ये भी इधर भी जीरो गया तो चूंकि ये नॉट गेट है तो जीरो का हो जाएगा इधर वन जीरो जीरो एंड गेट में एंड में करते हैं मल्टीप्लाई राइट right? तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही होता है राइट right? तो ये भी जीरो इधर से वन जा रहा है इधर से 0 जा रहा है ये है और गेट तो वन प्लस जीरो 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 डालिएगा तो वन तो मिलेगा तो जीरो जीरो पे वन मिलेगा तो ये और ये तो गलत है सर ठीक है अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा जीरो और वन कर लेते हैं एक काम करते हैं अब इधर ओहो oh, oh. ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया चलो जीरो और वन कर लेते हैं इधर से जीरो और इधर से वन ये दोनों तो गलत था यहां जीरो डाले इधर जीरो गया इधर जीरो गया यहां पे वन है तो जीरो का नॉट गेट जीरो का वन हो जाएगा और जीरो इंटू वन ये जीरो रहेगा वन और जीरो ये वन रहेगा और गेट है तो वन प्लस जीरो ये वन आ जाएगा तो जीरो वन डालेंगे तो वन आएगा तो जीरो वन में वन आ रहा है जीरो वन में जीरो आ रहा है तो ये गलत हो गया ये हमारा सही होगा बाकी आप चाहें तो एक दो और जो वन जीरो वन वन इनसे भी चेक किया जा सकता था ठीक है मिस यू बेटा कोई बात नहीं अगले साल फिर कभी मुलाकात होगी तो मेरे ख्याल से आज का फिजिक्स का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है अभी आपको आगे केमिस्ट्री वाले सर जुड़ेंगे मैथ वाले सर जुड़ेंगे आप मैथ्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन वहाँ से देखिए और ओवरऑल अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं, तो एक आध दो सवाल थे जिनको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख सकता हूँ या मैक्सिमम तीन चार बोल सकते हैं आप ठीक है uh, सारी चीज़ों को अगर देखते हुए सारे लोगों को के हिसाब से अगर देखते हुए चला जाए तो तीन से चार सवाल थे जिसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख सकता हूँ उसके अलावा जितने भी सवाल थे वो सब काफ़ी आसान सवाल थे और मेरे हिसाब से आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में जिन्होंने थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस करके गए होंगे पूरे पेपर को फिजिक्स के पूरे पेपर को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 45 फाइव टू फिफ्टी मिनट्स का समय लगना था उससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लेना था क्योंकि उस उतना समय आपको बचाना था मैथ्स में देने के लिए ठीक है जहां तक मेरा ख्याल है मैथ्स का पेपर थोड़ा तो न्यूमेरिकल जो पिछले दो दिन का देखा जा रहा है तो मैथ्स का टफ है तो आज का भी हुआ ही होगा वैसे मैंने अभी तक बात नहीं की है ठीक ओके चलिए तो इसी के साथ आज आप लोगों से अलविदा लेते हैं लव यू एवरी और फिर मिलेंगे इसी तरह किसी क्लास में किसी सेशन में तब तक के लिए बाय हेलो 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 एंड गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हो गया क्या हो गया अभी तो गुड आफ्टरनून ही है गुड आफ्टरनून एवरी वन क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दोनों एक साथ दे रहा हूँ एक बार बता दीजिए सिक्सटी परसेंट इलेवन का वेटेज है प्रियांशु जी कह रहे हैं लव यू पर मुझे तो नहीं कह रहे होंगे है ना नंबर कैसा गया है पेपर बहुत बढ़िया मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ सर लव यू लव यू बाई बहुत ही बढ़िया कैसा हुआ पेपर यार जिनका पेपर था मैं मेरे, मेरे को ये भी पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना वो चेक करने आए होंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में पेपर में आ क्या रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग जेई मेन्स सेकेंड अटेम्प्ट पेपर ऑफ टू मतलब आज का ही पेपर सिक्स अप्रैल फिफ्ट वन उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ

तो चलिए शुरू करते हैं इनो क्वेश्चन आर देर हाँ बिल्कुल इनऑर्गेनिक के तो बहुत सवाल इनो टाइप के थे तो चलिए एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल कॉम्पेरेटिवली अगर मैं देखूं तो जनरली थोड़ा सा लेंदी पार्ट रहता है के, ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी होता है चलिए तो शुरू करते हैं सर सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बेसिक सवाल है सवाल कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन लाइमन एंड बामर सीरीज लाइमन बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें क्या होता है सर एन वन और एन टू की वैल्यूज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एन टू मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है यह सीरीज होती है है ना ये एटम का स्पेक्ट्रम होता है और ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हम पढ़ते हैं इसमें एन टू की वैल्यू ग्रेटर देन एन वन हो सकती है कोई भी वैल्यू हो सकती है बट एन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट और सीरीज कौन कौन सी होती है सर लाइमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट और पी फंड है ना इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो एक सिंपल सा निमोनिक है लाल बालपाल भारत प्रेमी है और इसमें लाइमन के लिए एन वन की वैल्यू, वैल्यू वन होती है बामर के लिए टू होती है हमारे काम इतना ही है एक बात और याद रखना कि सर लाइमन के लिए जो ये सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए लाइक करती है ये कौन से रीजन में लाइक करती है इट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट बामर के लिए ये विजिबल रीजन में लाइक करती है और बाकी सभी के लिए इंफ्रा में लाइक करती है हो सकता है आगे ये सवाल आ जाए तो अगर हम बात करें सर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है फॉर लाइमन एंड बामर सीरीज तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर आपको लेमडा जो है वो मिनिमम रखना है तो आपको पता है सर एनर्जी का फॉर्मूला किसके हिसाब से तो अपने प्लैंक अंकल के क्वांटम थ्योरी के हिसाब से प्लैंक अंकल के क्वांटम थ्योरी के हिसाब से ये एच सी अपॉन लैमडा होता है तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो वेवलेंथ को मिनिमम रखना है तो एनर्जी को मैक्सिमम रखना होगा एनर्जी मैक्सिमम तब होगा एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब आपका गैप मैक्सिमम होगा तो हम क्या करेंगे सर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे वन पे इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे टू पे सीधी सीधी बात ठीक है यस सर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है हमें पता है सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए तो वन अपॉन लैमडा ये एल लिख देते हैं लैमडा एल का मतलब है लाइमन सीरीज के लिए हम निकाल रहे हैं ये किसके बराबर होगा सर तो आप बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट रेडबर्ग फॉर्मूला लगा लेंगे आर इंटू जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू होती है वन तो वन का स्क्वायर लगा लिया इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर है ना फॉर्मूला लगाएंगे अब सिंपली एन वन एन टू की वैल्यू पुट कर देते हैं एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर अगर तो मिनिमम रखना है तो अपने को गैप एनर्जी गैप मैक्सिमम रखना पड़ेगा इन्फिनिटी लाना पड़ेगा फिर अगर अपन वन अपॉन लैमडा बामर निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा आर इन वन ना?

ये हो गया ऊपर वन और नीचे हो गया वन बाई फोर माइनस वन क्या ये बात सही है बोलो हाँ ना ठीक है सर बोलो बोलो या आ, वन बाई फोर माइनस जीरो तो आप बोलोगे सिंपली वन बाई फोर हो गया फोर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आया लेमडा बालमर अपॉन लेमडा लाइमन ये किसके बराबर आया सर चार के बराबर लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है क्वेश्चन इज लाइमन को डिवाइड करो बामर से तो इसका जस्ट हम रेसिप्रोकल ले, ले लेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा बामर ये कितना हो जाएगा वन बाई फोर दैट इज पहला ऑप्शन आप सभी ने इसको सही कर लिया होगा दैट इज पहला ऑप्शन आप सभी ने इसको सही कर लिया होगा अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा बहुत ही सिंपल केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काइनेटिक्स से देखा गया है जैसे मैं एक बार अभी एनालिसिस कर रहा था हाल फिलहाल शिफ्ट वन के भी पेपर में तो सिफ्ट वन के पेपर में देखा गया काइनेटिक्स पर भर भर के सवाल आए यार डीएनएम ब्लॉक से भर भर के सवाल आए हैं इन दोनों टॉपिक से भर भर के सवाल आए हैं आगे चलते हैं सर इस सवाल की अगर, अगर अपन बात करें तो अपने को T99.9% और T90% पे सवाल पूछा है तो सिंपली अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थोड़ा सा खेल लेते हैं क्या तो मैं बोला देखो यार ए से हम मान लो B बना रहे हैं ठीक है टाइम T बराबर 0 पर इसके हमारे पास है ना टाइम T बराबर 0 पर इसके हमारे पास मान लो 100 पार्टिकल है तो ये 0 था किसी टाइम कब सर जब 99 परसेंट रिएक्शन हो गया तो इसको टी नाइनटी कर देता हूँ तो आप बोलोगे सर इसको 99.9 कंप्लीट करवा दो तो सौ का 99.9 कंप्लीट कराने का मतलब ये 0.1 बच जाएगा सर इसको यहाँ रोक देते हैं अगर हम 90% के लिए चले तो 90% के लिए हम सेम रिएक्शन लिखेंगे ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बी इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइम टी बराबर जीरो पर हम मान लेते हैं कि इसके 100 पार्टिकल्स थे और जब हम ए, क्या कहते हैं 99% या 90% परसेंट कंप्लीट कर लेते हैं तब कितने पार्टिकल बचेंगे तो आप बोलोगे सौ में से नाइन्टी चले जाएंगे सर नाइन्टी विल रिएक्ट तो बच जाएगा बचा हुआ पार्टिकल दस हो जाएगा अब सिंपली इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन लगा लेते हैं जो कि होता है के टी T कौन सा सर तो 99.9 किसके बराबर होगा आप बोलोगे बराबर होगा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी ए नॉट की वैल्यू कितनी है सो ए टी की वैल्यू कितनी है 0.1 इसके लिए सेम इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन तो आप बोलेंगे के टी यहां पर टी कौन सा 90 परसेंट कंप्टीशन का ये किसके बराबर हो जाएगा आप बोलोगे एल एन ए नॉट दैट इज हंड्रेड अपॉन एल एन ए टी मतलब टाइम टी पर ए की वैल्यू दैट इज इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको मैंने इक्वेशन वन बोला इसको मैंने इक्वेशन टू बोला आप कुछ मत करो वन डिवाइडेड बाई टू कर लो यहीं पर डिवाइड कर लेते हैं है ना वन डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे के टी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन अपॉन के टी नाइनटी ये किसके बराबर हो जाएगा एल एन टेन इसको सॉल्व करेंगे सिंपल है के से के कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लेते हैं ये पॉइंट जीरो को हटाएंगे तो ऊपर थाउजेंड हो जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी एलेन टेन की पावर थ्री अपॉन एलेन टेन इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है लॉग में पावर बाहर निकाल सकते हैं तो दिस इज थ्री एल एन टेन अपॉन एल एन टेन आप बोलेंगे सर द आंसर इज इक्वल्स टू थ्री इसका आंसर थ्री आ जाएगा सर कल को ऐसा सवाल भी तुमसे पूछा जा सकता है कल को ऐसा सवाल भी तुमसे पूछा जा सकता है कि जिसमें आपसे सिंपली ये सवाल पूछे कि मेरे को ये बता दो आपसे सिंपल सा ये सवाल पूछे कि मेरे को ये बता दो कि टी नाइन्टी नाइन परसेंट याद रखिएगा टी नाइन्टी नाइन परसेंट कितने टी हाफ के बराबर होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर या फिर टी 99.9% नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कितने टी हाफ के बराबर होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर यह सवाल भी बहुत कॉमन है दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी कॉमन इसको याद रखिएगा हाँ बिल्कुल एक बच्चा जैसे अंकित सही आंसर भी कर रहा है सर ये टेन टी हाफ के बराबर होता है बहुत ही बढ़िया चलिए आगे चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं सर अगले सवाल पे चले तो ये फिर आपके इसको आप लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन कह लो आप इसको मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्वेश्चन कह लो सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सवाल है सिंपल सवाल किसका है सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का तो आइए देखते हैं ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ है ना एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इज इतना ग्राम पर एम आपसे पूछा है मोलारिटी या मोलैलिटी इज इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब बड़ एम निकालना है छोटा एम दे रखा है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इन दोनों के बीच का रिलेशन है दैट इज छोटका बराबर, M, M, इन्तु एम बराबर थाउजेंड टाइम्स बड़का एम अपॉन थाउजेंड इन टू डी माइनस एम इंटू एम एम सोल्यूट अब इसको अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं मैं बता देता हूँ उसमें टर्म्स का मतलब क्या है यहाँ एम छोटा एम का मतलब मोलैलिटी है बड़े एम का मतलब मोलारिटी है D का मतलब है डेंसिटी M का मतलब अगेन इट इज मोलारिटी और एम एम सोल्यूट का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो हमें X की वैल्यू निकालनी है है ना तो हम बोलेंगे सर छोटका M इज थ्री तो हमने रखा थ्री किसके बराबर हो जाएगा थाउजेंड इंटू बड़का M, इसको डिवाइड किससे करेंगे सर तो आप बोलेंगे थाउजेंड इंटू डेंसिटी डेंसिटी की वैल्यू है इतना तो ये हो जाएगा वन वन टू जीरो माइनस बढ़ के एम की वैल्यू हमें निकालनी है यही इसी की वैल्यू हमें पता करनी है और इन टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहां पे कितना आ जाएगा सर तो आप बोलेंगे द मोलर मास ऑफ सोल्यूटर इज एन एच का मास दैट इज 40 इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे और एम की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करूँ या आप कर लेंगे बताइए सॉल्व करूँ क्या हाँ सोल्व कर लेंगे कि मैं कर दूं सॉल्व कर लेते हूँ चलो देख ही लेते हैं तो इसके बाद क्या हो जाएगा सर आप बोलोगे थ्री इज इक्वल टू थाउजेंड एम अपॉन इसको सॉल्व करते हैं वन वन या इसको इस तरफ भेज देते हैं ना इसको इस तरफ भेज देते हैं सीधा एक ही बार में कर लेते हैं दिस टर्म गोज तो ये हो गया थ्री थ्री सिक्स जीरो माइनस फोर्टी इंटू थ्री दैट इज वन ट्वेंटी एम ठीक है वन ट्वेंटी एम इसको उधर भेज के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थ्री के आसपास आ रहा है बी के आसपास आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया सिंपल सा सवाल था दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल अगेन अब आप देखोगे अगर आप चेक करोगे तो ये सवाल इलेवेंथ का है ये सवाल चलो 12वीं का है ये सवाल फिर से इलेवेंथ स्टैंडर्ड का ही आप कह सकते हैं अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इलेवंथ स्टैंडर्ड तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं देखूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री वॉज इलेवंथ स्टैंडर्ड हैवी मतलब इलेवंथ स्टैंडर्ड ज्यादा आया था फिजिकल केमिस्ट्री में और वैसे भी ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की डिफिकल्टी देखोगे तो इलेवंथ में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपैरिजन टू टूवेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें दो तीन चैप्टर ही बचे हुए हैं और बहुत आसान आसान कंपेरेटिवली चैप्टर होते हैं चलिए आगे आ जाते हैं सर इसकी बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एथ ऑर्बिट कैन बी रिलेटेड एज अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये प्रोपोर्शनल किसके होगा सर वेलोसिटी अपॉन रेडियस के Velocity अपॉन रेडियस के वैसे भी आप अगर मान लो कभी तुम्हें फार्मूले में डर लग रहा हो कि सर क्या होगा मैं भूल जाता हूं सर रेडियस अपॉन फार्मूला होगा या रेडियस अपॉन वेलॉसिटी के प्रोपोर्शनल होगा या velocity अपॉन रेडियस के मतलब बेसिकली फार्मूला होता है velocity अपॉन टू पाईआर सर कंफरेंस क्योंकि हम सर्कुलर मोशन यहां पे करते हैं तो आप बस इतना याद रखना कि यार velocity की जो यूनिट होती है ना ये मीटर पर सेकेंड होती है या मीटर बाई सेकेंड है ना और आर की जो यूनिट होती है मीटर होती है और आपको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ड दैट इज सेकंड इन्वर्स होनी चाहिए और सेकंड इन्वर्स लाने के लिए आपको वेलोसिटी को ऊपर रखना पड़ेगा आर को नीचे रखना पड़ेगा तभी आएगा तो यूनिट से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो यूनिट से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला सिंपल आ गया वेलोसिटी वेलॉसिटी किसके प्रपोर्शनल होता है सर तो इट इज प्रपोर्शनल टू जेड अपॉन एन है ना और अगर आप बात करें सर रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है तो आप बोलोगे रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन दोनों का रेशियो लोगे तो यह आया जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब यह आ गया आपका जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब जो कि पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा अगेन दिस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा सवाल है बहुत बहुत इजी टाइप का सवाल है सवाल क्या कह रहा है देखो सुन लो

कुछ बच्चे क्या करने होंगे मतलब ठीक है इट्स वेल एंड गुड उन्होंने क्या किया कि ऐसे लिखा और two कर दिया सिंपल सवाल है सर आपको पता है जो भी प्रेशर हो भाई टोटल प्रेशर कितना है आप बोलोगे सर टोटल प्रेशर जो है ना एक बार है ठीक है एक बार है और हमें यह भी पता है सर इक्विलिब्रियम पे सभी के इक्वल मोल हैं सभी के इक्वल मोल है भाई अगर मोल इक्वल है टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब सभी का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होगा ये तो डाल्टन अंकल ने बताया है ना कि अगर एक से अधिक मिक्सचर गैसेस मिक्सचर है तो नंबर ऑफ मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पे सीधा टी इक्विलिब्रियम पे सभी का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे सभी का पार्शियल प्रेशर बराबर अगर इसका पार्शियल प्रेशर पी तो इसका भी पी और इसका भी पी क्यों क्योंकि ये लिख रखा है सवाल में कि सभी के पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है और सभी के पास अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो आप बोलोगे सर के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी के पी हो जाएगा इसके प्रेशर का स्क्वायर तो ये हो गया पी का स्क्वायर अपॉन दिस प्रेशर इनटू दिस प्रेशर दैट इज अगेन पी का स्क्वायर तो के पी की वैल्यू आपकी आगे वन के पी की वैल्यू अगर वन आई केपी की वैल्यू अगर वन आई तो आप बोलोगे सर एक्स इंटू टेन की पावर माइनस वन किसके बराबर है वन के एक्स किसके बराबर है टेन के मैंने कोई अज्यूम अजप्शन किया ही नहीं भाई मैंने बोला सबका प्रेशर बराबर है ना तेरी मर्जी है तू दस एटमॉस्फेयर मान ले सबका प्रेशर तूने बोला अच्छा एक और काम करते हैं सर अगर सबका प्रेशर बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं पी टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पी प्लस पी प्लस पी ये कितना आया थ्री फिर आप बोलोगे सर ये थ्री हमें दे रखा है एक बार के बराबर है तो इसको एक बार के बराबर कर ले एक बार के बराबर करने के बाद तू बोलेगा प्रेशर हो जाएगा वन बाई थ्री बार फिर तू यहां वन बाई थ्री लिखू यहाँ वन बाई थ्री लिख यहां वन बाई थ्री लिख अंत में वन बाई थ्री को डिवाइड तो वन बाई थ्री के स्क्वायर को वन बाई थ्री के स्क्वायर से ही करेगा ना तो पूरा करने की जरूरत नहीं है पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं बिना की है बिना मेहनत किए बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो सकता था बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो सकता था क्या मेरी बात क्लियर है जल्दी से बता दीजिए फिर हम आगे चलते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बताइए हाँ या ना फिर इसके बाद एक और सवाल पे चलते हैं सर <clears throat> एक और सवाल है आ, ये वाला अब इस सवाल को अगर अपन देखेंगे इस सवाल को अगर अपन देखेंगे है ना तो ये थोड़ा दो टाइप का डाइसी सा सवाल है ये सवाल इनकम्प्लीट नहीं मतलब ये सवाल मेरे को थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है बट इसको देख लेते हैं सवाल क्या है दिस इज अगेन लिक्विड सोल्यूशन का सवाल है बारहवीं का चैप्टर पहला चैप्टर सवाल कह रहा AB. AB है 0.3 मोलर ऑफ ए ए बी बी एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि टूट रहा है डिसोसिएट्स की वैल्यू हमें दे रखी है देन वॉट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन एट थ्री हंड्रेड केलविन अब मेरी बात सुनना और समझने की कोशिश करना सर हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को निकालने का फॉर्मूला होता है आईसीआर टी जहां पर आई क्या है वेंट ऑफ फैक्टर सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलैरिटी में जनरली लेते हैं आर इज आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर आपको ऐसा SI यूनिट में चाहिए तो 8.314 ले सकते हैं और एटमोस्फेयर लीटर में चाहिए तो दूसरी यूनिट ले सकते हैं जीरो और टी इज टेम्परेचर अब इस पूरे इक्वेशन को देख के अगर मेरे को केसी की वैल्यू दे रखी है इतना और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ग्राफ पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तो भाई अगर केसी की वैल्यू टेन की पावर माइनस थ्री से छोटी होती है और अगर केसी की वैल्यू कभी भी टेन की पावर माइनस या टेन की पावर थ्री से बड़ी होती है तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है है ना इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम का ठीक ठाक सा होगा। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से यूज होंगे माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच और अगर इस तरफ वाला पार्ट आ गया तो इस तरफ वाले में हम बोलेंगे ऑलमोस्ट तो इनकम्प्लीट और अगर रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है इसका 0.3 मोलर हमने लिया था तोड़ेंगे कुछ बनेगा ही नहीं यार देख लो अगर रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है लेट सपोज तो हम बोलेंगे सर देखो ये ए बी है आप बोलेंगे हाँ ये टूटेगा हाँ ये बना के देगा ए प्लस और बी माइनस आपने बोला सर ये ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है तो टाइम टी बराबर जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था टाइम टी बराबर जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो था ये कुछ भी नहीं था ठीक है सर जब इक्विलिब्रियम कर गया तो ये ऑलमोस्ट 0.3 ही रहेगा पता है क्यों क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगा या आप चलो कर लो ऐसे कम कर लो भाई इसको आपने बोला कि सर ये 0.3 पॉइंट माइनस एक्स होगा ये बन जाएगा एक्स ये बन जाएगा एक्स अब ये आपको ये बताता है कि आप मान के चलो कि ये बिल्कुल टूटा ही नहीं है तो आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना कर लोगे आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो ही कर लेंगे अब यहां से के के लिए वैल्यू रखेंगे के के लिए वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम यहां पे क्या है मैं बता देता हूं यहां पे ना रूट में वैल्यूज आ रही है यहां पे रूट में वैल्यूज आ रही है अच्छा 0.03 था हाँ तभी मेरे को लग रहा था कुछ तो दिक्कत है ठीक है अगर ये जीरो था तो अपना काम ही हो गया अब अगर ये जीरो है तो कुछ नहीं करना है भाई इसको सॉल्व कर लेना इसको सॉल्व कर ले, ले सिंपली कैसे करेंगे आप बोलोगे सर देखो ना इक्विलिब्रियम पर अगर हम देखें तो ये 0.03 पॉइंट जीरो किसके बराबर हो जाएगा आप बोलोगे केसी विल बी इक्वल टू एक्स इन एक्स डिवाइडेड बाई है ना 0.03 है ना 0.03 अगर आप कह रहे हो कि इफ इट इज़ 0.03 पॉइंट जीरो थ्री यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री कर लेते अब वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वही मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि एक एक्जैक्टली कट नहीं रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा भाई बोलो 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 तो आप बोलोगे सर ये बराबर आ जाएगा अपने ये किसके बराबर वन पॉइंट टू इन टू टेन की पावर माइनस फाइव के इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा सर एक्स की के सी की वैल्यू दे रखिए एक्स की वैल्यू यू विल गेट एक्स और एक्स की वैल्यू मिलते ही आपको सब मिल जाएगा x की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी x की वैल्यू मिली तो तुम यहाँ से चाहो तो अल्फा भी निकाल सकते हो c अल्फा स्क्वायर से अल्फा भी निकाल सकते हो अल्फा को अपन पुट कर सकते हैं i का फॉर्मूला होता है क्या वन प्लस एन माइनस वन इंटू एल्फा यह कब होता है सर जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा है इसमें पुट करेंगे आई की वैल्यू निकालेंगे सी में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डेटा वाइज पॉइंट पर कुछ गड़बड़ लग रहा था वो आपने सुधार दिया कि बोला नहीं सर ये ऐसा आ जाएगा तो स्क्वायर करने में अब दिक्कत नहीं आएगी स्क्वायर करने में अब दिक्कत नहीं आएगी चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूं तो इलेवंथ वॉज हैवी है, है ना फिजिकल केमिस्ट्री में इलेवंथ हैवी था ट्वेल्थ लाइट था मतलब ट्वेल्थ हल्का हल्का सा था ठीक ठीक सा था ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए थे सारे सवाल मिले भी नहीं है ट्वेल्थ के ठीक है चलिए अब इनऑर्गेनिक का भी, भी डिस्कशन कर लेते हैं आई होप आपके सारे सवाल सही हुएंगे कोई भी सवाल मेरे को ऐसा नहीं लगा जो एकदम आउट ऑफ द लाइन जाके था और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप तुरंत कर सकते हो आप एकदम क्या बोलते हो गोली की रफ्तार से सवाल कर सकते हो ईनो वाले थे यार छः-छः सेकंड में होने वाले सवाल और अब इनऑर्गेनिक देखोगे तो मजा ही आ जाएगा इनऑर्गेनिक में तो मतलब ऐसे फ्री के नंबर बांट रखे हैं यार सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रहा सवाल क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन शो एच बॉन्डिंग अमॉन्ग फॉलोइंग इनमें से एच बॉन्डिंग कौन दिखा सकता है हमसे ये नहीं पूछा है कि कौन इंटरमोलिकुलर कर रहा है या इंट्रामोलिकुलर कर रहा है आपको बोला कि भाई बस एच बॉन्डिंग करा दो तो मैं बोलूंगा ठीक है एच बॉन्डिंग कौन करता है तो आप सभी को याद होगा मैंने बता रखा है वैजेज में कि भाई एच बॉन्डिंग को देखने के लिए हमें सताया हुआ हाइड्रोजन चेक करना पड़ता है सताया हुआ हाइड्रोजन जहां पे भी होगा वो एच बॉन्डिंग कर देगा मिथेनॉल में आप देखोगे ऑक्सीजन इज अटैच मतलब हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन मतलब ये सताया हुआ हाइड्रोजन है तो ये कर जाएगा सर पानी में आप देखोगे ये हाइड्रोजन भी सताया हुआ है तो कर जाएगा ये दिस इज इथेन इथेन में सताया हुआ हाइड्रोजन नहीं है जनरली सताया हुआ हाइड्रोजन कौन होता है तो ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो उस हाइड्रोजन को हम सताया हुआ हाइड्रोजन कहते हैं अगर हम मीथेन ये बेंजीन की बात करें तो बेंजीन भी आंसर नहीं होगा इसकी बात करें तो ऑक्सीजन इज अटैच टू हाइड्रोजन तो ये भी सताया हुआ हाइड्रोजन है एच एफ में भी आप देखेंगे दिस हाइड्रोजन इज सताया हुआ हाइड्रोजन एन एस थ्री में भी आप देखेंगे तो दिस हाइड्रोजन इज सताया हुआ हाइड्रोजन तो, तो टोटल आंसर हो गया एक दो तीन चार पांच तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फाइव ठीक है अगर मान लो इतने ही कंपाउंड थे तो आंसर फाइव होगा अगर कंपाउंड एक आधा कम ज्यादा थे तो उसके हिसाब से अपन चेंज कर लेंगे उसके हिसाब से आंसर और एड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है उन्नीस बीस कुछ देखने को मिले अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगेन केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है पिछला सवाल भी केमिकल बॉन्डिंग का था एच बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही सवाल है सवाल क्या कह रहा है लिस्ट वन में हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल दे रखे हैं लिस्ट टू में हमें उनका शेप दे रखा है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम एन की बात करें तो आप सभी को पता है एनएच में पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के पास पांच में से एक गया चार इलेक्ट्रॉन बचा इसने चार बॉन्ड बनाया और चार पेयर जीरो लोन पेयर इसका मतलब ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन के साथ टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो सबसे पहले एक का टू चेक कर लेते हैं एक का टू इस ऑप्शन में है बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं ठीक है वैसे मैं सारे मैच करा दूंगा एक का टू अपन चेक कर लेते हैं ए का टेट्राहेड्रल आंसर आ गया ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी हमारे पास सवाल क्या है सर मेमोरी बेस्ड है इसी के लिए मैं बाकी सारे भी सॉल्व करूंगा लेकिन आपके पास तो जेई का पेपर था ना जेई के पेपर में तो ऐसी गलती हो नहीं सकती बट फिर भी एक आधा क्रॉस चेक और कर लेते हैं अगर हम इसकी बात करें इस आयन का नाम मेरे को बता सकते हो क्या इस आयन का क्या नाम है बी आर ओ थ्री नेगेटिव को हम कौन सा आयन बोलते हैं भैया बताओ 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 बी आर ओ थ्री नेगेटिव को हम कौन सा आयन बोलते हैं पर ब्रोमेट ब्रोमेट ब्रोमाइट या हाइपोब्रोमस या हाइपोब्रोमाइट सॉरी कौन सा आयन बोलते हैं तो ये देखते हैं अगर हम इसकी बात करें सर तो इसमें आप देखेंगे ब्रोमीन है ना के पास एक दो तीन चार पांच छह सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन फूफा जी टाइप का लोग है तो एक ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज लेगा दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर आप इसको जैसे ही देखेंगे इसमें वीएससीपी चार का सवाल है वीएससीपी चार में आप स्टेरिक फैक्टर चार का सवाल है जिसपे एक लोन पेयर है तो ये पिरामिडल सेप का होगा पिरामिडल कह लो या है ना पिरामिडल कह लो या ट्राइगोनल पिरामिडल कह लो तो आप बी आर ओ थ्री का स्ट्रक्चर चले जाएंगे पिरामिडल शेप पे फिर अगर अपन एस एफ फोर की बात करें तो एस एफ फोर भी ये सब तो बेसिक सवाल है यार हर हर टीचर की कॉपी में मिलेगा ये बेसिक सवाल है आयन इज द करेक्ट आंसर बहुत ही बढ़िया मतलब ये हर टीचर के आपको कॉपी में मिलेगा इसको देख लेते हैं सर एस एफ फोर एस एफ फोर की बात करें तो आप बोलोगे सल्फर के वेलेंसल में एक दो तीन चार पांच छः इलेक्ट्रॉन है इस पर एक फ्लोरिन दो फ्लोरिन तीन फ्लोरिन चार फ्लोरिन और एक लोन पेयर तो यहां पे VSEP कितना हो गया सर पांच का सवाल है विथ वन लोन पेयर VSEP पांच विथ वन लोन पेयर कभी भी TBP बी जोमेट्री में लोन पेयर जाता है हमेशा कौन से पोजीशन पर बताइए एक्सेल या इक्विटोरियल तो द करेक्ट आंसर इज इक्विटोरियल पोजिशन और ये इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा सर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम सी सॉ स्ट्रक्चर कहते हैं तो दिस इज सी शॉस स्ट्रक्चर तो ये इसका आंसर हो गया तीन और आखिरी बचा बी आर एफ थ्री बी आर एफ थ्री इज बेंच टी शेप याद रखना जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं उन सभी का जोमेट्री स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस ज़रूर याद रखना है ना उन सभी का ये सारी चीजें जरूर याद रखना ये गोलू मोलू वाले यहां भी आ गए हैं <laughs> तुम यहां भी आ गए चलो अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सवाल आना बट ऑब्वियस है हर बार ही आएगा है ना हर बार ही आएगा देखते हैं अगर हम बात करें विच कंपाउंड विल एब्जॉर्ब लाइट एट मोर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब लाइट की बात करी है। अब मैं जो कह रहा हूं सुनते जाना सर लीगेंड का जो स्ट्रेंथ होता है ना लीगेंड का जो स्ट्रेंथ होता है जितना ज्यादा होगा डेल्टा उतना ज्यादा होगा डेल्टा का मतलब गैप उतना ज्यादा गैप जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और आपको पता है सर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हाँ ना लेकिन एब्जॉर्ब या एमिटेड ये बताओ तो आप बोलोगे सर अगर हम इसकी बात करें तो एब्जॉर्ब लाइट की फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी नीचे से ऊपर जाने में तो आप बोलोगे सर एनर्जी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा और वेवलेंथ उतना कम तो इसमें से सबसे स्ट्रांग फील्ड ली कौन है बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड ली कौन सा है तो आप बोलेंगे सर ली का फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो सी एन नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है है ना अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रांग फील्ड कौन सा है सर आपका CN नेगेटिव सी एन नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल तो भाई साहब इसको देख के तो हंसी आ गई मुझे मतलब मैंने जब देखा कि क्यों एग्जाम ले रहा है सवाल <laughs> क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंथेनोइड लैंथेनॉइड कह लो या लैंथेनाइड कह लो बात एक ही है आपको इसके लिए ट्रिक बता रखी थी क्या सिर पर नदिया प्रेम की समाई यूं ही गदगद गद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम वाई बी लो अगर आप इनको देखेंगे तो ये फोर्टीन एलिमेंट्स लैंथनम इज नॉट अ लैंथनाइड याद रखना ये बात हमेशा याद रखना कि लैंथनम इज नॉट अइड याद रखिएगा ठीक है तो अगर हम इसमें बात करें इसमें से कौन कौन से लैंथनम लैंथनाइड नहीं होता वही मैं समझ गया इस सवाल में ट्रिक्स ट्रिक क्वेश्चन ही आइडिया होगा कि भाई लैंथनम भी डाल देते हैं आधी जनता फंस जाएगी इसमें और तो इसमें कुछ है ही नहीं तो आप बोलोगे सर लैंथनम नहीं है है ना तो अब गाना गा लेते हैं सिर पर नदियां प्रेम की समाई नहीं है सर ही गदगद यू ही भी है गदगद भी है तब दिल हुआ इंजीनियर तुम भाई भी लो तो कैडमियम और लैंथनम छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा अगर कल को तुमसे एक्टिनाइड्स के बारे में पूछ ले अगर कर, अगर कल को तुमसे एक्टिनाइड्स के बारे में पूछ ले तो एक्टिनाइड का भी निमोनिक होता है मैं बोल देता हूं उसको याद रखना तुम्हें है ना पढ़ाऊं न्यूज पेपर फिर पुराना आम कम बीके फिर कैफे में ऐश फरमाते मडोना और लारा ये हो गया आपका एक्टिनाइट्स ये सारे के सारे एक्टिनाइट्स हो गए और इसमें भी याद रखना एक सवाल जो मेरे को लगता है कभी एक्टिनाइट से आ सकता है वो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एन में स्पेसिफिकली दे रखा है इस पर जेई एडवांस ने भी सवाल पूछ रखा है हो सकता है कलकोमेंट्स में फिर से सवाल आ जाए हो सकता है कलकोमेंट्स में फिर से सवाल आ जाए आगे बढ़ जाए क्या चलिए अगले पर चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी ईजी क्वेश्चन ये आप कह लो इनऑर्गेनिक का सवाल कह लो आपका मन है इसको आ, क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल कह लो सवाल कह रहा है एन की रिएक्शन हम टाइम के साथ करते हैं इन एसिडिक मीडियम ये हमें एम एन प्लस टू देता है और सी टू बना के देता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एम एन इन द प्रोडक्ट इज एम एन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा तो आपको पता है सर एम एन प्लस टू की अगर हम बात करें तो एम एन प्लस टू गोज़ टू थ्री डी फाइव थ्री डी फाइव का मतलब है इसके पास पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैसे स्पेसिफाई करना चाहिए था इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एन इन टू एन प्लस टू जहाँ पे एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ भाई इसका जो वैल्यू आती है ना वो रूट अंडर पाँच है ना तो पाँच से एक बढ़ा दो स्क्वायर ले लो कितना हुआ छः का स्क्वायर छत्तीस उससे एक कम कर दो थर्टी फाइव है ना मतलब जो भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उससे एक बढ़ा के उसके उससे एक बढ़ा दो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसमें ऐड करो वन स्क्वायर करो माइनस करो वन तो ऐड करना और सब करना ये बराबर हो गया एक तरीके से मानो मैथमेटिकली तो बराबर नहीं है क्योंकि तुमने स्क्वायर करने के बाद सब किया है वन तो ये रूट अंडर थर्टी फाइव आएगा रूट अंडर थर्टी फाइव किस इंटीजर के करीब होगा सर तो आप बोलोगे सर सिक्स के करीब होगा तो इसका आंसर जो है वो नियरेस्ट इंटीजर में कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा या जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे एक बढ़ा के आंसर लिख देना हमेशा वही आएगा जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उससे एक बढ़ा के आंसर लिख देना कभी भी कैलकुलेट करने मत जाना ठीक है बोलो हाँ या ना। कभी भी कैलकुलेट करने मत जाना गधों की तरफ क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है

डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो एम्फोट्रिक नेचर का होता है और प्लस फाइव टू प्लस सेवन वाले ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इसमें धोखे भी हैं सर धोखा क्या है कि सर बेसिक ऑक्साइड में एक ऑक्साइड है जिसको हम कहते हैं एस सी टू ओ थ्री हाँ नहीं सर एस सी टू ओ थ्री नहीं सी आर टू ओ थ्री ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है सर दिस इज एम्फोट्रिक इन नेचर प्लस फाइव टू सेवन में एक प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है वी टू ओ फाइव वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड ये भी एम्फोट्रिक नेचर का होता है अब आइए सवाल करते हैं क्रोमियम इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम इन प्लस सिक्स आप बोलेंगे ये तो एसिडिक है सर बाकी ये दोनों बेसिक और एम्फोट्रिक आ गए अब हमसे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है क्रोमियम इन प्लस टू एंड क्रोमियम इन प्लस थ्री क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है फोर एस वन आउटर मोस्ट का थ्री डी फाइव फोर आप बोलेंगे क्रोमियम प्लस टू का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से डी फोर कॉन्फिग्रेशन है सर ये कितना कॉन्फिग्रेशन है डी फोर इसकी बात करिए कौन सा कॉन्फिग्रेशन है सर एक इलेक्ट्रॉन यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां से यह D3 थ्री कॉन्फिगरेशन है ठीक है D4 फोर कॉन्फिग्रेशन के लिए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो मैंने आपको बताया एक बढ़ा के नियर अबाउट में आंसर आएगा एक बढ़ा के मतलब ये 4.89 ऐसा कुछ होगा 4.8 4.9 इसकी अपन बात करें इसका आंसर D3 के लिए अगर आप देखोगे तो इससे एक बढ़ा दो थ्री से आगे जाओ फोर फोर से थोड़ा सा कम है ना फोर से थोड़ा सा कम मतलब ये भी थ्री पॉइंट के आसपास होगा आप इसको सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है सर ये कितना आ रहा है बताओ 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 सर सारे एम्फोट्रिक बता दीजिए डी ब्लॉक का बता दिया ना यार एक तो प्लस फोर में जो है वो एम्फोट्रिक होगा प्लस थ्री वाला ये प्लस फाइव वाला ये ये सारे एम्फोट्रिक है ठीक है भाई इसको ऐड कर लोगे ना यार अबे चार में फोर पॉइंट एट जोड़ोगे मतलब ये भी चार है इसको फोर पॉइंट फाइव मान लो चार में अगर फोर पॉइंट फाइव जोड़े तो ये हो गया मतलब नाइन के आसपास आंसर आ जाएगा है ना द आंसर विल बी नियर अबाउट नाइन सिंपल है चलिए इसके बाद आगे आते हैं इसके बाद अगर हम अगले पे चले सर नेक्स्ट पे इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चले हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं जनाब के पंजाब एंड सिंध हाँ बिल्कुल चलिए अगला सवाल फिर से अगर आप देखोगे फिर से ये बहुत सिंपल केमिकल बॉन्डिंग से कितने सवाल आ गए यार केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल मात्र से कितने सवाल आ गए बताओ है ना हाँ सर कौन सी क्लास का क्वेश्चन है भाई ये आ, क्या कहते हैं यूकेजी में पढ़ाते हैं यूकेजी <laughs> बोले तो अपर किंडर गार्डन <laughs> चलिए देखते हैं एस पी थ्री डी टू हाइबिटाइजेशन में ऑप्टाइड्रोल जोमेट्री होती है सोचना ही नहीं है और है इधर सीधा टकरा जाते हैं तो पी का ए पी का ए का एस पी थ्री में टेट्रा चेक डी एस पी टू में स्कोर प्लेनर एस पी थ्री डी में पेंट ट्राइगोनल बाई पेरामिडल टीबीपी आंसर आ गया सिंपल है बहुत सिंपल सवाल बोलो हाँ ना क्लियर है बैच में पी डी एफ कहाँ मिलेगी पी डी एफ आपको मिलेगा आ, इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जब आप टैप करेंगे है ना मतलब या डिस्क्रिप्शन जो है ना डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन ही डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर चलिए आगे चलते हैं सर इसके बाद शायद आखिरी आखिरी का सवाल होगा दो तीन सवाल बचे हैं अगला सवाल गैलियम से रिलेटेड भाई साहब कोई भी मास्टर पी ब्लॉक अगर पढ़ाता होगा तो वो ग्रुप थर्टीन में ये बात जरूर बताता है कोई भी मास्टर अगर पी ब्लॉक पढ़ाता है ग्रुप थर्टीन में ये बात सर डी एस पी टू एक्सप्लेन कर दो प्लीज़ अरे डी एस पी टू आपका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन uh, कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन यहां पे डी जो होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा खैर वापस आते हैं इस पर तो गैलियम इज यूज फॉर हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर बिल्कुल सही बात है एनसीआर की लिखी हुई लाइन है गैलियम कैन बी यूज कैन मेजर

है ना टू सिक्स सेवन सिक्स केलविन तक इतने टेम्परेचर रेंज में ये लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी नहीं रहता मरकरी के बारे में एक सिंपल सी बात बता रहा हूं है ना इतने टेम्परेचर रेंज पे ये किस स्टेट में रहता है सर इतने टेम्परेचर रेंज में लिक्विड स्टेट में रहता है तो ये बड़े आराम से काम करेगा अब प्रॉब्लम क्या है सर इधर वाले टेम्परेचर रेंज में इधर वाले टेम्परेचर रेंज में ये सॉलिड है इधर वाले टेम्परेचर रेंज में ये क्या है सर गैस स्टेट है तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टेम्परेचर रेंज में सॉलिड है अब सॉलिड कैसे फॉल और राइज करेगा कर ही नहीं सकता तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स तो पहला वाला टूरू दूसरा वाला फॉल्स बहुत स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट वन फॉल्स गलत है स्टेटमेंट वन एंड ट्रू बोथ आर ट्रू गलत है स्टेटमेंट वन ट्रू और सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है याद रखना मेटल की अगर हम बात करें तो कुछ मेटल होते हैं जो हथेली पे जाके मेल्ट कर जाते हैं कौन कौन है उसमें से सीजियम है। और आ, मतलब सीजियम है और गैलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हथेली पे जाके मेल्ट कर जाते हैं ये बात याद रखिएगा फिर मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है बॉडी टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हम ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस मानते हैं सिर्फ एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर दैट इज ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन जो है वो क्या होता है सर आपका रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है आगे चलते हैं सर इसके बाद अगले सवाल पे अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सिंपल फिर से किसका सवाल है सर ये सवाल है बहुत सिंपल टॉपिक पे जिसका नाम है टेबल सवाल क्या है सर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सभी में देखोगे तो ये ई इलेक्ट्रॉन गेन थेपी की बात कर रहे हैं आपको आरबीआई दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन थेपी पे याद रखना बेरीलियम मैग्नीशियम फिर आपका नाइट्रोजन और श्री श्री एक हजार आठ नोबल गैसेस ये सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं

और इसी ए से ए नेगेटिव से अगर हम ए माइनस टू जा रहे हैं इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ई टू तो इसमें एक बात याद रखना कि सर ई ई वन जो है ना दुनिया के किसी भी एलिमेंट के लिए फॉर एनी एलिमेंट इट कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेज में पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा यही वाला एग्जाम्पल बेरीलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन और श्री श्री एक हजार आठ नोबल गैसेज इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा सर इनमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव लेकिन दुनिया का कोई भी एलिमेंट दुनिया का कोई भी ऐसा एलिमेंट हो इसके लिए अगर आप ईजी एलिमेंट के लिए अगर आप ईजी टू निकालोगे मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन निकालोगे तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है और इसकी एनर्जी और पॉइंट याद रखना कि हमेशा ऑफ से बड़ा वैल्यू मॉड ऑफ ई जी टू का होता है इसका मतलब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया हो सकता है एनर्जी रिलीज हो जाए हो सकता है एनर्जी देनी पड़े लेकिन तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड अगर करोगे तो तुम्हें ओवरऑल एनर्जी देनी ही पड़ेगी तीसरा करोगे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यह बात याद रखिएगा यह बात याद रखिएगा ठीक है चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा सर इसमें आप बोलोगे इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक्सोथर्मिक है है इसमें प्रॉब्लम क्या होती ना जो लोग मतलब जिन्होंने सीरियस पढ़ाई नहीं कर रखी है उनको लगेगा सोडियम तो मेटल था और मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है भाई इस तरीके से वो फंस सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद आगे आते हैं द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अगर कोई ऐसा सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा अगर मुझे दिख गया तो और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें मिल पाया अभी तक सवाल किसका है सर सवाल है सॉल्ट एनालिसिस का और जब भी आपको किसी ने भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया होगा या मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे तो मैंने हमेशा ये कहा है या लोगों ने बताया होगा कि भाई सॉल्ट एनालिसिस में अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मैं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डिस्कस करूँ ये पढ़ के जाऊँ नहीं पढ़ के जाऊं क्या पढ़ू क्या नहीं पढ़ू तो मेटल के लिए ग्रुप एनालिसिस का टेबल पढ़ के चल जाना और सवाल मेटल के ग्रुप एनालिसिस का टेबल और उनके रिएजेंट से रिलेटेड ही है मेटल के लिए ग्रुप एनालिसिस का टेबल और उनके रिएजेंट के लिए ही है चलिए तो देखते हैं आप देखोगे सर लेट टू प्लस की बात करें तो मैं आपको सारे ग्रुप एनालिसिस एक बार बता देता हूं मैं आपको एक बार ग्रुप एनालिसिस बता देता हूं देख लीजिए है ना एक बार ग्रुप एनालिसिस बता देता हूं पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप वन पे चलोगे ओ सॉरी पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूँ मतलब कैटाइंस की टेस्टिंग के लिए सॉल्ट एनालिसिस में टेस्ट फॉर कैटाइंस में ग्रुप एनालिसिस में ग्रुप वन ग्रुप टू या ग्रुप जीरो भी ले लेते हैं ग्रुप टू या वन है ना ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप फोर ग्रुप फाइव यहाँ तक अभी करते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर आइए देखते हैं ग्रुप जीरो में सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन आता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन अमोनियम आयन का टेस्ट अगर कभी भी जीवन में करना हो नेस्लस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट के टू एच जी आई फोर इन इन बेसिक मीडियम नेस्लर रिएजेंट यूज करो काम खत्म ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में तीन आयन आते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो है आज होगा प्रभात आज होगा प्रभात ए प्लस एच जी टू टू प्लस जिसको हम मर्क्यूरस आयन बोलेंगे और पीवी प्लस टू को हम ये तो लेड आयन है फिर ग्रुप टू की अगर हम बात करें तो ग्रुप टू को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है टू वन एंड टू बी टू वन एंड टू बी टू मतलब टू ए सॉरी टू वन नहीं टू एंड टू बी में डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में टू ए वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर तो आप बोलोगे एच जी प्लस टू पी बी प्लस टू सी यू प्लस टू सी डी प्लस टू एंड बिस्मत प्लस थ्री इसमें यह सभी के सभी सल्फाइड पीपीटी बनाते हैं किसके साथ सर एच टू एस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लिखा हो या फिर एच टू एस इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूड एच सी एल लिखा हो HCL या फिर एसिडिक मीडियम लिखा होगा बहुत सवाल आए पिछले बार इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए इससे रिलेटेड फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बी में कौन कौन आते हैं सर तो बी में तीन आयन मतलब तीन एलिमेंट्स के आयन आते हैं सब मतलब एंटी मनी का प्लस थ्री प्लस फाइव आसान मतलब आर्सेनिक का प्लस थ्री प्लस फाइव और आसान में आ गया एसएन एसएन का प्लस टू प्लस फोर ठीक है ये सभी के सभी अपने सल्फाइड पीपीटीज बनाते हैं इसकी अगर अपन बात करें ग्रुप वन की अगर अपन बात करें ग्रुप वन में आपका आता है डायल्यूड एच्सील यूज़ करते हैं और ये सभी अपने क्लोराइड पीपीटीज बनाते हैं एक ही ऐसा आयन है जो दो ग्रुप में आता है दैट इज लेड प्लस टू एक ही ऐसा आयन है जो दो ग्रुप में आता है दैट इज लेड प्लस टू तो इन सभी के क्लोराइड में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसके क्लोराइड की है सर लेड प्लस के क्लोराइड की है ये बात भी याद रखना फिर अगर हम ग्रुप थ्री में चले तो ग्रुप थ्री में कौन आ जाएगा बोलो 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 फटाफट तो प्लस थ्री वाले तीन कटाइन हमें देखने को मिलते हैं दैट इज फेंक कर आलू फेंक कर

हम बेसिक मीडियम में H2S यूज करते हैं बेसिक मीडियम में करने से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है एसिडिक मीडियम में करने से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलता है तो इन सभी के प्रेसिपिटेट्स या कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी की बात की जाए कभी भी के एस की तो याद रखना इन सभी का के एस ज़्यादा होता है क्योंकि ये सल्फाइड आयन के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं ये सभी सल्फाइड आयन के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं ठीक है उसके बाद ग्रुप फाइव में आपका आता है बेरियम है ना भारत सरकार बेरियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉनशियम तो आइए देख लेते हैं लेकिन टू प्लस को अगर हम देखें तो एच टू एस के साथ कर सकता है विद डेल्यूड एच सी एल आप बोलेंगे इसके लिए ये हो गया फिर अगर अपन देखें तो एम एन प्लस टू निकोमंजन ग्रुप फोर ये आपका ग्रुप वन ले लो या फिर ग्रुप टू ए का कटाइन है इसकी बात करें तो ये ग्रुप थ्री का कटायन है इसकी बात करें तो ये ग्रुप फाइव का कटायन है इसकी बात करें तो ये ग्रुप फोर का कटायन है तो ग्रुप फोर के लिए अमोनिकल मीडियम में हम एच टू एस ले लेंगे फिर अगर हम बात करें एलूमिनियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर तो इसको हम इसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स के साथ करते हैं और स्ट्रॉन को कार्बोनेट्स के साथ प्रेसिपिटेट करते हैं इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वन का क्यू वन का क्यू दो ऑप्शन है टू का पी टू का पी ये दोनों में ही है थ्री का आपका हो गया एस थ्री का एस इस वाले ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दैट्स ऑल वी हैव इन डिस्कशन हेयर अगर आप मेरे से पूछे कि सर इन सभी डिस्कशन को देख के आपको क्या लगता है तो मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे हैं दे आर मतलब ईजी बहुत ईजी पेपर्स आ रहे हैं और जब कभी भी ईजी पेपर आते हैं तो आपको बस दो ही तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं है ना आपने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं जो भी ट्रिक्स आपने लिख रखी है एक बुक या कॉपी में इन सभी को पढ़ के चले जाना फार्मूला छोड़ के मत जाना भाई फार्मूला तो सारे पढ़ लेना फार्मूला तो सारे ही पढ़ लेना क्योंकि एक बार तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया ना फॉर्मूला पढ़ लिया ना तो सवाल कर लोगे मैक्सिमम सवाल फार्मूला बेस्ड आए हैं बस वैल्यूज़ पुट करने के मैक्सिमम सवाल फार्मूला बेस्ड आए हैं बस वैल्यूज़ पुट करने के ठीक है तो इनको ध्यान रख लेना अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार दो तीन चैप्टर हैं तीन चैप्टर तो भाई साहब एकदम दिल से लगा के रखना कौन कौन यह चार आप कह सकते हो एक तो आपका पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी एन एफ ब्लॉक ये चार चैप्टर से बहुत सवाल देखने को मिल रहे हैं अब जैसे देखो इस पेपर में मैंने पी ब्लॉक से कोई वैसा अलग सा सवाल देखने को नहीं मिला मिला ही नहीं सर और से से मैंने फर्स्ट वाले वाले फर्स्ट जो था उसका भी भी किया उसमें भी मेरे को कोई वाले सवाल नहीं नहीं मिले पी से। मिले ही नहीं भाई पूरे पेपर में नहीं मिले कहीं पे भी। तो अच्छे टाइल आई है या दूसरे में अच्छी परसेंट टाइल आने के चांसेस है तो दो एक दो दिन का ब्रीदर लेके फिर स्टार्ट कर दें एडवांस की तैयारी जो यहां ये देखने आए थे जैसे एलेवेंथ के ऑनगोइंग बच्चे या फिर ट्वेल्थ वाले ऑनगोइंग बच्चे जो अभी ट्वेल्थ में गए हैं जो अभी लक्स बन गए हैं या फिर जो अवर्चुना में आएंगे अगर वो देखने आए तो उनको बता दूं पेपर बहुत आसान आ रहा है अगर आप ईमानदारी से साल भर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा नोट्स अच्छे से मेंटेन कीजिएगा जितना आपको सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा यू विल डू वंडर्स आप सोच भी नहीं सकते कि आपको जेई का पेपर अभी कठिन लग सकता है बट यू विल डू वंडर्स इन योर पेपर आपको खुद विश्वास नहीं होगा आज से दो साल बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे कि सच में मेरे इतने परसेंटाइज आएंगे मैंने दो साल पहले कभी सोचा ना था है ना तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए इन्जॉय कीजिए मिलते हैं हम फिर कभी तब तक अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद अजय सेठ जी अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए पहले तो दो।, दो बार नमस्ते कर लीजिए एक बार आवाज के लिए एक बार दिखाई देने के लिए अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन पेपर आपका बहुत शानदार गया होगा जबरदस्त गया होगा एकदम सिंपल सा पेपर था कोई पेपर में कुछ था ही नहीं देख रहा अरे पेपर कैसा गया ये बताओ जल्दी से भैया पेपर कैसा गयो सिंपल थे क्वेश्चन नमस्ते 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिंपल था ना पेपर तो सिंपल ही था यार है ना सीधे सीधे सवाल पूछे थे मुझे भी आ गए आपको तो आई ही गए तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है अप्रैल का ऑर्गेनिक वाला पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूँ आपका और जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उनको ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो वहां पे था नहीं ना एग्जाम देने आप बता देना अगर कुछ सही लगे तो आपको गलत लगे तो ठीक है जो मेरे पास पहला प्रश्न है मेमोरी बेस्ड वो ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन बी प्रोडक्ट इस बी प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन एटम है देखो एल्काइन दी हुई है और सोडियम लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है आप जानते हो यह क्या है बर्थ रिडक्शन है भैया बर्थ रिडक्शन बर्थ रिडक्शन में क्या होता है आपकी ट्रांस एल्कीन बन जाती है इस तरह से यह ट्रांस एल्कीन बना देगा समझ गए आप और इसके बाद जब इसमें कोल्ड केमेनो फोर डालोगे अगर कोल्ड केमेनो फोर ही दिया है देखो मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता देता हूं अगर कोल्ड केमेनो फोर ही दिया है तो वो क्या करता है इस तरह से दो ओ एच लगा देता है मतलब सीन एडिशन करता है और सीन एडिशन करने के बाद आपके पास ओ OH एच और ओ OH एच आ जाएगा मतलब जो कंपाउंड बी है उसके अंदर दो ऑक्सीजन आ जाएंगे ठीक है तो आंसर आपका दो आएगा अगर मान लो कोल्ड केमेनोफोर लिख के नहीं दिया केमेनोफोर एसिडिक मीडियम में लिख के दिया है Let us suppose, हो सकता है तो उस केस में क्या होगा ये जो एल्किन है अगर आपको केमेनोफोर एसिडिक मीडियम में दिया है या फिर आपको हॉट केमेनोफोर दिया है तो उस केस में होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस उसमें आप क्या करते हो ओ, ओ ऐसा कर देते हो ना ओ, ओ और ऐसी शक्ल बना देते हो ठीक है तो यहां से आपका सीएस थ्री और क्योंकि ऑक्सीडेटिव है तो यहां से आपका कार्बो एसिड बन जाएगा दो मोल इसमें भी दो ऑक्सीजन है इसमें भी कितने हैं दो ऑक्सीजन है ठीक है तो दोनों ही केस में दो ही है हालांकि मेरे हिसाब से कोल्ड के फोर दिया होगा तो दिस इज द करेक्ट आंसर इसमें कोई दर्द दिक्कत परेशानी तो नहीं है बताइए ठीक है वेरी गुड बहुत ही सुंदर आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि अमंग द गिवन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई वन विच अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट फास्टेस्ट रेट मतलब एनएआर की बात करते हैं एनएआर की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली कौन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं इस तरह का आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है सुनिएगा गुड्डू ध्यान से यह कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां डेल्टा प्लस यहां डेल्टा माइनस होगा इस पर आपको अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा वो खुद माइनस है तो प्लस पे करेगा यहां अटैक करेगा कार्बन के मैक्सिमम चार बॉन्ड हो सकते हैं तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा टूट जाएगा यहां आ जाएगा ओ माइनस और यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल यही आपकी स्लो स्टेप होती है और यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है मतलब रेट के क्वेश्चन यहां से होंगे बात समझ रहे हो आगे के लिए भी बता रहा हूं जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगले अटेम्प्ट के लिए तो उनके हिसाब से भी अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स और वाई ग्रुप लगा हुआ है पता नहीं वो क्या है वो हाइड्रोजन हो सकते हैं वो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है अब ये न्यूक्लियो फाइल यहां एंट्री मार रहा है ये कार्बन sp2 है मतलब ये इस तरह से है। ये सी डबल बॉन्ड हो इधर x इधर y ये सी डबल बॉन्ड हो है इधर x है इधर y यहां x लगा है यहां y लगा है ऐसे समझ लो ये सी डबल बॉन्ड हो x और y न्यूक्लियो फाइल एंट्री मार रहा है जितने मोटे मोटे ये ग्रुप होंगे न्यूक्लियोफाइल को आने में उतनी तकलीफ होगी न्यूक्लियोफाइल भी मोटा ये मोटे मोटे ग्रुप घुस ही नहीं पाएगा समझ रहे हो तो किस बात पे डिपेंड कर रही है ये न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ कब होगी जब एक्स और वाई मोटे मोटे होंगे मतलब रेट ऑफ एन की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ एनएर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ एट कार्बोनिल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल कार्बोनिल पे स्टेरिक कम कम से कम होने चाहिए दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जितना ज्यादा इस कार्बन पे ये डेल्टा प्लस होगा ना उतनी जल्दी तो माइनस अट्रैक्ट करेगा अरे में ही तो मोहब्बत होती है गुड्डू ठीक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल इन दो बातों पर आपकी एन की रेट डिपेंड करती है अब इनको चौड़ में देखो आप ये क्या लिखा हुआ है एच ये क्या लिखा हुआ है सी एस थ्री क्या लिखा हुआ है आपका सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ और ये क्या लिखा हुआ है आपका बहुत बड़ा सा सी एच ओ मतलब एक तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है अब यहां तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन है तो यहां पे आराम से एंटर कर जाएगा तो ए आंसर लगा होगा आपने है ना फास्टेस्ट तो वही देगा चलिए अगला क्वेश्चन शरीर के अंदर की बात करते हैं डीएनए की बात करते हैं डीएनए पे प्रश्न आ गया है ना और डीएनए पे प्रश्न आया तो आपने कर भी लिया होगा ठीक है ना डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की बात कर रहा है तो डीएनए में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं वो होते हैं सी और आर के अंदर जो बेस होते हैं वो होते हैं सी मतलब फर्क किसका है थाइमिन और यूरेसिल का फर्क है बस थाइमिन और यूरेसिल का फर्क है बाकी तो सब कॉमन ही होते हैं तो डीएनए में कौन सा नहीं होता डीएनए में यूरेसिल नहीं होता इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो एबीसीडी में डी पहले आता है और टी पहले, पहले आता है तो इसलिए कॉम्बिनेशन है बेसिकली डी आर बाद, में, बाद में, तो में क्या नहीं है यूरेसिल नहीं है और यूरेसिल यू यु देखो यू कहां बन रहा है यू ये बन रहा है यू यु। ये यूरेसिल है ये यू बन रहा है ये यूरेसिल है तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहां पे देखो ये इस तरह से टी बन रहा है ये है आपका थायमिन और एबीसीडी में सी पहले आता है तो इसमें एक ही सी डबल बॉन्ड ओ है इसलिए ये साइटोसिन है और ये एडेनाइन है और अगर यहां पर भी सी डबल बॉन्ड एन लगा होता तो वो ग्वानी होता अलग क्लियर है क्या अलग क्लियर है क्या तो ये क्या है आपका यूरेसिल है गुड्डू और यूरेसिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है बहुत ही सुंदर सबास अगला प्रश्न अगला प्रश्न आया है ओ भाई साहब अगला प्रश्न आया है हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले एनसीआरटी के पोर्शन से जहां पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स की बात की हुई है और जनरली आपको ये पढ़ाया जाता है एनसीआरटी में दिया हुआ है आइए ना सुनिए ना अब यहां पर देखो CCl4 है CCl4 जो होता है पाइरीन होता है और वो कैसा होता है फायर एक्सटिंगुशर तो फर्स्ट किससे मैच कर रहा है डी से मैच कर रहा है फायर एक्सटिंगुशर से डीडीटी जो है डाइक्लोरोल ट्राइक्लोरोन वाली बात इथेन वाली बात है तो वो क्या होता है इंसेक्टिसाइड होता है और वो मैच कर रहा है सी से सी एफ सी क्लोरोलोरोबन हम अपनी सुविधाओं के लिए ए सी फ्रिज वगैरह यूज करते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं फिर वो हमें डिप्लीट करती है परेशान करती है टेनिंग कर देती है फिर सनस्क्रीन लगानी पड़ती है तो ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है रेफ्रिजरेटर से आयोडोफॉर्म याद है बचपन में हम साइकिल चलाते थे गिर जाते थे हमारे चोट लग जाती थी ठीक है और फिर मतलब हम घर पे फिर भी नहीं बताते थे है ना क्योंकि और पड़ेगी वो छिल जाते थे पूरा पूरा फिर घर जाते थे फिर रात में दर्द होता था फिर अगले दिन घर वाले ले जाते थे येल्लो कलर की वो दवाई लगा के डॉक्टर पट्टी बांध देता था वो होता था आयोडी का बेसिक सोल्यूशन टिंचर ऑफ आयोडिन ठीक है जो एंटीसेप्टिक का काम करता था बेसिकली तो वो ए से मैच कर रहा है तो डी सी बी ए देखना जरा डी इसमें है सी बी ए बी ऑप्शन ठीक है सर क्लियर है एक बोल रहा सर क्वेश्चन अलग था अब क्या था जो हमारे पास है वो हमने बता दिया ठीक है तो अब क्वेश्चन अलग क्या था वो तो पता नहीं है दोस्त फिनॉल फिर क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन वेरी फेमस रिएक्शन रिमर टीमन आरटीआर रिएक्शन आपकी फेवरेट आरटीआर रडनिगंधा सॉरी रिमर टीमन रिएक्शन है ना तो रिमर टीमन के अंदर ये आपसे पूछ रहा है करेक्ट इंटरमीडिएट क्या है माहौल है बेसिक मीडियम का ठीक है ना माहौल है बेसिक मीडियम का अरे सुन लो यार तो सबसे पहले तो देखो ये फिनॉल दिया है और माहौल है बेसिक मीडियम का यानी कि NaOH है तो OH- इसके साथ एसिड बेस करता है

दुल्हन को तैयार होने में टाइम लगता है तो यह है आपकी क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के साथ दिया हुआ है बेस अब बेस क्या करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा एसिड बेस करके तो यहां बन जाएगा CCl3- इस तरह से अब अपने को साथ में हीट भी दिया होता है तो उस हीट से होता क्या है यह माइनस धक्का मार के इस क्लोरीन को निकाल देता है निकालने के बाद यहां बनती है इस तरह से डाई क्लोरो कार्बिन जिसमें एक डब्बा खाली और एक डब्बा भरा हुआ होता है ऐसा डब्बा खाली डब्बा भरा हुआ अब इसके एक दो तीन चार पांच छह इसके आउटर मोस्ट में छह इलेक्ट्रॉन है यह है आपकी दुल्हन इलेक्ट्रोफाइल दूल्हा तैयार है दुल्हन तैयार है आओ मिलन करवा दे है ना तो यह कार्बिन कार्बिन यह इंटरमीडिएट बनता है पहला लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया है। अब सिचुएशन क्या चलती है वो देखिए आप ये आपका नेगेटिव चार्ज और यह आपकी डाइक्लोरोबीन है इस डाइक्लोरोबीन पे होगा हमला इसने कर दिया हमला हमला करने के बाद यहां पे क्या बना सी डबल बॉन्ड ओ यहां पाई यहां पे पाई यहां पर C Cl Cl और क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो यह माइनस और यहां पर हाइड्रोजन इस प्रकार से अब इसके बाद होगा इसमें अंदरूनी रूप से एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगी ये जो माइनस है ये इस हाइड्रोजन को छीन लेगा छीनेगा तो यहां सिचुएशन क्या बनेगी यहां पाई यहां पाई डबल बॉन्ड ओ यहां सी एच और ये दो क्लोरीन और माइनस यहां आ जाएगा ये जो माइनस है वो माइनस रेजोनेंस करके यहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद उसकी शक्ल थोड़ा सा मैं इसको इधर आऊं क्या यहां से जो बन रहा है वो इसको इधर ला रहा हूं वो कैसा दिखने लगेगा आपको यहां पर पाई 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 यहां पर ओ माइनस ये नेगेटिव पाई में बदलेगा पाई नेगेटिव में और यहां सी एच और यह CL2। और ओ माइनस के बगल में जाके कौन बैठ जाएगा एन ए प्लस इसके बाद आपको फिर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो दोनों सीएल दो ओ OH एच में बदलेंगे वो सी एच ओ बनेगा फिर आपको बाहर से टपक 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 एसिड की बूंदे डालनी पड़ेगी उस एसिड की बूंद से इस ओ माइनस पे एच जुड़ेगा अन्यथा जब तक बेसिक मीडियम है तब तक ये ऐसा ही रहेगा और आप ध्यान से देखोगे ना गुड्डू तो यहां पर ये मौजूद है ए ऑप्शन में एक इंटरमीडिएट ओ नहीं हो सकता माहौल बेसिक है ये तो प्रोडक्ट ही होता है ऑर्थो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आ ही नहीं सकता ना आ ही नहीं सकता अल ठीक है क्या ए समझे क्या रे यही था बहुत ही सुंदर आइए अगला सवाल ये देख लो भाई आइए क्या कह रहा हूं सीएससीएल टू की जगह सीएचओ का अरे यार सीएचओ गलत है ना तो वो तो प्रोडक्ट ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप कौन है तो आप जानते हो आपका अपना फेवरेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसमें क्या होता है एसओ थ्री एच तो ये आपका सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप है ये तो सिंपल था यार है ना चलिए आगे बढ़ते हैं गुड्डू अगला सवाल देखिए टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नॉन एज पिकरिक एसिड क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है कि ये फिनॉल है और इस पे टू पे फोर पे और सिक्स पे टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनॉल है और आप जानते हो ओ नोटू 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 इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड तो यह बिल्कुल सत्य बात लिखी हुई है यह बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है इसमें कोई दोरा नहीं है अगर आपका टू फोर सिक्स -फिनॉल की जगह टू फोर सिक्स आया हो अगर आया हो मुझे नहीं पता अगर टॉलविन आया हो तो फिर यह फॉल्स है यह फिनॉल है तो यह सही है ठीक है सर उसके बाद पिक्रिक एसिड कैन बी प्रिपेर बाय ट्रीटिंग कंसंट्रेटेड एच एन ओ थ्री विद फिनॉल टू फोर डाई सल्फोनिक एसिड तो पिक्रिक एसिड ऐसे बनता है देखो भाई बात ऐसी है कि अगर आप सिर्फ फिनॉल लोगे और फिनॉल पे आप कंसंट्रेटेड एच एन प्लस कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ हीट करोगे या कंसंट्रेटेड एच एन लोगे तो उस केस में भी आपका पिक्रिक एसिड बनता है मना नहीं है बनता है लेकिन वो मात्र दो परसेंट बनता है और उसके साथ साथ एक बनता है पैराबेंजोक्विनोन जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है पेराबेजिनोन ठीक है अब आपको बनाना है पिक्रिक एसिड को मेजर ठीक है ना आपको पिक्रिक एसिड इसको मेजर बनाना है तो इसको मेजर बनाने के लिए पहले आपको फिनॉल का कराना पड़ता है सल्फोनेशन दो मोल कंसेंट्रेटेड एस टू डाल के वो क्या करता है वो इस फिनॉल की दो साइट एक तो ऑर्थो और एक पैरासाइट को ब्लॉक कर देता है ठीक है सर अब ये फिनॉल जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा जो पहले हो गया था पैराबेन्जोकिन में अब नहीं हो पाएगा अब आप इसमें कंसेंट्रेटेड एच डालो तो यहां से मजे ही मजे आपको मेजर प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा गुड्डू आपको देखने को मिलेगा यहां पे ट्राइनाइट्रोफिनोल जो कि होता है आपका पिक्रिक एसिड और जो एसओ थ्री एच है वो हट जाएंगे डिसल्फोनेशन होके एक कह रहा क्वेश्चन अगर अगर तो तो की जगह अगर टोलविन हो तो वो फॉल्स है अन्यथा ट्रू है ले यार मैं क्या कह रहा हूं अगर यहां टोलविन है आपका तो फिर वो गलत है वो पिक्रिक एसिड नहीं होता और अगर फिनोल है तो सही है तो मेरे हिसाब से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है उसने सीधे बोल रखा है कि टू फोर्ड डाइसल्फोनिक एसिड ये वाली सिचुएशन दे रखी है इसमें आप नाइट्रेशन कराओगे तो पक्का पिक्रिक एसिड बनेगा तो दोनों स्टेटमेंट सही है फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, अरे सही है क्या हेलो हेलो हाँ वो ट्रेन एट्रो अगर टोलवीन होता ना तो ब्रिंग वो तो फिर फट जाता ना अरे सही है क्या सर बोलिए ना सर अरे सही है क्या बोलिए ना सर क्लियर है क्या सर सर बोलिए ना हाँ अगर आ, आ, अरे गुड्डू अगर टोलविन था तो आंसर क्या आएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल स्टेटमेंट टू आर ट्रू टौ। अगर टोलविन तो। हा वेरी गुड वेरी गुड बहुत ही सुंदर आइए अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटामर ऑफ द फॉलोइंग मेटामर क्या होता है मेटामर होता है कि अगर आपके पास कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है अगर आपके पास कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके अक्रॉस आजू बाजू में आप चीजें चेंज करते हो अल्काइल या ग्रुप्स आप चेंज करते हो तो बनने वाला दूसरा आइसोमर मेटामर होता है लेकिन इस दौरान फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए मतलब अमाइड है तो अमाइड ही रहना चाहिए मतलब आप बेंजीन को इधर और साइक्लो को इधर शिफ्ट कर सकते हो अब आप ध्यान से देखिए यहां दोनों ही बेंजीन है पॉसिबल ही नहीं है मोलिकुलर फॉर्मला चेंज यहां आप देखोगे तो दोनों साइक्लो है

सी हो जाएगा भैया सी हो जाएगा एक क्वेश्चन और है नौ पॉइंट तीन ग्राम ऑफ एनिलीन अच्छा इस ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एन एन टू प्लस एस बहुत बढ़िया देन विद फिनॉल वॉट इज वेट ऑफ द ऑरेंज डाई प्रोडक्ट देख सवाल खत्म हो गए हैं जो फिजिकल भी मिक्स कर दी इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी मिक्स करके दे दिया देख रहा सवाल नहीं पूछे जा रहे उनसे जो दूसरा दूसरा सब्जेक्ट भी मिला दिया रे ये है आपका एनिलीन एनिलीन की रिएक्शन बोल रहा है एनएनओ टू प्लस एच सी एल से करानी है जीरो से फाइव डिग्री सेल्सियस पे यह होती है और यह एनिलीन जो है आपका किसमें तब्दील हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जो कि जीरो से पांच डिग्री पे स्टेबल होता है ठीक है सर फिर उसके बाद इसमें फिनॉल डाला गया है जिसकी शक्ल आप जानते हो ऐसी होती है और वो माइल्ड बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है उससे खैर हमें इतना मतलब नहीं है माइल्ड बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है और बनता क्या है बनता है ये बेंजीन ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा ठीक है ना इसको बोलते हैं पैराहाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हमने रिएक्शन लिख ली अब हम सब कुछ बता सकते हैं हमने <laughs> कपलिंग रिएक्शन हमने रिएक्शन लिख ली और हम सब बता सकते हैं अब अब ये कह रहा है कि ये दिया है 9.3 ग्राम हम खेलेंगे मोल्स में ये जो एनिलीन होता है ना इसका खुद का वेट होता है 93 ग्राम तो आपको पता है मोल बराबर मास अपॉन मोलिकुलर वेट तो ये 0.1 मोल निकल के आएगा अब 0.1 मोल कितना बनाएगा भाई 0.1 ही बनाएगा तो इसके भी 0.1 मोल फिर इसके साथ एक करेगा कितना बनाएगा भाई जीरो मोल बात समझ रहे हो और इसका पूरे का मोलिकुलर वेट जो होता है वो होता है 198 है ना इसका मोलिकुलर वेट होता है 198 तो मोल बराबर मास अपॉन मोलिकुलर वेट तो 0.1 पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय वन बराबर मास तो ये कितना आ गया सर 19.8 और इंटीजर फॉर्म में था तो आप अपने हिसाब से आंसर देख लीजिए मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया हम्म वेरी गुड बहुत ही बढ़िया और कुछ आया था क्या रे हाँ बीस लगा देना बीस 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 ठीक है सर कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं जो हमारे पास थे हमने डिस्कस कर दिया भैया कोई गलती हो गई हो माफी कर देना और मैं आपसे ये कह रहा था कि आ, मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको जो है ये जो इसका डिस्कशन का पी है वो जे वाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसका जो लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और पिन कमेंट में दिया रहेगा वहां से देख लीजिएगा ठीक है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं अरे बताओ ना पेपर कैसा गया यार बोल ही नहीं रहे हो तुम यार अरे वो तो ठीक है ये बताओ पहले कि पेपर कैसा गया था हाँ कर लो कर लो माइंड मैप से कर लो जितने <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना अब आपको क्या करना है सुनो ध्यान से देखो पेपर जो आ रहा है ना पेपर आ रहा है काफी आसान तो आ, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एक तो सारी रिएक्शन जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपके आपको टिप्स पे होनी चाहिए आप ध्यान से देखोगे कभी भी हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहा उसको किसी ना किसी के साथ मिक्स कर देता है का सवाल सीधे नहीं पूछेगा उसको किसी ना किसी के साथ मिक्स मिक्स कर देगा आइसोमिज्म का कभी सीधे पूछ लेता है है लेकिन उसको भी ही करता समझ रहे हो आप आप बात को तो आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना अब वो इस गेम पे आ चुका है मिक्सिंग वाले गेम पे लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे लूप होल्स है जहां से सवाल आ सकते हैं अभी बहुत सारी नेम रिएक्शंस बची हुई हैं और हालांकि उसने अपना फेवरेट चैप्टर पता नहीं क्यों अमीन्स बना रखा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है ना इतना सारी चीजें पूछने की लेकिन उसने अमीन पे ही पता नहीं क्यों इतनी नजर डाल रखी है है ना तो आप बस एक तो वो प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ के रखें उसमें से कभी भी धावा बोला जा सकता है और सीधे टिक लगाने वाला क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है ना बस इतनी सी बात कहनी थी बाकी आपको जो भी अगले अटेम्प्ट के लिए जाने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और जो भी ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चे हैं वो इस चीज पे फोकस करिए कि किस तरह का पेपर आता है है ना और आपको किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए है ना पेपर आसानी आता है लेकिन आपको मेहनत वैसी ही करनी है जैसे कर रहे हो और जो अभी ठीक है आप अटैम्प्ट लोगे उसके बाद आप थोड़ी सी मस्ती मजाक मस्तियाँ तो करोगे ऑब्वियस ही बात है जिसका हो चुका है और उसके बाद तुरंत लग जाना भाई है ना बस मेरी ये रिक्वेस्ट है बाकी तो थैंक यू सो मच धन्यवाद सेठ जी ठीक है सर अब शायद मैथ्स का पेपर होगा है ना हेलो एवरीवैन हवाई वॉल एक बार ऑडियो एंड वीडियो चेक कर लो सही है आज, है? आज हम पेपर डिस्कशन कर रहे होंगे सिक्स अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का और कैसा कैसा पेपर तुम्हारा है एक बार चेक कर लो ऑडियो एंड वीडियो इतना तुम फोड़ के अभी तक आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री का तुम्हारा डिस्कशन हो गया होगा ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो सारे कुछ जितने भी मिले हैं सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे हो सकता है थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा डिफर हो या कुछ चीजें हैं क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है ना तो थोड़ी सी वैल्यूज का डिफर हो सकता है बट तुमसे पूछते हुए चलेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है तो एक बेहतर में में हमारे पास फिर इस सेशन तुम्हारे लिए काफी यूजफुल रहेगा स्टार्ट करें है ना चले स्टार्ट किया जाए तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार जिसमें कि अपन डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स का और पेपर वन ये हुआ था अपना सिक्स अप्रैल का तो पहले तो कुछ क्वेश्चन बताते जाओ ये कंफर्म करते जाओ सीएनएफ लिखते गए हाँ ये क्वेश्चन आया था एक एक करके जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस हो रहे होंगे ना फिर मिला लेना तुम्हारा सही कितना हुआ कितने तुम्हारे गलत हुए सब तुम्हें लास्ट में तुम्हें एंड में तुम्हें सब सेशन में के बाद पता चल जाएगा पहले ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन आया हुआ यह आया था तुम देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के इस बार शायद दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं जितने मेरे सेशन मिले हुए मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस शिफ्ट में ये वैसे नहीं अदर एक दो क्वेश्चन आते थे इसमें तीन चार क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले तो एक बार ये देख लो ये क्वेश्चन ये आया था कि नहीं एक बार कंफर्म कर दो इसमें वैल्यूज ऐसे ही लिखा था कुछ अलग लिखा था बस सी एन एफ लिख के बता दिए कि हाँ कंफर्म यही था ये ऐसे लिखा था कि x इज ग्रेटर देन जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ e फिर ऐसे इक्वेशन दी हुई थी डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू इन टू एलन एक्स वेर इज ग्रेटर क्योंकि पॉजिटिव तो डिफाइन ही कर पड़ेगा क्योंकि ln x है तो डोमेन उसकी पॉजिटिव ही आएगी उसके बाद y ऑफ e की पावर माइनस वन इज जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ e स्टेप का आया था आया था तो लेट्स स्टार्ट विद एक बार चेक करो तुम्हारा जो भी ऑप्शंस थे वो मैच करेंगे अपन तो सबसे पहले चीज क्या होगा क्योंकि ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एलडी के फॉर्मेट में है एलडी मतलब हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ना वन बनाना पड़ेगा तो ये 2x ln x को डिवाइड करना पड़ेगा स्टार्ट करते हैं तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा dy dx है ना dy dx y डिवाइडेड बाय x ln x थ्री बाई टू इंटू एक्स के बराबर क्योंकि x था, से इंटीग्रेटिंग निकालेंगे। तो तरीके से इंटीग्रेटिंग निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू एल एन एक्स इस तरीके से आ जाएगा अब इसके क्या करेंगे हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे एल एन एक्स को टी लेंगे और जैसे ही तुमने एल एन एक्स को डी लिया तो टी में, 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 में देखो ये बन जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स क्योंकि इंटीग्रेशन आता है वो आता है एल एन टी के बराबर आता है ना तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी आ जाएगा तो एक एल एन तो कैंसिल कर जाएगा जैसे कि ई e की प्रॉपर्टी होती ना e e e e log of a a तो 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 क्या क्या बचेगा a बचेगा बचेगा तो e और e हमारा हो जाता है है तो जो बच जाएगा, वो बच जाएगा जाएगा वो तो थोड़ा बहुत देखो की property definitely use होती है. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ रहा है तो कुछ ना कुछ पक्का लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है तो ln एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आंसर बस लिखना है तो वाई ln एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा थ्री बाई फोर उसके बाद एल एन एक्स इंटीग्रेट कर लेते हैं जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो फिर से तो तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी, डी, डी का इंटीग्रेशन तो जो आता है वो आता है टी बाई टू आ जाता है मतलब बहुत इजीली तरीके से देखिए आराम से काम करेंगे देखिए सब कुछ आएगा ये थ्री बाई एट इन टू एल एन ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर प्लस सी के बराबर क्यों क्योंकि ऑलरेडी था 2 यहां से आया तो एट बन गया तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है अब इन्होंने C निकालने के लिए एक एक वैल्यू वैल्यू दी दी थी एक से दी थी बेहतरीन देखो ऑफ e की पावर इज़ मतलब इसका मतलब हो गया ये माइनस वन का स्क्वायर ये तो गया तो c की वैल्यू बहुत ईजिली जो आ चुकी है वो है माइनस थ्री बाई एट क्योंकि एल एन ऑफ ई की पावर माइनस वन जो आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन ही आता है मतलब यहां पे c की वैल्यू जो आ चुकी है माइनस थ्री बाई एट अब इसको उठा के यहां पे रखेंगे इस वैल्यू के बाद क्या करेंगे बस एक्स की वैल्यू ई डालेंगे जो भी आंसर मैच करेगा वो मेरा फाइनल फॉलोअप होगा तो एक बार देख लेते हैं कोई मैच करे तुम्हारा आंसर इसको रखने के बाद तुम्हारा कुछ आंसर वांसर मैच किया देखिए ऑप्शन हो सकता है थोड़ा तो डिफर भी हो सकते हैं ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली exactly वही होगा कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना तो y ऑफ एल एन ई तो y ऑफ एल एन ई इज इक्वल टू थ्री बाई एट टाइम का होल का स्क्वायर प्लस c तो c की वैल्यू जो आई थी मेरे पास वो आई थी माइनस थ्री बाई एट तो ये वैल्यू आ चुकी है तो ये हमारा आंसर आना चाहिए तो यहाँ पे तो आंसर मेरे को जीरो सा दिख रहा है क्योंकि एल एन ई मतलब वो तो वन हो गया ये भी वन हो गया तो आंसर जो आना चाहिए वो जीरो टाइप का कुछ आना चाहिए जो कि इसमें है नहीं हमने कहा था ना कि ऑप्शंस में थोड़ा डिफर हो सकता है डेफिनेटली बट वे ऑफ सॉल्विंग हो सकता है वाई ऑफ वन पूछा होगा या वाई ऑफ कुछ अलग पूछा होगा क्योंकि ऑप्शन हमने कहा ना कि कुछ गड़बड़ हो सकता है तो वाई ऑफ जीरो ई जो आ रहा है इसमें जीरो आ रहा है हमने कहा ना देखिए अप्रोप्रेट नहीं हो सकता इसमें हंड्रेड परसेंट तुम इसको मान नहीं सकते हो हंड्रेड परसेंट ये होगा देखिए क्वेश्चन है ये होगा जरूर ठीक है उसमें ऑप्शन तुम्हारे अलग भी हो सकते हैं तो इसका आंसर मेरा जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है ठीक है तो जिसका जीरो आ रहा है वो करेक्ट है ठीक है सही है बहुत ही बढ़िया कौन कौन है जो जीरो सही करके आया बिल्कुल है ना चलिए ये सवाल आया था कि नहीं एक बार पहले कंफर्म कर दो और सेट्स का। सेट्स का बाई, बाई फोर दोनों से डिविजिबल नहीं हो ना वो थ्री से डिविजिबल हो ना वो तुम्हारा फोर से डिविजिबल हो क्या ऐसे ऑप्शन आए थे क्या सेट ए में इतनी एलिमेंट लिखे थे कि ज्यादा एलिमेंट लिखे थे कि कम लिखे थे सौ से लेके सात सौ तक ही लिखा था कि ज्यादा लिखा था उसमें सौ से लेके सात सौ ही लिखे थे कि ज्यादा लिखे थे क्यों ये सही था ये कंफर्म है यही क्वेश्चन था ऑप्शन अलग हो सौ दो सौ तीन सौ चार सौ उसमें कोई दिक्कत नहीं है बस क्वेश्चन देख लो एक बार क्वेश्चन सही था कि नहीं क्वेश्चन सी था थ्री हंड्रेड है बहुत बढ़िया तो कई लोग न्यूटन बाबा जी कंफर्म कर रहे हैं हाँ ठीक है बहुत बढ़िया अब तो पेपर काफी आसान आ रहे हैं नहीं आसान तो नहीं कहेंगे देखिए होता क्या है कि हमें दूसरों की चीज ज्यादा आसान लगती है नहीं अपनी चीजें ज्यादा वो रहता है कि हमारा बहुत टफ था बाकी का जो है बहुत ईजी आया था नहीं इनका भी थोड़ा सा तुम देखोगे ओवरऑल जैसे मैंने कल भी पेपर डिस्कस किया था तो उसमें भी ठीक है मॉडरेट लेवल का था मैथ्स का भी इजी प्योरलीजी तो नहीं आ सकती है हमेशा उसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाता है या तो टफ कैटेगरी में रखा जाता है ईजी कुछ नहीं होता प्यारे बच्चे एक तो कैलकुलेशन होती है टाइम फ्रेम में करना होता है बहुत टफ टास्क होता है तो लेट्स डू इट आउट सबसे पहले अपन देखो कभी भी अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन गी कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है चल रही है ना नाइदर ए नॉर बी इडर ए नॉर्मी मतलब क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना ये क्या होता है ये होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे टोटल में से ए यूनियन बी निकाल देंगे टोटल कितना है देखो सौ से लेके ये लेके तक तो कितने नंबर हो जाएंगे छह सौ नंबर तो एक सौ एक से लेके यहां तक हो गए टोटल कितने हो गए छ सौ एक तो छे सौ एक तो, तो टोटल हो गए माइनस माइनस वो वाले नंबर निकालने जो कि ए यूनियन बी वाले मतलब वो वाले नंबर जो कि तुम्हारे एलिमेंट ए से मतलब थ्री से डिविजिबल वाले फिर अगेन फोर से डिविजिबल वाले माइनस वो वाले नंबर डिवाइड करने जो कि ट्वेल्व से डिविजिबल हो हमें ना नाइदर डिविजिबल वाले जब भी नाइदर वाला केस आ जाता है नाइदर नॉर का तो उसके लिए हमें ऐसे अप्लाई करना पड़ता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिमोरगन लॉ जिसे अपन कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो टोटल में से अपन माइनस कर लेंगे तो टोटल कितना है छह उसमें से माइनस कर लेंगे वो नंबर जो कि थ्री से डिविजिबल है फोर से डिविजिबल है और ऐसे भी पेयर होंगे जो कि थ्री और फोर दोनों के बार बार जुड़ रहे होंगे माइनस तो करना पड़ेगा अब हमें थ्री वाले पड़ेंगे, तो ढूंढते हैं।, तो हैं कि थ्री वाले नंबर भाई कितने थ्री वाले नंबर के लिए पहले सात सौ से डिवाइड कर लो सात डिवाइडेड बाई तीन माइनस वो नंबर जो कि 99, 99 तो चाहिए नहीं वन से लेकर तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो थर्टी थ्री आ रही है यहां से सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा हो गया थ्री टू सिक्स टू थ्री थ्री टू थर्टी थ्री मतलब सौ से लेके सात सौ नंबर के बीच में तीन से डिविजिबल वाले जो नंबर है वो दो सौ नंबर ये फिर चार वाले ऐसी तरीके से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर वाले तो उसको कैसे निकालोगे सात सौ को चार से डिवाइड करो और निन्यानवे को चार से डिवाइड करो तो 700 को चार से डिवाइड करोगे इसका मतलब आ गया तुम्हारा फोर जो आ गया तुम्हारा आ गया फोर यहां पे वैल्यू आ गई वन है ना उसके बाद आ गया तुम्हारा थ्री 30 फोर सेवन जय ट्वेंटी एट है ना उसके बाद आ गया वन सेवेंटी फाइव तो ये वन सेवेंटी फाइव करके वैल्यू आ रही है माइनस तो ये वैल्यू बन रही है पच्चीस तो बनेगा नहीं चौबिस आ जाएगा नाइनटी सिक्स तो ये वन सेवेंटी फाइव माइनस हो गया तो ये वैल्यू आ रही है फाइव फोर वन वन फिफ्टी वन तो ये निकाल लेते हैं से डिवाइड करो, करो तो ये वैल्यू आ जाएगी आठ ट्वेल्व एट जा नाइनटी सिक्स होता है सात सौ को बारह से डिवाइड करो तो ट्वेल्व फाइव जा फाइव में आ जाएगा फाइव सिक्सटी सिक्सटी के बाद हंड्रेड तो ये फिफ्टी एट आ गया तो ये पचास नंबर आ गया पचास वो नंबर है जो कि बारह से डिविजिबल वाले मतलब बारह हो गया चौबीस हो गया इस टाइप के नंबर हो गए अब बस इनकी वैल्यूज को बस रख देना है इस पूरी इक्वेशन में इसमें रख देना है तो रख दो छह सौ एक माइनस वो नंबर कितने आ गए दो सो दो सो प्लस वन फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी तो दो सौ एक प्लस वन फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी इसको गुणा भाग कर लो कितना आ रहा भाई जल्दी से बता दिए सौ दो सौ तीन सौ तीन सौ तीन सौ एक है ये तो यह तीन सौ नंबर आना चाहिए सी इज द राइट आंसर

बाई थ्री से भी है और डिविजिबल बाई फोर से हमने क्या किया यह सात सौ बटे तीन क्यों किया हमने स्टार्टिंग में सातो नंबर है मेरे पास ठीक है यह मान के चल रहा है सात सौ नंबर है बट हमारे पास तो नंबर तो से स्टार्ट हुआ ना तो मेरे को वन से लेकर तो पड़ेगा इसलिए

एक बार कंफर्म कर CNF लिख है. क्या है, ऐसा क्वेश्चन मिला था? x का होल का स्क्वा से लेके पाइव बाई फोर तक ये मिला था है ना? ऐसा कुछ करके था वो बोल रहा है वन प्लस एक्स स्क् हाँ आएगा बच्चे वो क्वेश्चन तुमने जो बता रहे है तुषार करके वो क्वेश्चन मिलेगा अभी वेट वेट करो एंड वॉच ऐसा कुछ करके मिलेगा हाँ है, अपने स्लाइड में है ये कॉस्वेर एक्स साइनस स्क्वेक्स कॉस क्यूब चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं इसको टैन में बनाना होगा तो टैन में कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन पहले ऑलरेडी भी आया हुआ है कॉस क्यूब एक्स को बोलो चल चल बाहर निकल बाहर निकल जल्दी से बाहर निकालो इसको ये बोल रहा है महारथी जल्दी बाहर निकल जाइए तो कॉस क्यूब एक्स को जल्दी से बाहर निकाल लो या जाएगा कॉस स्क्स साइन स्क्स बाहर निकलेगा चल चल बाहर निकल तो बाहर निकलती आ जाएगा कॉस की पावर सिक्स एक्स नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन ऑफ क्यूब का एक्स का होल का स्क्वायर इन टू डी एक्स खत्ता अब यहां पे देखो कॉस स्क्स साइन स्क्वेर एक्स तो एक तो कॉ स्क्स कैंसिल हो गया यहां से तो बचा कितना चार वाला मल्टीपल वाला बचा है यहां पे बचा है ना तो एक बार साइन और कॉस बच गया मतलब टेन और सीकेंड बच गया देख देख पा रहे हो समझ पा रहे हो देखो जीरो से लेके पाई बाई फोर साइन और कॉज को अगर डिवाइड करेंगे तो टेन बनता है वन बाई जो आता है, आता है है तो एक बार ध्यान से देखो क्या ये चीज दिख रही है तुम्हें कि ये वैल्यू जो आ चुकी, आ चुकी है आ चुकी है टेन स्क्वायर एक्स सेक्वास डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन क्यूब एक्स का होल का स्क्वायर क्या ये चीज दिख रही है देखो कितना आसान तरीके से देख लो एक बार क्योंकि एक तो गया चार बच्चे

एडजस्टमेंट तो अपन कर लेंगे अपर लिमिट क्या हो जाएगी जब हम पाई बाई फोर रखेंगे तो टू हो जाएगा जब हम जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा तो आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी वन से लेके टू तक और यहां पर वैल्यू आ जाएगी डी टी डिड बाई थ्री एन टू टी का वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस वन बाई टी क्योंकि टी की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन देखिए यह वैल्यू आ जाएगी वन बाई सिक्स वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा वन बाई सिक्स अगर यही क्वेश्चन था तो इसका आंसर वन बाई सिक्स है देखिए इतना इजी ऐसा सवाल दो हजार अठारह में इस टाइप का मेंस में ऑलरेडी आया हुआ यही थोड़ा सा वैल्यूस हो सकता है जीरो और लिमिट इमिट चेंज करके आया हो बट वे ऑफ सॉल्विंग देखो कि इस तरीके का पहले भी आया हुआ तो जो बच्चा वो बना के गया था बिल्कुल पता है इसको कि बाहर निकाल के सॉल्व करना है बस खत्म ऐसे ही टाइप का पैटर्न आया हुआ देखना अठारह या सत्रह का ये इस टाइप का सवाल ऑलरेडी आया हुआ है ये है ना बहुत इजी बहुत आसान बहुत काम में, में अब तो ये सवाल बोल रहा था एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि ये सवाल आया सर अभी थोड़ी देर पहले एक जन बता रहा था ना कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था इस टाइप का लिख रहा था कमेंट्स में मैं देख रहा था एक जन वो पूछ रहा था कि सर ये सवाल आया था तो क्या ये सवाल आया था कि नहीं क्योंकि वो चिल्ला के बता रहा था इसका मतलब वो सवाल आया होगा ऐसे ही लिखा था कि कुछ और लिखा था एक बार देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स वाई ऑफ की वैल्यू जीरो गिवन थी वाई ऑफ टू पूछा था ऐसे करके था कि कुछ और था कि कुछ अलग टाइप का था क्योंकि ये अगर था तो ये तो थोड़ा सिंपल टाइप का है ये अगर यही सवाल था तो सिंपल है बस इसको डिवाइड करके सॉल्व करना होगा आया था ये सीएनएफ एक बार लिख दिए हम्म आ, ये आया था एक बार बच्चों जल्दी बता दी कमेंट करके बता दिए सीएनएफ था ही है। ये क्वेश्चन एक बार देख लो वाई ऑफ जीरो पूछा था अच्छा वाई ऑफ जीरो पूछा था क्या? जो है एक बच्चा बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया वाई ऑफ जीरो पूछा था चलिए देख लेंगे हाँ मेरे को भी लग रहा है क्योंकि एक एक्स पार्ट है तो मेरे को लग रहा है जीरो या पाई बाई फोर ऐसे करके आना चाहिए टू थ्री तो जम नहीं रहा है है ना तो हमेशा जैसे वैल्यूज में पूछेगा जीरो पूछेगा पाई बाई फोर या वन हो भी सकता है वन भी हो टू भी हो देखिए निकाल लेते हैं अपन कौन आएगा ये तो अभी नहीं पता कि ट्वेल्थ में कैसे बैचेस आएंगे जो भी बैच लॉन्च हुआ है उसमें तो पढ़ लिया ना तो चलिए अभी सवाल को सॉल्व करते हैं क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आया था मतलब आया था वैल्यूज पे अपन देख लेंगे फाइनल आंसर पहले निकाल लेते हैं सबसे पहला काम क्या होगा वन प्लस को बोलना है चलिए डिवाइड हो जाइए पहला काम यही करना है तुरंत इंटीग्रेशन कभी भी नहीं करना है। पहले को खाली करना है है पहले को खाली खाली चलिए कैसे करेंगे अपन बोलेंगे तो e शानदार तरीके से अब यहां से अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बहुत ही इजीली तो अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर तो ई टू दी पावर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब ये आ जाएगा ई टू दी पावर में टेन इनवर्स एक्स खत्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद बहुत आसान हो जाते हैं चीजें तो वाई इन यहां पे आ जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई पावर टेन इनवर्स एक्स फिर अगेन ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस आ गया हो गई बात अब क्या करना देखिए कुछ नहीं करना देखिए इसको टी लेंगे तो ये ये तुरंत तुरंत निकल जाएगा तुरंत निकल जाएगा ही इसको बोले तुम टी बनो बोलेगा ठीक है अपन निकल जाएंगे बाहर निकलते हुए जाएगा तो e टू दी पावर tan इनवर्स x को जैसे ही मैं बोल रहा हूं इसको टी रखोगे तुरंत तुरंत ये बोलेगा कि ठीक है मैं बाहर निकल रहा हूं क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आता है फिर tan टेवर्स x का डेरिवेटिव लोगे तो शानदार तरीके से आ जाएगा 1/1+x2 dx विल बी इन dt के बराबर तो ये t dt टाइप का इंटीग्रेशन आ जाएगा तो सीधे आंसर अब लिखते हैं तो y into यहां पे आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 plus c दैट्स इट अब इन्होंने बताया था कि x की वैल्यू 1 रखने के बाद y की वैल्यू 0 आ रही है तो बहुत आसानी तरीके से अपने पास c निकलते हुए आ जाएगा क्यों क्योंकि वाई तो जीरो है ना तो वाई जीरो तो वैल्यू निकल गई तो सी की यहां पे वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ ई टू दी पावर टेन वर्स वन मतलब पाई बाई फोर आ गया ये आ पाई बाई फोर का होल का स्क्वायर बाई टू बस खत्म तो ये वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू डिडेड बाई टू अब जो भी वैल्यू पूछा देखो अगर सी निकल गया फिर तो जो भी वैल्यू पूछा हो चाहे वाई ऑफ जीरो पूछा हो चाहे वाई ऑफ जो भी वैल्यू पूछा हो तो आराम से अपन इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि तो देखो कि अगर y ऑफ जीरो जैसे बच्चा बोल रहा है तो y ऑफ जीरो मतलब ये जीरो हो गया टेन वर्ष तो जीरो होता है टेन वर्स जीरो तो जीरो होता है तो बचेगा क्या वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू प्लस सी के बराबर और ये सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी थी तो ऑप्शन तुम्हें ई के पावर में आ रहा होगा ऐसे ही आ रहा था तो वन प्लस ई टू दी पावर माइनस फाइव बाई टू डिड बाई टू इस तरीके से जो भी पूछा रहा अगर जैसे मान लो टू पूछा रहा तो यहाँ पे टू डाल, देना, वन रहा, वन डाल देना थ्री पूछा रहा थ्री डाल देना जैसे तो जो अब हो, वैसे जीरो पूछा होगा थोड़ा 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 क्योंकि सा सा अच्छा लगता है है देखने में नहीं है तो और अपन रिलेट कर पाते हैं कि फोकस करके हमें क्वेश्चन को बनाना कैसे वो मैथड हमने तुम्हें पूरा बता दिया अब स्टार्ट करें नेक्स्ट तो एक बार ये क्वेश्चन को देख लो वेरीफाई कर लो पहले वेरीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद तो सवाल को समझा दिया जाएगा तो पहले ये देख लो क्या ये सवाल आया था इस टाइप का अगर ये सवाल आया था तो फिर से एक आसान कैटेगरी का सवाल क्योंकि मॉड के सवाल जरूर आ रहे हैं जैसे प्रीवियस भी सेशंस में देखोगे मॉड के सवाल जरूर आ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर मिक्स करके क्योंकि मॉड के सवाल से बच्चे थोड़े से डर जाते हैं कभी ईजी आ रहा है तो कभी टफ आ रहा है बट मॉड का सवाल डेफिनेटली आ रहा है ये नहीं आया था अच्छा

मत करिए फिर भी हम हिंट देते हैं कैसे करोगे तो ये आ गया के करना पड़ेगा इसको दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे आंसर ये मिल जाएगा शानदार तरीके से केस नंबर टू एक बार जीरो और वन की कैटेगरी के को सॉल्व करोगे कि और वन के बीच में आ रहा है तो ये निगेटिव और एक बार पॉजिटिव मतलब x माइनस एक्स माइनस वन इज एटीन यहां से कोई आंसर ही नहीं आएगा नो आंसर पॉसिबल यही से आंसर आएगा केस नंबर थ्री वेन एक्स इज लेस देन जीरो तो मैंने दोनों तीन दोनों बता दिए है ना अब एक बार देख लेना जो भी तुम्हारा आंसर अगर आया था तो ठीक है नहीं आया था तो कोई दिक्कत नहीं इसको अपन लिख देते हैं यहां पे स्किप है ना क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं क्वेश्चंस थोड़े से इधर उधर भी हो जाते हैं तो मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया स्किप ये कोई नहीं इस कैटेगरी को हटा देते बट मैंने बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना होगा ताकि तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाए चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा है कि तुम्हारा कि वन वन के बारे में ऑन टू के बारे में वगैरह पूछा है ऐसे सवाल पहले भी आए हैं और बहुत ही आसान कैटेगरी के सवाल है क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं एक बार क्वेश्चन बस देख लो क्या ऐसा लिखा था कि वन वन पूछा रहा ऑन टू पूछा रहा एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है देखिए शानदार तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्स टू एक्स माइनस फिफ्टीन आप एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन ऐसा कुछ सवाल इस टाइप का ही था कि कुछ और था कि यह था कि नहीं नहीं भी था फिर भी हम तुम्हें बता देंगे कैसे और यहां पे स्किप लिख देंगे कोई इश्यूज नहीं है उसके हम बता देंगे क्योंकि अब स्लाइड में आ गया तो कहीं ना कहीं टीम ने वेरीफाई करके कहाँ से कुछ किए होंगे यस था चलिए देखते हैं अपन इसको कैसे करेंगे देखिए एक चीज है जब भी कॉर्डेटिक बाय कॉर्डेटिक होता है तो इसके कई तरीके होते हैं वन वन और ऑन टू के वन वन के लिए पहली बात यह हो जाता है कि डिफरेंशिएशन से भी कई प्रकार करते हैं कि एफडेस एक्स निकालो है ना और इसकी जो वैल्यू थी डोमेन मतलब आर टू आर था ये आर टू आर होगा क्योंकि यहां पे कोडोमेन जरूर गिवन होगी तभी अपन ऑन टू वगैरह के बारे में बता पाएंगे

तो यहां से मेरे को एक चीज तो तुरंत तुरंत क्लियर है कि ये फंक्शन जो है ये मैनी है तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए ये मैनी वन क्यों है क्योंकि वैल्यू और एफ ओ माइनस फाइव की वैल्यू सेम आ जाएगी क्यों भाई दिख रहा होगा ना देखो ऊपर देखो एफ ओफ थ्री की वैल्यू और एफ ओ माइनस फाइव की वैल्यू सेम आ गई ये दो वैल्यूज तुम्हारी सेम आ गई तो तुरंत तुरंत हमें पता चल गया कि ये वन वन तो बिल्कुल भी नहीं है नहीं है ना वन वन तो वन वन तो यहां पे हटा दो भाई साहब को कि वन वन तो आप हो ही नहीं वन वन तो है ही नहीं है हाँ ना बट नॉट ए वन वन तो ये वन वन तो नहीं है यहाँ पे वन वन वाला जो बोल रहा ऑप्शन तो ये बोलते वन वन ऑन टू ये तो हट गया अब बसता है कि भैया कि ऑन टू है कि नहीं ये चेक कर लें ऑन टू मतलब क्या होता है कोडोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर अब एक चीज तो क्लियर है कि एफ ओ थ्री और एफ ओ माइनस बनेगे इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का मतलब इसका मैं बता देता तो, हूं जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आई जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आई इसके थोड़े हेल्थ एक तो तरीका होता है इसको डिफरेंशिएशन से चेक करें एफडेस एक्स की वैल्यू निकालें अगर एफडेस एक्स प्रॉपर पॉजिटिव आता है तो ठीक है अगर प्रॉपर उसका वैल्यू जो है जैसे मान लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में भी जाना पड़ेगा तो मैं एक चीज और है, एक और तुम्हें हेल्प कर देते हैं एक ईजी कैटेगरी का सोल्यूशन बता देते हैं देखो जब भी आ गया इस टाइप का एफ एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का आ गया कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी ऐसे टाइप का कभी भी आ गया ऐसे टाइप की वैल्यूज कभी भी आ गई अगर इसके बीच में देखो तुम्हें हिंट बता देते हैं इसके बीच में ए और बी कोई भी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू सी और डी के बीच में लाई कर गई जैसे सी के बीच में ए और बी के बीच में अगर कभी भी ये लाई कर गया कोई भी रूट जैसे यहां पे x, -5, x -3 लिखा हुआ है यहां पे x माइनस टू एक्स माइनस वन तो इनके बीच में अगर कभी भी ये लाई कर गया इसका रूट्स अगर लाई कर गया तो इसकी जो रेंज आती है वो माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी आती है इसकी रेंज तो इसकी रेंज जो आती है वो माइनस इन्फिनिटी से इंफिनिटी आती है और अगर नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी सिर्फ यही कैटेगरी में माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी आती है वरना नहीं आती है जैसे एग्जांपल के लिए तो मैं बता देते हैं जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स माइनस फिर लिखा हुआ है एक्स तुम्हारा हो गया आ, हो गया तुम्हारा एक्स माइनस इस टाइप का आ गया तो जीरो और थ्री के बीच में वन और टू लाई कर गया। अगर ये लाई कर गया एक भी तो करेगा अगर नहीं लाई करेगा तो फिर गया ये एक शॉर्टकट है मेथड। अदरवाइज तुम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो वो थोड़ा तो सा लंबा पड़ जाता है अब अगर इस कैटेगरी में देखोगे तो ये लाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो है ना रूट सी नहीं आ रहा है जब रूट सी नहीं आ रहा है तो बात कैसे करेंगे इसके रूट तो आने चाहिए ना तो इसके रूट्स नहीं आ रहे तो फिर कैसे लाई करेगा तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं आने वाला है इसका मतलब ये जो कैटेगरी आएगी नाइदर वन वन नॉर ऑन टू की आएगी तो ये नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू वाली कैटेगरी का आना चाहिए मतलब ये इन टू फंक्शन बनना चाहिए अगर ये आ जाता तो इसके रूट्स अगर आ जाते तब हम कुछ बोल पाते इसके रूट्स ही नहीं आ रहे इसके रूट्स ही नहीं आ रहे ना जैसे रूट्स आ जाता इवन ये कैटेगरी जो है ये जैसे मान लो ऐसे भी प्रॉब्लम लिखी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऐसे टाइप का सवाल तुमने किया होगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी ऐसे टाइप का तो ये ऐसे कैटेगरी में भी लग जाता है तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशिएशन एक तरीका है तो वो लंबा पड़ जाता है, F, जो मैं, one -one चेक करना है तो उसमें फिर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वरना थोड़ा सा ये भी पता चल रहा है कि एफ ओफ थ्री एफ माइनस फाइव जीरो आ रहा है तो इसकी टर्निंग होने वाली है इस की टर्निंग होने वाली है क्योंकि एफ ओ थ्री की वैल्यू और एफ ओ माइनस फाइव की वैल्यू अगर ये प्योरली इंक्रीजिंग होता जैसे हमें अगर ये जैसे मान लेते वन वन नहीं आता अभी मतलब वन वन आ जाता तो प्योरली इंक्रीजिंग होता तो शायद अपन कुछ कह पाते हैं क्योंकि देखो यहां पे टर्निंग आएगी ना

आर टू आर फिर थ्री आर माइनस वन फिर लिखा था वन टू थ्री यहां पे भी एन स्क्वायर होगा ये है एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर बाई टू प्लस अल्फा फिर एन बाई टू इंटू थ्री एन माइनस वन फिर ये लिखा था टू ए एट माइनस ए एट ऐसे करके कुछ था इस टाइप का मतलब मुझे लग रहा है कि समेशन वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होता है मेरे ख्याल से जैसे तो समेशन लग गया आर एन एन प्लस वन बाई टू ऐसा टाइप का हमें ऐसा लग रहा है बट यहां पे समेशन वगैरह नहीं बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि पहले ए आर को सॉल्व करो फिर बस वैल्यू डाल दो एक बार टेन डाल दो एक बार एट डाल दो थार माइनस टू था चलो वो तो हो जाएगा थ्री आर माइनस मतलब था ऐसा मतलब ये कहना चाह रहे एक बच्चा बता रहा है कि था ये 3R ऐसा कुछ था है ना बताइए जल्दी बताइए था कि कि नहीं नहीं बता जल्दी ये 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 था था अगर यहाँ पे थ्री आर माइनस टू वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा क्या इस टाइप का प्रॉब्लम था इस टाइप का ऐसे टाइप की तो मैं प्रॉब्लम मिली थी ये वो तो चलो वन वन एडजस्ट कर लूंगा इस टाइप का था ये नहीं बता रहे कई लोग हाँ था हाँ था देखिए तुम भी कंफ्यूज हो

क्योंकि तो जब टू आर से जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं आर वन को रिप्लेस करो टू आर वन माइनस आर टू उससे क्या होगा दो जीरो बन जाएंगे जैसे यहां यहां पे पे बन बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा अगर यही कैटेगरी का था तो यहां पे देखो जीरो बन जाएगा यहां पे जीरो बन जाएगा ये वैल्यू बन जाएगी टू अल्फा प्लस बीटा के बराबर तो ये वैल्यू आ गई टू अल्फा प्लस बीटा बन गया और यहां पर आ चुका है टू आर फिर यह वैल्यू आ गई टू फिर यहां पर आ गया एन स्क्र माइनस बीटा फिर अगेन थ्री आर माइनस वन फिर अगेन यहां पर वैल्यू आ रही है थ्री एन टू एन बाई टू एन टू थ्री एन माइनस वन ये सीधे आर टू तो थोड़ा सा इजियर हो गया अब इसको सोल्व कर लेते ए आर की यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए आर की जो वैल्यू दिख रही है इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सिक्स आर माइनस सिक्स आर प्लस टू के बराबर तो सिक्स आर सिक्स की शानदार वैल्यू जो मेरे को मिल रही है, है मतलब पे ये डिपेंडेंट है ही नहीं मतलब ये आर पे डिपेंडेंट ही नहीं है ये सिर्फ अल्फा और बीटा पे डिपेंडेंट है ये तो फिर इसका मतलब टू ए टेन माइनस एट तो क्या करना है इसमें अगर ए टेन पूछेगा तब भी यही वैल्यू आएगी ए एट पूछेगा तब भी यही वैल्यू आएगी फोर अल्फा प्लस टू बीटा तो यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा एक ही बचेगा फोर अल्फा प्लस टू बीटा यही क्वेश्चन था तो आंसर इज ए अगर यही क्वेश्चन था अगर इसी टाइप के पैटर्न का लिखा था देखिए आर वगैरह पे थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे मान लेते थ्री आर माइनस टू कोई बता रहा है तो ठीक है यहाँ पे फिर फोर वो बच जाएगा है ना जैसे मान लो यहाँ पे बच्चा बचा रहे थ्री आर माइनस टू होगा तो फिर यहां पे जैसे यहाँ पे टू नहीं आके फिर फोर हो जाएगा

हमेशा फेवरेट सर है ये ए टेन ए फिफ्टीन ये हमेशा घुमाता रहा है ये सवाल और बहुत ही आसान कैटेगरी का सवाल होता है ये तो क्या ये सवाल आया था कि नहीं एक बार देख लो अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं एक बढ़िया सी इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक की ए एन की वैल्यू गिवन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टू प्लस में डिवाइडेड बाई ए ये परफेक्ट है मतलब ये समझ लो जेई मेंस का ये फेवरेट कैटेगरी का सवाल है ये ये जो सवाल है ना न्यूटन्स वाला ये हमेशा फेवरेट कैटेगरी का है कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज कर करके पिछले साल भी बार बार आया था ये हर बार आता है ये हर बार ये फिक्स है ये फिक्स पैटर्न में आंसर इज ए मतलब ये सवाल आया था ओके चलिए इस सवाल को देखते हैं एक बहुत आसान सवाल सीधा क्या करना है सीधे 2025 से सीधे स्टार्ट करना है क्योंकि एस की इक्वेशन बन जाएगी सीधे इक्वेशन बनानी यहां पे इक्वेशन आ जाएगी ए टू जीरो टू फाइव माइनस यहां पे आ जाएगा टी स्क्वेर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स फिर यहां पे आ जाएगा ए टू जीरो टू फोर प्लस ए टू जीरो टू जीरो के बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे ही सॉल्व करोगे देखो क्या आ जाएगा ए टू डिवाइडेड बाई ए टू जीरो टू फोर इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा टी स्क्र माइनस फाइव टी प्लस सिक्स ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अब इन्होंने बोला था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो ये है क्वाड्रेटिक

तो यहां पे आना चाहिए आंसर माइनस वन बाई फोर तो आंसर है माइनस वन बाई फोर आना चाहिए आ रही है किसका किसका आंसर मैच किया भाई जल्दी बताओ बाई ये मैच किया था माइनस वन बाई फोर बहुत ही आसान कैटेगरी का सवाल ये सवाल जरूर आते हैं जरूर ये पिक्स पैटर्न का सवाल नहीं है ये न्यूटन मतलब फेवरेट तो कहीं ना कहीं ये कैटेगरी में जोड़ना है ये मेंस की कैटेगरी का सबसे फेवरेट सवालों में है ये हो गए फिर तुम्हारे मैट्रिसेस के ज्वाइंट वगैरह हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए कुछ एक आधा सवाल ऐसे हैं कि दस पांच दस सवाल उनके फिक्स पैटर्न है वैल्यूज को चेंज कर करके बनाते हैं ये तो ये एक सवाल था देखा गया देख लो तो आंसर इज माइनस वन बाई फोर बहुत इजी तो सवाल सब होते हैं ना देखिए आता है तो ईजी है पर नहीं आता तो फिर वही चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ये कैटेगरी आई थी कि नहीं एक बार देख लो ये स्लोप वगैरह ऐसा कुछ लिखा था मिनिमम वैल्यू वगैरह निकालनी थी एरिया वगैरह का सवाल ऐसे टाइप का लिखा था देख लो एक बार क्या लिखा था एक 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 जो है वेरिएबल लाइन है जो कि पास कर रही है स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव स्लोप वगैरह कुछ गिवन है पॉइंट जो है वो फोर का माइनस नाइन है उसके बाद इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ए एंड बी ऐसे करके कुछ आया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एंड बी आया था ऐसे करके इक्वेशन से सॉल्व करना होगा मिनिमम वगैरह पूछा मतलब स्लोप का इंट्रोडक्शन होगा ऐसा कंफर्म कर दिए एक बार सीएनएफ हो जाए बस ये ना जाए कि आया था कि नहीं है कंफर्म कर दिए क्या ऐसा सवाल था कि कुछ और था कुछ और कुछ लिखा था पॉइंट ये लिखा था कि नहीं फोर कौन माइनस नाइन कुछ याद आ रहा है दिए तो थे यार पेपर ध्यान कुछ नहीं आ रहा है देखो जिनको ध्यान आ रहा है वो याद किया अच्छा अच्छा हाँ सर इस टाइप का तो सवाल था हमने बनाया था बस बस एक बार कंफर्म कर दोगे तो उससे क्या होगा ना बनाने में तो फिर आसान है बस तुम बता दो कि हाँ ये सवाल था वरना यहाँ पे अपन को लिखना होगा स्किप स्किप लिखना पड़ेगा और बता जरूर देंगे है ना ये था कुछ अलग था था चलिए कोई नहीं हम बता देते कुछ अलग सा था ऐसा था कि कुछ और था क्योंकि हमारे पास तो इस टाइप का लिख के हैं तुम शायद बता पाते तो ज्यादा सही था नाइन द सम ऑफ ओ एंड बी सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ़ फ्रॉम द ओरिजिन ओ एंड बी अच्छा ये ओ ए प्लस ओ बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी जैसे कि सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सर ओ ए प्लस ओबी की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी जैसे कि सभी लोग चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहे हैं तो हम इसी को निकाल देते हैं ठीक है एरिया नहीं लिख के वो बोल रहा है रहे हैं किस की मिनिमम वैल्यू तो एक बार निकाल देते हैं सबसे पहले अपन को इक्वेशन लिख लेते हैं तो इक्वेशन लिख लेते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स में आ जाएगा एक्स माइनस फोर के बराबर आ जाएगी ना तो ये शानदार इक्वेशन आ चुकी है वाई इज इक्वल टू आ चुकी है एम एक्स माइनस फोर एम 9, बस ये इक्वेशन है ये ये इक्वेशन आ चुकी है इससे क्या को हमें क्या निकालनी है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है ना ऐसे करके लाइन जा रही होगी जिसकी स्लोप है पॉजिटिव पॉइंट है 4, 9, तो कुछ इस प्रकार में इक्वेशन आ रही होगी ऐसे करके तो हम क्या कर रहे हैं ये ए निकालेंगे और यहां से बी निकालेंगे ए और बी को पॉइंट को तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे वाई को जीरो करेंगे तो वाई को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर एम प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एम आ गया इसका मतलब आ जाएगा फोर प्लस नाइन एम आ जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई एम इसके बाद एक बार की वैल्यू करेंगे तो की वैल्यू आएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर एम तो ये जो माइनस फोर एम माइनस नाइन आ गया बच्चे और ये जो पॉइंट आ रहा है फोर है, प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एम कॉमा जीरो डिस्टेंसेस वगैरह निकालनी है तो ओ ए और ओबी की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा एक डिस्टेंस आ जाएगी फोर प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एम आ गया ये ओ ए की वैल्यू आ गई दिस इज ओ ए तो ये ओ ए आ गया उसके बाद प्लस साइन के साथ ओ भी निकालना है तो डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फोर एम प्लस नाइन के बराबर फोर तो प्लस नाइन कितना होता है तेरह अब यहां पे दिख रहा होगा ए एम नाम की चीज होती है क्यों एमजीएम क्लिक किया क्योंकि यहां पे एम है और यहां पे एम है उल्टे उल्टे लिखे हैं तो एम जी ही दिखा पाता है जलवा तो यहां पे आ जाएगा थर्टीन प्लस यहां पे आ जाएगा फोर एम प्लस नाइन बाई एम यहां पे शानदार तरीके से लगा लो एमजीएम खत्म कर दो इसको तो सीधे आ जाएगा थर्टीन प्लस टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ तो फोर इंटू नाइन वो आ जाएगा 36, 36 और 6, 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस बारह तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 तो क्या ये आंसर था कि नहीं तुम्हारा अगर तुम्हारे हिसाब से हमने बना दिया क्या ये आंसर तुम्हें मिला था ये इंटीजर टाइप में आया था कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का था आंसर इसका आना चाहिए ट्वेंटी ये आंसर मैच किया था देखिए सिंपल अपन ने इक्वेशन लिख ली स्लोप यहां पे पॉजिटिव है ये अपन को गिवन है है तो ये करके ऐसे करके लाइन जाएगी जाएगी ना ऐसे लाइन हमने ए और बी पॉइंट को ट्रैक किया कैसे ट्रैक किया एक बार एक्स को जीरो एक बार वाई को जीरो तो दोनों पॉइंट को ट्रैकिंग की फिर जैसा कि तुम बोल रहे थे कि एरिया नहीं निकालो सर आप सम निकालोबी का एरिया भी निकालते तो हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू ओ ए इंटू ओबी लगा लेते तो उससे भी आंसर डेफिनेटली आ जाता अगर एरिया वाला ही पूछता तो उसमें भी ए एमजीएम जरूर लगता है तो फोर देखो पॉजिटिव इसलिए दिखा हुआ है क्योंकि एम को पॉजिटिव क्योंकि ए एमजीएम लगा पाओ ना तो यहां पे ए एमजीएम लगाया गया है ना तो यहां पे एएमजीएम लगा के वैल्यू आई है टू इंटू अंडरवुड फोर इंटू नाइन यस सर ट्वेंटी फाइव ऑप्शन में था देखिए अब देखो भाई बच्चे ने कंफर्म किया कि सर ये ट्वेंटी फाइव था इसका मतलब डेफिनेटली ये सवाल आया था ये क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये सवाल आया था ये सवाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एनसीआरटी का सवाल ये एनसीआरटी टाइप का क्वेश्चन है ये क्या ये सवाल आया था देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द लाइन निकलवाना वो सबसे टफ टास्क हो जाता है बट यहां पर क्या निकलवा रहा है सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमने देखा होगा कई बार ये पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द लाइन वो बहुत ही टफ टास्क है क्योंकि उसको निकालना सबसे टफ टास्क होता है इन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए दो लाइनें दे दी हैं उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधे क्रॉस और उसके बाद आया था ये जेड माइनस नाइन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री एट रूट थ्री आया था यह आया था ये मतलब कई लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन कोई पूछ रहा है समझ में नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं एक बार बच्चे के लिए रिपीट कर देते हैं हमने लिखा हुआ था कि एक वेरिएबल लाइन थी जो कि पास कर रही थी इससे हमने एक इक्वेशन इक्वेशन की की लाइन लिखी है स्लोप हमें नहीं पता रहा तो यहां यहां पे पे मैंने इसलिए यहाँ पे M लिख दिया है क्योंकि M की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव गिवन है स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी ए पॉइंट निकाला बी पॉइंट निकाला कैसे निकाला एक बार एक्स को जीरो एक जीरो किया ताकि अपने पास ये इंटरसेप्ट वाले पॉइंट आ जाए तो ये पॉइंट आ गए पॉइंट आने के बाद इन्होंने तुमने बोला था मिनिमम वैल्यू निकालो ओ ए प्लस

इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान तरीका क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं तो ऊपर में जो डिटरमेंट आएगा वो लिख रहे हैं क्या आएगा ऊपर में वैल्यू बी वन बी टू तो आने वाला मतलब ये तो वैल्यू आने वाली है टू वन माइनस थ्री फिर यहां पर आएगा टू माइनस सेवन एंड टू है ना और यहां पर पॉइंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं थ्री माइनस फिफ्टीन एंड नाइन यहां पर पॉइंट मेरे को ये मिल रहे हैं

I, J, K, तो यहाँ पे वैल्यू आती है आई जे के फिर यहां पे आता है टू वन और माइनस थ्री फिर यहां पे आता है टू माइनस सेवन एन टू है ना इस तरीके से इसको किया जाता है तुमने ये वगैरह किए होंगे एनसीआर से ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी फोर एन टू दिस और दिस तो यहां पर आ जाएगा टू माइनस ट्वेंटी वन तो यह आ जाएगा फोर एन टू माइनस नाइनटीन आ जाएगा प्लस साइन के साथ तो ये वैल्यू आ रही है माइनस सिक्सटीन आ रही है अच्छा तो माइनस सिक्सटीन टाइम्स में माइनस सिक्स तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स और माइनस फोर तो ये वैल्यू तो आ जाएगी माइनस टेन के बराबर फिर JKP के केफ कहलाऊ तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर्टीन माइनस टू तो ये माइनस फोर्टीन और माइनस टू तो ये माइनस सिक्स करीब की आ रही है वैल्यू आ जाएगी इसके बाद इसका निकालोगे। देखो एक बार आंसर बताओ क्या आ रहा है। माइनस फोर रूट थ्री आया था एट रूट थ्री आया था क्योंकि अब बस तो बेसिक कैलकुलशन बचिए फोर रूट थ्री आया था कि एट रूट थ्री आया था कि सिक्स रूट थ्री आया था कि टू रूट थ्री आया था मेन जो पार्ट था यहाँ पे लिख दिया क्या होगा यहां पे? ईजे की आएगा क्रॉस बी वन क्रॉ बी टू तो यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए बस ये उठा के बस रखना होता है क्योंकि तो वैसे भी मॉडर्न है तो कोई फर्क नहीं आएगा तुम तो ऊपर लिख दो इसको लिख दो चाहे सर हम इसको सिक्सटीन होगा कहां पे बोल रहे बच्चे आई केफ कह माइनस ट्वेंटी वन ठीक है माइनस नाइनटीन है जेकेफ कहलाउ माइनस सिक्स माइनस फोर उल्टा के लो मस फोर्टीन माइनस टू तो माइनस फोर्टीन माइनस टू तो माइनस सिक्सटीन आ गया इसके बोल रहे थे तो 4 यहाँ पे आएगा टू और माइनस तो ट्वेंटी फिर उल्टा चलते हैं तो माइनस सिक्स माइनस फोर उल्टा चलोगे ना हमेशा उल्टा या तो माइनस साइन लगाओ तो माइनस सिक्सटीन के लोल्टा उल्टा उल्टा चलता है नेगेटिव तो माइनस सिक्स माइनस फोर तो माइनस टेन आ जाएगा तो वन सिक्सटी माइनस दिस और ये आंसर आ गया क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा एट रूट थ्री एट रूट थ्री आ रहा ए टू थ्री आ रहा चलो कोई नहीं ये तो बस ऑप्शन वाला पार्ट है क्या ये क्वेश्चन आया था ये ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि नहीं कि अपन बस कर रहे यार आया हुआ तो कुछ नहीं था ये ये आया था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन अपन जो किया बता दी क्योंकि वैल्यूज को हो सकता है चेंज भी हो जैसे मान लो कहीं फोर लिखा हो थ्री लिखा हो ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी वैल्यूज को भी जरूर हो जाता है बट मेरा ये बताना था कि सोल्व कैसे करेंगे सोल्व का तरीका यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मुला लगता है वो क्या लगाया गया वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए टू माइनस ए वन है ना और ये बॉक्स में फिर यहाँ पे आता है बी वन और बी टू तो ऊपर वाले पार्ट में ये बनता है नीचे में आ जाता है तुम्हारा आई जे के और यहाँ पे आता है बी वन क्रॉस बी टू तो यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू बनता है ये तो ये मॉड में बी वन क्रॉस बी टू यहाँ पे ब्रैकेट में बनता है ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू ए टू माइनस ए वन मतलब वो वाले कंपोनेंट है जिससे लाइन पास कर रही है तो ये लाइन से पास वाली ये काफी एक ईजियर पार्ट आ गया वरना क्या होता है जब तुम प्रीवियस सेक्शन में चेक करोगे तो तुमने देखा होगा कि वहां पे लाइंस की इक्वेशन निकलवाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बहुत ही टफ तरीका हो जाता है क्योंकि इसको लैमडा से इक्वेट करो फिर इसको म्यू से इक्वेट करो फिर वहां से पॉइंट लेके आओ फिर उसके बाद जो है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाओ बहुत टफ टास्क है वो लैमडा और म्यू से दो वैल्यूज निकलवाओ फिर उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस निकलवाओ तो वो बहुत ही टफ टास्क है ये बहुत ही ज्यादा इजी वाला दे दिया तुम्हें समझ रहे हो बहुत ही इजी बना बनाया सब कुछ सवाल दे दिया तुम्हें तो काफी एक ईजियर पार्ट हो गया एक बार ये वाला सवाल हो जाए क्या ये सवाल आया था कि नहीं रिलेशन का तो रिलेशन का एक बार ये सवाल चेक करो ये इस टाइप का लिखा था कुछ वैल्यू रिलेशन ये डिफाइंड है R1 ये defined है, R2 ये डिफाइंड डिफाइंड है है एंड एंड आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू टू मेड मेड बी सिमेट्रिक ऐसे करके लिखा हुआ था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन एस टेन एट ट्वेल्व इलेवन ऐसे करके कुछ ऑप्शन आए थे इस टाइप का देख लो एक बार एक्स की वैल्यूज हमें यही गिवन थी कि कुछ और गिवन थी तो ये सेट्स के बेस प्लस रिलेशन वैसे रिलेशन से कमी देखने को मिलते हैं बट इस बार मिला है अपने को तो ये सिमेट्रिक टाइप का मिला है एक रिलेशन भी तुम्हें देखो टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टू फिर उसके बाद फाइव एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू दिस तो जितने भी रिलेशन पॉसिबल है वो पहले निकालने पड़ेंगे कोई बोल रहा है एम प्लस एन स्क्वायर निकालना था ऐसे करके ये निकालना था कि एम प्लस एन स्क्वायर चलिए कोई नहीं उससे कोई फर्क नहीं आएगा मतलब ये क्वेश्चन था इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो ये सवाल था ये चलिए अब देखते हैं अब इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहला क्या होगा सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर पूरे निकालने पड़ेंगे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सब निकालने पड़ेंगे तो पहले मैं आर वन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो निकाल लेता हूं कैसे एक्स की वैल्यू कितनी है टू प्लस थ्री वाई डिवाइडेड बाई टू अब जैसे वाई की वैल्यू अगर तुम जैसे मान लेते वन लगोगे तो फिर ये एक्स ना फ्रैक्शन में आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है मतलब वाई की वैल्यू जो लेनी पड़ेगी वो एक इवन नंबर लेनी पड़ेगी क्यों समझ में आ रहा है देखिए जैसे वाई की वैल्यू वन लोगे ना तो प्लस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू पॉसिबल नहीं है तो वाई की वैल्यू जैसे ना तुम्हें टू लेना पड़ेगा या फोर लेना पड़ेगा या सिक्स ऐसे करके कैटेगरी में लेना पड़ेगा तो जैसे अपने टू लिया टू, तो वाई की टू तो की कितनी आ गई 2 मतलब 4 आ गया है ना तो ये 4 कॉमा टू एक पॉइंट आ गया इसी तरीके से जैसे y की वैल्यू तुमने 4 रखी है ना 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 रखेंगे तो फिर ऑड बन जाएगा ना तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि x की वैल्यूज जो है वो सेट में हमारे पास 1 से 20 है इसीलिए बस है ना तो जो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी टू प्लस ए डिवाइडेड बाई टू मतलब है ना नेक्स्ट फिर देखो तो y की वैल्यू फिर रखते हैं अपने पास जो है सिक्स रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बंद भी होगा ऐसे नहीं कि ये चलते रहेगा ये तो यहाँ पे आ थ्री प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू तो ये आ जाएगा ट्वेंटी है ना एक सेकेंड यहां पर थ्री प्लस फोर सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व और डिवाइडेड बाई टू तो ये सेवन आ जाएगा तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी सेवन और यहाँ पे सिक्स रखेंगे तो ये एटीन बाई टू और ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन आएगा तो यहाँ पे टेन आ जाएगा ये सही है टू यहाँ पे रखे सिक्स टू डिवाइडेड बाई एट फोर रखोगे तो ट्वेल्व प्लस टू पे नेक्स्ट रखते हैं तो वाई की वैल्यू अपन एट रखते हैं देखो ट्वेंटी के बाद बंद कर देना मतलब ट्वेंटी के बाद आगे बंद कर देंगे यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टू प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एट यहाँ पे रखना बस तो यहाँ पे ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू तो ये तेरह आ जाएगा तो तीन तीन के मल्टीपल में बढ़ रहा है देखो चार आया फिर सात आया फिर दस आया फिर तेरह आया तो पक्का जैसे अपन ने वाई की वैल्यू जैसे यहां पे टेन रखे तो तीन बढ़ जाएगा मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे सोलह आ जाएगी है ना तीन तीन करके बढ़ रहा है फिर नेक्स्ट फिर y की वैल्यू जैसे अपन ने 12 रखी तो जब हम ट्वेल रखे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तीन और बढ़ाओ तो 19 आ जाएगा बस अब इसके आगे बढ़ाओगे तो 22 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है तो यही कैटेगरी बस पॉसिबल है तो यहां पे 12 जैसे मान लो सबसे सब पहले 2 रखे 4 रखे 6 रखे 8 रखे टेन रखे और ट्वेल्व रखे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बने वो इस टाइप के बन जाएंगे एक ऑर्डर पेयर फोर बन गया एक ऑर्डर पेयर सेवन आ गया एक ऑर्डर पेयर टेन फिर पेयर थर्टीन कोमा एट आ गया उसके बाद एक ऑर्डर पेयर सिक्सटीन टेन बन गया और एक ऑर्डर पेयर नाइनटीन ट्वेल्व आ गया तो हमारे पास पेयर बन गया छे छे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन गए एम के कैटेगरी के छे ऑर्डर पेयर अब बोल रहा है कि नेक्स्ट रिलेशन तो ये R1 को हमने निकाल दिया इसी तरीके से क्या करोगे फिर R2 के लिए निकालोगे थोड़ी सी मेहनत वाला काम था बट इजियर है ऐसा ही टफ टास्क है थोड़ा तो सा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना तो वही बस अपन निकाल रहे फाइव एक्स माइनस फोर वाई फाइव तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी फोर वाई डिवाइडेड बाई फाइव तो जो y आएगा वो फाइव का मल्टीपल आने वाला है y तो y जो आने वाला फाइव का मल्टीपल जैसे y की वैल्यू फाइव रखोगे तो x की वैल्यू यहां पे फोर आ जाएगी आ जाएगी ना

और चौथा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो गए और छह से आ गए तो अगर ए कॉमा बी का पेयर है तो बी कॉमा ए को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा उल्टा भी आना चाहिए ना भाई मेरे रेपेज होनी चाहिए फोर कॉमा टू है तो टू कॉमा फोर भी होना चाहिए और जैसे सेवन कॉमा फोर है तो फोर कॉमा सेवन भी होना चाहिए टेन कमा सिक्स है तो एम तो की वैल्यू जो मिल रही है मेरे मेरे को को मिल रही है 6. क्योंकि पेयर 6 और एड करने पड़ेंगे तभी वो सिमेट्रिक बन पाएगा इसी तरीके से एन की वैल्यू जो आ रही है वो फोर आ रही है तो ये आंसर आना चाहिए यही आंसर आना चाहिए एन की वैल्यू फोर और ये क्योंकि चार ऐड करेंगे सिमेट्रिक बन जाएगा उसमें छह ऐड करने पड़ेंगे अब जैसे ही पूछा ना अब जो भी वैल्यू है जैसे एम प्लस एन स्क्वायर पूछ लिया एम प्लस एन पूछ लिया सब निकाल लेंगे अपन जैसे तुम बोल रहे थे एम प्लस एन स्क्वायर तो सिक्सटीन प्लस सिक्स यहाँ पे ट्वेंटी टू आ गया अगर ये पूछा होता तो अगर एम प्लस एन पूछा होता तो सिक्स प्लस फोर टेन आ जाता अब जो भी पूछा पूछा रहा क्या पूछा रहा क्या आया आया था था कि 22 था इसका आंसर क्योंकि तो अगर इसके बोर्ड के हिसाब से देखें तो एम प्लस एन पूछा रहा तो इस हिसाब से ऑप्शन बने हैं तो वहां पर टेन आया था अगर ये नहीं था एम प्लस एन स्क्र वाला था तो बाईस आ जाएगा आंसर तो एक बार देख लो ये बहुत इजी कैटेगरी थी बस इसमें तुम्हें इसको वैल्यू को निकालना था कौन कौन से ऑर्डर पेयर पॉसिबल है

क्योंकि ऐसा सवाल अपन ने स्टार्टिंग में भी सॉल्व किया था 2x ln x टाइप का तो क्या ये सवाल आया था कि नहीं तुम्हारा y ऑफ e इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स वाई इंटू तो एक बार एक बार सी एन एफ कर दिए आया था नहीं? तो कि नहीं ये क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है अपन ने पहले भी ऐसा सवाल सॉल्व किया इस टाइप का इस टाइप का सवाल पहले भी सॉल्व किया ये वापस आया था नो अच्छा अच्छा वही हमें लग रहा है क्योंकि हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही टाइप का ये लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा लग रहा है तो डाउटफुल हो जाता है नहीं तो ये स्केप टाइप का देखिए वही सब मेमोरी हो जाती है ना ये सब सारी मेमोरी है तो कोई लोग मेमोरी में, में, में कुछ ज्यादा याद कर लिए अरे यार लग रहा है दो तो चार सवाल थे तो मेमोरी थोड़ी सी वीक पड़ गई यहाँ पे नहीं तो ये स्केप मानना पड़ेगा वरना सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है ये क्योंकि मेरे को लग रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यार सेम ही आ रहा है क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से एल एन एक्स आ जाएगा तो वाई इंटू एल एन एक्स और यहां पे आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सी तो यार वैसे सेम नहीं देगा अब ऐसा तो ये बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि यार सेम सेम देगा तो इसको स्के मारना ही थोड़ा बेटर ऑप्शन लग रहा है हमें ये सवाल एक बार देख लो क्या ये आया था कि नहीं प्रिय ये, ये यार कई सारे डाले हुए हैं यार ये ये भी आया था कि नहीं ये ये, ये भी हमने सॉल्व किया है यार ये कैसे कैसे सेम सेम सवाल कैसे आ रहे हैं यार ये डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू की पावर माइनस टेन इनवर्स एक्स ये आया था कि नहीं है ना और सर मोटरसाइकिल में मैन्युफैक्चरिंग वाला सवाल था हाँ हाँ मोटरसाइकिल वाला था एक सवाल है एक सवाल है प्रोबेबिलिटी का मोटरसाइकिल वाला वो है शायद स्लाइड में हमारा ये सवाल था कि नहीं इस टाइप का ये था सेम ये था सवाल ये नो ये भी नो बता रहे हैं यार ये ये सवाल नहीं था ये अच्छा जो हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही टाइप का ये भी मेरे को लग रहा है क्योंकि जिसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर से, से डिवाइड करना था उसी क्वेश्चन को बस इधर उधर कर दिया गया है नहीं ये भी है मजाक ये भी है मजाक तो इसको भी अपन को करना पड़ेगा इसके भी है। क्योंकि हमें लग रहा है सेम कैटेगरी का है है हमें लगा आया हुआ, क्या पता क्योंकि दिया है, तो सोल्यूशन टीम ने फाइंड किया तो बहुत मेहनत की होगी तो यहाँ वहां करके हो सकता है तो हमने सवाल किया अभी आया था कि नहीं बार कंफर्म करो ये वाला सवाल इस टेप काटन वर्स थ्री प्लस कॉटन वर्ष फोर प्लस कॉटन वर्स फाइव प्लस कॉटन वर्स एन इज इक्वल टू बाई फोर वैल्यू ऑफ एन टाइप का आया था देखो एक बार तो मुझे नहीं पता क्या ये yes, yes. तो क्वेश्चन आया था तो वर्स थ्री प्लस कॉटिन वर्स फाइव प्लस एन इज इक्वल टू पाई बाई फोर इसको टेन वर्स में बनाने पड़ेगा यस सी एन एफ यस तो इसका मतलब तो चलो बनाते हैं इसको तो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता एक बार चेक कर लेते जैसे बच्चा बता रहा है कि फोर्टी सेवन आएगा तो इसको करोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा तो यहाँ पे, पे वैल्यू आ जाएगी टेन वर्स बाई वन लिख लो इसको भी टेन वर्स वन लिख लो पाई बाई फोर के बराबर ये भी लिख लो इसमें लगा लो टेन वर्स एक्सप्रेस टेन वर्स पहले वाले में इसमें लगाओगे तो टेन वर्स एक्सप्रेस टेन वर्स बाई मतलब सेवन बाई ट

वन माइनस वन बाई एन तो आ जाएगा प्लस वन बाई फाइव अपॉन वन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फिफ्टी फाइव इज इक्वल टू टेन वर्स में एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन तो ये वैल्यू तो आ, तो आ रही है एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन है ना So करेंगे तो जाएगा 46 48, पे। और ये आ जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी है तो अगर यही क्वेश्चन था तो एन की वैल्यू फोर्टी सेवन आएगी बहुत ही बढ़िया कई लोगों ने पहले ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया था आंसर इज फोर्टी सेवन वेरी गुड तो आंसर इज फोर्टी सेवन था ये किया था तुमने वेरी गुड है ना बहुत ही बढ़िया शानदार और ये सवाल एक बार देखो फिर ये सवाल आया था x की पावर x वाला इस टाइप का x की पावर x टाइप का ये एक बार कंफर्म कर दो तो ये आया था अगर ये आया था तो बहुत ही इजी सवाल ही हर मॉड्यूल में हर डीपीपी में बेसिक सवाल है ये कोई टफ सवाल नहीं ऐसा सिंगेज में भी तुमने सॉल्व किया होगा ऐसे ही पढ़ा हुआ है सेम यही सवाल पढ़ा हुआ ये फाइंड द इंटरवल इन विच एक्स की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए वेर एक्स इज पॉजिटिव ये भी लिखा होगा वेर एक्स इज पॉजिटिव तब ये डिफाइंड होगा इंटरवेल इन विच एक्स की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से इंफिनिटी, फिर जीरो से लेके डी हाँ, आंसर, आंसर कुछ नहीं करना देखिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेसिक डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पॉर एक्स का जो है, दी भाई भाई दी एकस, तो इसका जो डीवाई बाईस एक्स की पावर एक्स एंड प्लस एल एक्स

वन तो बाई e से लेकर इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्ट इंक्रीज करेगा अगर माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक होगा तब वो डिक्रीज करेगा अगर इसमें कोई पूछे माइनस इन्फिनिटी से लेके वन बाई e तक क्या होगा ये डिक्रीज होगा और वन बाई लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज करेगा वैसे तो देखे तो यहां पे जीरो से लेके वन अपॉन ही होना चाहिए जीरो से क्योंकि तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए ना निगेटिव में ये डिफाइन नहीं होगा इसीलिए एक्सपोनेंशियल है ना एक्सपोनेंशियल निगेटिव में डिफाइन नहीं होता ना बस इसको डिफ्रेंशिएट करने करना बस ये पता होना चाहिए कि एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये पता होना चाहिए अदरवाइज क्या होगा फिर तुम लॉग लगा के करोगे तो लंबा काम बढ़ जाएगा इसलिए एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि कई बार जई के फॉर्म क्वेश्चन में यूज होता है एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज एक्स की पावर एक्स इंटू वन बाई नेक्स्ट ये तो बड़ा पेचीदा सवाल था ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या ये सवाल है था याटोबो तो हल वाला कई लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि सर एक प्रोबेबिलिटी का आया था बहुत ही कहानी टाइप का लिख के आया था कहानी जहां कहानी लिख देता है वो आसान हो जाता सवाल ये probability में अगर लंबी कहानी आ गई लंबी कहानी लंबी कहानी आ गई तो या तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या तो फिर ये बेस वाला ही है है ये ये पता चल जाता है सीधे सीधे ये लंबी कहानी हो गई ना ना कहानी हो गई टाइप की कुछ कहानी हो गई तो चलिए पढ़ते हैं है क्योंकि एक जन चिल्ला के बता रहा था हमें कि सर फैक्ट्री वाला प्रॉब्लम आया है कंपनी दिस ऑटोमोबाइल तो ऑटोमोबाइल बनाती है कंपनी बोलती है दो टाइप की फैक्ट्री उसके पास तो उसके पास है दो फैक्ट्रीज तो दो टाइप की यहां पे फैक्ट्रीज है फैक्ट्री ए का जो प्रोडक्शन है वो 60 परसेंट ऑटोमोबाइल से आता है मतलब दो फैक्ट्रियां बनी हुई है जिसमें कि 60 परसेंट उसका ऑटोमोबाइल से काम आता है रेस्ट इज प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री बी मतलब 40 परसेंट फैक्ट्री बी से आता है चालीस तो परसेंट फैक्ट्री बी से आता है एट्टी परसेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस अप टू द स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड पे ही है मतलब सही से काम चल रही है बीस परसेंट जो डिफेक्टिव टाइप का होता है एट्टी परसेंट बढ़िया चलता है बीस परसेंट उसमें कुछ खराबी निकलती है उसमें ऑफ द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस अप टू द स्टैंडर्ड तो जो उसकी स्टैंडर्ड लिमिट है उसमें वो बढ़िया से डिफाइन होता है बाकी डिफेक्टिव टाइप का होता है ोबाइल इज सेलेक्टेड वी फाउंड एट इट इज स्टैंडर्ड तो इनको पता चला ऑटोमोबाइल है ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टैंडर्ड तो होना चाहिए यहां पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए और जो कि आई प्रोबेबिलिटी बी से, तो ये कहानी किसकी बन गई ये सीधे सीधे कहानी बन गई बेसविर की क्योंकि वो पूछ रहे स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो प्रोबेबिलिटी बीस है जैसे बॉल का एग्जाम्पल सोचो जैसे दो बॉक्सेस है उसके पास है जो है कुछ कलर के बॉल्स हैं इसके पास भी कुछ कलर के बॉल्स हैं कि ये जो बॉल निकली वो बॉक्स बी से ही निकली तो वेरी स्पेसिफिक हो गया ये तो ये मतलब ये बेस बेस थ्योरम थ्योरम का प्रॉब्लम बन गया तो तो बे, में में जब भी लिखना है तो फाइनल ऊपर लिखेंगे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल क्या है फेवरेबल वो प्रोबेबिलिटी है जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी बी से ही तो प्रोबेबिलिटी बी कितनी थी 40 परसेंट फैक्ट्री का प्रोडक्शन था तो पॉइंट फोर यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई

प्लस वैल्यू आ रही है यहाँ पे फोर्टी एट है ना तो 12 यहाँ से आ रहा था यहां पे देखो अब 126 था कुछ था यहां पे वैल्यू ये देख लो ये ऐसे टाइप का आया था देख लो एक बार थ्री प्लस फोर तो अच्छा ट्वेल्व थ्री से गया ट्वेल्व फोर अच्छा फोर आ जाएगा सॉरी

स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए तो फिर यहां पे पॉइंट वन जोड़ते यहां पे पॉइंट वन जोड़ते और यहां पे पॉइंट टू जोड़ते अगर वो बोलता है स्टैंडर्ड नहीं है तो ये है ना हाँ हा जी तो ये सवाल आया था ये वाला सवाल एक बार देख लो अगर आया था तो बहुत ही बढ़िया अब हमारे पास एक सवाल जो है वो देखने को मिल रहा है मुझे कि जो है वो इस टाइप का आया था ये देखो एक बार सिग्मा एग्मा करके आया था ये सिग्मा एक वगैरह स्टैंडर्ड डेविएशन टाइप का ऐसा करके वो सवाल आया था एक स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन था सर हाँ तुषार एक जन बच्चा बता रहा है कि चिल्ला चिल्ला के कि सर ये सवाल इस का कुछ आया था यही था सवाल था मीन था, था, था दूसरा डेविएशन बताइए अपन को गिवन है देखो सिग्मा की वैल्यू उसके बाद जो है यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू टेन ऐसे करके था और ऑब्जर्वेशन बीस ऑब्जर्वेशन थे वन मतलब हमें लेना चाहिए था ट्वेल्व और ले लिए एट तो उसको माइनस करेंगे और ट्वेल्व को एड करेंगे यही होगा है ना फाइंड द ऑब्जर्वेशन ऐसे करके आया था कुछ ये फाइंड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या आएगा ये ये नो no. नहीं था ये नहीं था थोड़ा गलत लिखा है ये मतलब ऐसे टाइप का था ये कहना चाह रहे हो अच्छा अच्छा ऐसा नहीं था ये 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 ऐसा सवाल था ही नहीं ये ये मतलब गलत है पूरा गलत लिखा है ये पूरा सब कुछ ये सारा कुछ गलत दिखाया है सिग्मा एग्मा, सब कुछ गलत दिखा हुआ है यार ये दिया तो यही था यार एक्स बार इज इक्वल हैं क्योंकि इतने लोग अगर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ रॉन्ग है यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रॉन्ग है ये क्या रॉन्ग है अभी हमें भी नहीं पता भाई क्योंकि हमने पेपर तो दिया नहीं है ये तो बच्चों से जो मिला था उसके हिसाब से तो इसमें कुछ करना नहीं था वैसे क्योंकि इसमें जो है फॉर्मले वगैरह लगते हैं सिग्मा के सिग्मा वाले जो है लंबे वाले जो फॉर्मले लगते हैं ना दुनिया के इतने बड़े बड़े वाले फॉर्मले होते हैं एक्स आई स्क्वाई एन वाला माइनस फिर यहाँ पे आता है समेशन ऑफ का होल का स्क्वायर है ना स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालने के लिए तो वो सब फॉर्मले मेन लगेंगे तभी वो काम बनेगा ना अगर वो क्वेश्चन होता तो हम शायद सही वाला तो ये वाला होता वैसे इसमें लगेंगे ये वाले फॉर्मले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बाई का स्क्वायर दिस तो यही फॉर्मला मेन लगने वाला था क्योंकि यहां पे तुम्हें ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन गिवन है और दस का उसका मीन है पहले से गिवन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है ये उसका जिसमें गलत हो गया था गलत हो गया था मतलब तो उसमें तो ये एक सवाल था करेंगे कैसे थोड़ा सा हिंट देता हूं है तो सवाल थोड़ा सा हिंट देते हैं तो यहां पे आ जाएगा x1 वन प्लस एक्स से लेके x20 ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन इस तरीके से सॉल्व होगा तो समेशन ऑफ एक्सआई की यहां से वैल्यू मिल जाएगी है ना समेशन ऑफ एक्सआई की वैल्यू आ जाएगी दो के बराबर अब इन्होंने कहा था बारह चाहिए था हमें आठ गलत हो गया तो दो हो जाएगा मतलब गलती भी होगी नहीं चार की गलती हो गई यहां पे तो समेशन ऑफ एक्साई जो आ जाएगा बारह हमें चाहिए आठ को हटाइए आठ को गोली मारिए तो दो सौ चार आ जाएगा तो एक्साई की तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी ये वैल्यू और अगर समेशन ऑफ एक्साई स्क्वायर निकालना है तो फिर वो सिग्मा से निकलेगा सिग्मा वाले पार्ट से तो सिग्मा स्क्वायर से लगा के आता तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्टी माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस मतलब टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा फोर का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई अगर यही सवाल था तो ये है ना मैं थोड़ा बहुत बस बना दे रहा हूं पूरा नहीं कर रहा हूं एक्स आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन सिक्सटीन प्लस टेन स्क्वायर इंटू टू हंड्रेड और एक्स आई स्क्र मतलब यहां पर ट्वेल्व स्क्वायर को जोड़ोगे और एट स्क्वायर को सब करोगे बस तो ट्वेल्व स्क्वायर को एड करेंगे माइनस एट स्क्वायर यहां पर करने वाले हैं है हाँ ना अगर ये सवाल होता तो क्योंकि है ही नहीं बट मैंने तुम्हें मेथड बता दिया कि भाई यहां से आ जाएगा स्क्स आई यहां से निकल गया बस इसको यहां पर पुट करना होगा और गेट दिया आंसर अगर ये था तो ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था अच्छा ऐसे करके दिया था चलिए कोई नहीं ये सवाल आया था कि नहीं एक बार कंफर्म कर दो ये सवाल क्योंकि इसमें तीन चार सवाल हमारे ऑलरेडी स्किप हो गए यार कुछ सवाल ऐसे भी थे जो कि स्किप हो गए जो कि हमें मिले और कुछ स्किप हो same, same गए ना क्योंकि सेम सेम टाइप की वैरायटी आ गई तो देखो यही हो जाता है थोड़ा सा कलेक्शन में कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो ऐसा सवाल आया था कि नहीं एक बढ़िया मस्त की इक्वेशन दी हुई थी जिसके रूट थे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे करके लिखा हुआ था फिर वैल्यू पूछा था फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर फोर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन टी फाइव बाई स पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ऐसे करके लिखा था एक भयानक सा नक्शे के टाइप ऐसे टाइप का ऐसे टाइप का तुम्हें देखने को मिला था फोर की पावर फोर प्लस एट एक्स का क्यूब माइनस सेवेंटी ऐसे देखिए ये ये भी बहुत टफ है ये बच्चे के लिए तुम जैसे एग्जाम निकले तुमसे बोले इक्वेशन बताओ टफ नहीं है ये कि इतनी बड़ी इक्वेशन को ध्यान रखना है इसके रूट्स ये थे तो बहुत बड़ा टास्क है ये फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर फोर प्लस एक्स टू का स्क्वायर ये था ये सेवनटी सेवन की जगह सत्रह था ये तो ये बच्चा बता रहा चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे सेवनटीन था ये तो चलिए सेवनटीन था यहाँ पे सेवेंटीन था यहाँ पे चलिए सेवेंटीन से हिसाब से कर देते हैं देखिए इसमें ना हमें थोड़ा सा ध्यान देना था कि यहां पे पूछा क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही आसान थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पे यूज होने वाला है सवाल बहुत विचिध है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स 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 नंबर 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 लगेगा में में ही में ही तुम्हें पता है जब भी हम ए प्लस आईटा बी और ए माइनस आईटा बी को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो हिसाब किताब आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कहीं भी, भी, भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है तो हमें ए प्लस आईटा बी और ए माइनस आईटा बी को ही क्लब करना पड़ेगा तभी बन पाएगा इन्होंने पूछा क्या था देखो फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर तो ये पक्का कुछ ना कुछ कानून लगा यहां पर कानून लगा निकाल नहीं सकते तुम कि जैसे समेशन X1 निकालेंगे, समेशन X2, उससे निकालेंगे तो दो चार दिन निकल जाएंगे उससे नहीं करना है तुम्हें तो इसको कैसे करोगे देखो मैं बताने जा रहा हूं देखो सबसे पहले काम क्या करो इसको ऐसे लिख लो देखो फोर एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स का क्यूब माइनस 17 टाइम्स ऑफ का स्क्वायर फिर अगेन माइनस ट्वेल्व एक्स फिर अगेन प्लस साइन के साथ नाइन इज इक्वल टू जीरो जो रूट्स है वो कितने हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो एक्स फोर तो इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं नहीं देखो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू फिर अगेन एक्स माइनस एक्स थ्री और एक्स माइनस एक्स फोर ऐसे लिख सकते ना किसी के भी रूट से जैसे मान लेते हैं अल्फा और बीटा तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना टाइम्स ऑफ बीटाइम्स अल्फा एक्स माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं तुम्हें तो पता होगा जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी तो इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है ए टाइम्स में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो यही जोरदार काम यहां पर करना था देखो क्या लिखा हुआ है फोर एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स का क्यूब माइनस सेवनटीन एक्स का स्क्स ट्वेल्व एक्स प्लस टू फोर टाइमस एक्स फोर अब यहां पे होगी थोड़ी बहुत चलाकी चलाकी ये कर रहे हैं यहां पे हमें बनाना है फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर देखो यहां पे लिखा हुआ है यहां पे हमें चलाकी करके क्या बनाना है फोर प्लस एक्स टू का स्क्वायर ये फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर कैसे बनेगा देखो थोड़ी हिंट दी तुम्हें ए प्लस आईटा भी और ए माइनस आईटा बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है A B तो हमें ना कुछ यहां पे पुट करना पड़ेगा टाइप का पुट करना पड़ेगा तभी बात बनेगी तो एक्स की वैल्यू जो है देखिए ये 4 कैसे बनता है? 4 तो से बनता है है तो से ना तो हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे दो वैल्यूज को पहली वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की वैल्यू टू आईटा तो एक्स की वैल्यू एक बार तुम पुट करोगे टू आएटा. और दूसरी वैल्यू जो पुट करोगे माइनस टू आइटा ऐसा क्यों पुट किया देखो बता रहा हूं रीजन इसीलिए क्योंकि तभी ये बन पाएगा कॉम्बिनेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्सटा ए माइनस आईटा भी तभी वो A2 B2 बन पाता है तभी यहां पे देखो वन का स्क्वायर और फोर प्लस तो एक बार रख के भी दिखा देता हूं सबसे पहले इसमें टू आईटा रखो तो थोड़ा सा देखो लंबी कैलकुलेशन का सवाल जरूर है तो फोर प्लस टू आईटा की पावर फोर आ गया प्लस एट टाइम्स में एट टाइम्स में आ जाएगा टू आईटा की पावर थ्री आ गया माइनस सेवनटीन टाइम्स में यहां पर आ गया टू आईटा की पावर स्क्वायर आ गया माइनस टाइम्स में, में प्लस से हम क्या करेंगे माइनस टू आईटा डालेंगे तो एक बार माइनस टू आइटा डाल दो देखिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करना पड़ेगा फोर इंटू माइनस टू आईटा की पावर फोर और प्लस एट टाइम्स में माइनस टू आईटा की पावर थ्री ये देखिए कैलकुलेशन वाला सवाल है माइनस सेवनटीन टाइम्स में यहां पे आ गया माइनस टू आईटा का स्क्वायर आ गया माइनस ट्वेल्व टाइम्स में यहां पे वैल्यू आ गई माइनस टू आईटा आ गई प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर टाइम्स में माइनस टू आईटा माइनस एक्स वन आ गया है ना सो ऑन और वो जो वैल्यूज लिखी हुई है ना यहां पे माइनस टू आईटा माइनस एक्स टू फिर इसका पार्ट और इसका पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हाँ ना? तब जाके ये बनेगा तुम्हारा ये फोर प्लस एक्स वन का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर और इस साइड में क्या वैल्यू आ रही इसको मैनिकट कर लेते हैं जैसे आईटा की पावर फोर पता है आईटा की पावर थ्री होता है माइनस आयटा आईटा का स्क्वायर आता है वन के बराबर तो आई तो आई रहेगा तो इन सबको क्लब करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखो मैं लिख देता हूँ क्या आएगा देखो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी तो भाई साहब यहां पे है थोड़ी कैलकुलेशन है थोड़ा सा पेशेंटली दिखाओ थोड़ा सा तो यहां पे वैल्यू आएगी तुम्हारी फोर 2 टू की पावर फोर तो एक वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ पे आ जाएगा एंड मतलब तो uh, फिर यहां पे एट 8 और एट 8. तो एट और एट मतलब आयटा तो बन गया है ना आयटा का क्यू माइनस आटा होता है आई स्क्र जो आता है वो माइनस वन आता है यहाँ पे है ना तो माइनस सेवनटीन प्लस सेवनटीन तो प्लस 17 इंटू फोर के बराबर तो ये वैल्यू आ चुकी है उसके बाद उसके बाद यहां है माइनस ट्वेल्व इंटू टू आइटा तो माइनस ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर आयटा है ना फिर उसके बाद ये वैल्यू है प्लस नाइन तो प्लस नाइन आ गया तो प्लस नाइन ये प्लस वाले के साथ इज इक्वल टू यहां पे था फोर टाइम्स में टू आइटा माइनस एक्स वन और टू आइटा माइनस एक्स टू एंड सो ऑन इसी तरीके से माइनस टू आइटा वाला भी है ना सेम तरीके से माइनस टू आटा वाला को भी लिख लेते हैं वैसे इसको क्लब भी कर लो कितना आ रहा है देखो सिक्सटी फोर आ रहा है यहां से यहां से सिक्सटी एट आ रहा है और यहां से नाइन आ रहा है है ना तो इसको जोड़ेंगे तो चार और आठ बारह हो गया और ये वैल्यू हो गई वन थर्टी टू हो गई है ना वन थर्टी टू और नाइन तो वन फोर्टी वन हो गया वन फोर्टी वन आ रहा है 141 और ये वैल्यू आ रही है एटी एट तो ये माइनस एटी एट करके आ रही है वैल्यू देखो ये वैल्यू बन रही है 144 माइनस जैसे ये प्लस वाला तो पार्ट हो गया अब इसके बाद माइनस वाला ये वाली वैल्यूज थोड़ी देखो कैलकुलेशन में पहले ही बताया था सा पार्ट हो सकता है तो इसको फोर इंटू माइनस टू की पावर फोर है तो ये सिक्सटीन ही हो गया यहाँ पे भी तो ये फोर इंटू सिक्स आ रहा है यहाँ पे वैल्यू एंड ये वैल्यू है आइटा का क्यूब तो माइनस आइटा होता है तो ये प्लस में आ जाएगा इस बार ये तो एट इन टू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये फोर प्लस में बन जाएगा यहां पे तो ये प्लस में आ जाएगा सिक्सटी फोर आयटा है तो यह प्लस में आ जाएगा ये चीज बस यहां पे प्लस में बन जाएगी प्लस ऑफ ट्वेंटी फोर आइटा प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो ना मतलब ये वाली वैल्यू माइनस वाली मतलब ये जो 144 फोर्टी फोर माइनस एटी एट ना तो ये वैल्यू प्लस पे बस बन जाएगी यहाँ पे मतलब ये वैल्यू जो बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी 144 वन फोर्टी वन प्लस एटी एट इक्वल टू फोर टाइम्स में ये वैल्यू बन जाएगी माइनस टू आइनस एक्स वन माइनस टू आइनस एक्स टू माइनस टू माइनस एक्स थ्री एंड माइनस टू आटा माइनस एक्स फोर भैया

जैसे यहाँ पे ना टू आईटा माइनस एक्स टू जैसे ना ए प्लस आइनस आईटा बी तो ये मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू बन गई एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर बन गया एंड अगेन एक्स थ्री स्क्वायर प्लस फोर बन गया और एक्स फोर स्क्वायर प्लस फोर देखो बन गया लो हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी वन फोर्टी वन का स्क्वायर प्लस एटी एट का स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन आप इसको कंपेयर कर लेना

क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है तो इसको लिख सकते हैं a टाइम्स में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसलिए यहां पे a का कोफिशिएंट 4 था तो 4 से यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 टाइम्स में x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्सी एक्स माइनस फोर तो एक बार मैंने 2 टू बस पुट कर दिया सिमिलर वे में फिर मैंने माइनस टू आइटा पुट कर दिया अब बहुत इजीली तरीके से हो गया फिर तो इसके बाद देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी जैसे आईटा की पावर फोर होता है वन होता है है ना आयटा का क्यूब होता है माइनस आयटा होता है आयटा का स्क्वायर होता है माइनस बन होता है ना इस तरीके से सब रखना पड़ा आयटा तो आयटा होता है उसमें क्या कर लोगे फिर यहाँ पे भी आयटा का क्यूब माइनस आयटा आता है और आयटा का स्क्वायर माइनस बन आता है और आयटा का आयटा होता ही है तो जो चीज माइनस में बन रही थी वो चीज प्लस में बन गई वो बना के ऐसे फिगर देगा जाके जो चीज तुम प्लस में बनाओ माइनस में बनाओ जैसे ये तीन प्लस में हो गए और यहाँ पे ये दोनों माइनस में हो गए दोनों को क्लब करके लिखे फिर अगेन यहाँ पे वो वैल्यू प्लस में बन जा रही है फिर ये जो पार्ट है और जो राइट हैंड साइड उसका वाला पार्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 और प्लस आईटा भी और ए माइनस आईटा भी इसमें माइनस निकालो ना देखो एक्स वन माइनस टू आइटा यहाँ पे क्या देगा एक्स वन प्लस टू आइटा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर हो गया देखो बन के आ गया

इसमें देखो जीरो से लेके वन वन माइनस एक्स की पावर सेवन की पावर के लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है समेशन ऑफ़ से लेके तक फिर 1 7 और ये तो प्यारे बच्चे ऐसा सवाल ना ऑलरेडी आया हुआ है, जे को तो ये सवाल है कोई नया वाला पार्ट नहीं है ये कोई नया आया हो कुछ इस टाइप का क्योंकि ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं शायद तुमने इस टाइप का देखा हो ये जीरो से लेके वन तक वन माइनस एक्स की पावर फिफ्टी ऐसा सवाल देखा है देखो देखो तो तुम्हें याद कराते हैं ऐसा सवाल तुमने देखा है कभी इस टाइप का सवाल जीरो से लेके वन तक वन माइनस एक्स की पावर फिफ्टी ऐसा सवाल कभी बनाया तुमने जे का इस टाइप का सवाल याद करो ऐसा सवाल कभी बनाया इस टाइप का ऐसा सवाल देखो जे एडवांस का कॉपी सवाल मेरे से आया हुआ है ये सवाल बनाया कभी अगर तुमने ये सवाल बनाया है इस टाइप का सवाल कभी बनाया है तो यह सवाल तुम्हारे कदमों में कदमों में बता रहे अगर तुमने ये वाला सवाल बनाया था जैसे तुम्हें पता होगा अपॉन ऐसा सवाल बनाया होगा तुमने ये तो यह सवाल तुमने बनाया होगा तो उसके लिए यह कदमों में सेम टाइप का अप्लीकेशन है ये कुछ नहीं चेंज किया उन्होंने बस यहाँ पे क्या किया जैसे फिफ्टी लिखा था यहां पे सेवन लिख दिया और यहाँ पे जैसे हंड्रेड लिखा था तो के लिख दिया बस और कुछ नहीं किया और यह सवाल ऑलरेडी मेस में आ चुका है और यह जेमांस का ऑलरेडी कॉपीड है यह ये कॉपी है ये तो ये तो जे एडवांस का ऑलरेडी कॉपी वाला सवाल है ये है ना उसी को इन्होंने एप्लीकेशन बना के इन्होंने सवाल बनाया ये सवाल किया है? तुमने एक बार देखो ये सवाल कंफर्म चैट में देखो ये सवाल किया तुमने ये ये सवाल उसी का कॉपी आया तो पहले तो ये सवाल बता दिए आया था कि नहीं ये सवाल एक बार कंफर्म कर दिया ये आया था कि नहीं ये सवाल ये हम कर तो रहे हैं ऐसे ही आया था ऐसा आया था कैसा आया था ये क्योंकि ऐसा तो आ चुका है ऐसा आया था कि नहीं बस ये कंफर्म करना है ये आया था ये हाँ जी यह आया था यह जी मैं नहीं बताऊंगा कोई बोल रहा सर मैं नहीं बताऊंगा तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे लिए तो हो रहा है बच्चे ये सब जो पेपर डिस्कशन हो रहे हैं ये तुम्हारे तो लिए ही तो है ये आया था ये सर कांस्टेंट की वैल्यू फोर थी वै। वैल्यू फोर थी अच्छा यहाँ पे फोर लिखा था ये के की वैल्यू फोर गिवन थी यहाँ पे ये फोर ये फोर गिवन था क्या आया था सर ये क्यों लिए सर कॉन्स्टेंट की वैल्यू फोर क्यों लिए फोर क्यों लिए कहां पे फोर लिए पैर बच्चे किस वाले में बेस है पुराने वाले में यहां पे कहां पे यहां पे यहां फोर ये ये कांस्टेंट इसलिए क्योंकि कोफिशिएंट यहां पे फोर है ना इसका हायर कोफिशिएंट फोर है ना इसलिए फोर लिया था यहां पे फोर एस की पावर फोर है ना जैसे यहां पे ए होता है वही यह चीज यहां पे चपक जाती है इसलिए यहां पे फोर लिया कोई पूछ रहा है फोर क्यों लिए इसलिए है ना तो मतलब ये मतलब ये आया था ये सवाल तो ये सवाल इसका कॉपी हो क्या है तो ये अगर तुमने सवाल बनाया होता है जे एडवांस का या मेस में जो कॉपी होकर सवाल आया था तो उसके लिए आसान है कुछ सवाल कुछ करना ही नहीं है बहुत इजी सवाल बेसिक सवाल ही है तो ये सवाल तो तुमने बनाया होगा इसको छोड़ देते हैं हमारा जो सवाल है उसको बनाते हैं तो इस सवाल को बनाया जाए चलो तो तुम कंफर्म कर दिए तो चलो इस सवाल को बनाया जाए तो सबसे पहले नीचे वाले को पकड़ते आ जाओ इसको बनाने के लिए क्या तरीका होता है देखो ये इसको बोल दो आई इसको बोल दो आई तो इसको बोल दो आई इसको बोल दो आई तो आई को सोल्व करेंगे पहले तो आई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है जीरो से लेके वन तक यहाँ पे आ रहा है वन माइनस की पावर सेवन की पावर के प्लस वन आ रहा है

x टाइम्स में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा k प्लस वन इन टू वन माइनस एक्स की पावर सेवन की पावर के ये यहां पे कॉन्स्टेंट है ना तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन फिर वन माइनस एक्स की पावर सेवन का भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस की पावर सिक्स आ गया जैसे पहले क्या होगा एन की पावर एन माइनस फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन One का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस एक्स की पावर सेवन का डिफरेंशिएशन माइनस सेवन एक्स की पावर सिक्स हमने कहा था वो वाला क्वेश्चन अगर तुमने बनाया होगा तो फिर ये इजी है यहां पे एक बार वन रख दो यहां पर जीरो रखतो. तो खत्म हो गया तो जो आई टू की वैल्यू मेरे को मिल रही है आई टू इज इक्वल टू वो आ माइनस साइन के साथ आ, जीरो से लेके वन तक और के प्लस वन तो यहां पर निकल ही रहा है तो यहां पर एक काम करो यहां पर के प्लस वन तो यहां पर लिख लो के प्लस वन जीरो से लेके वन तक सेवन यहां पर एक वैल्यू मिल रही है तो सेवन एक्स की पावर सेवन बन रहा है और वैल्यू बन रही है वन माइनस एक्स की पावर सेवन होल टू पावर के और डीएक्स इस टाइप का बन गया सेवन को इधर ले तो आई टू की वैल्यू जो आ रही है आई टू इज इक्वल टू सेवन टाइम्स में के प्लस वन जीरो से लेके वन एक्स की पावर सेवन वन माइनस एक्स की पावर के और डीएक्स आ गया अब इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना होगा तो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो निगेटिव के साथ देखिए यहाँ पे छोटी चलाकी करनी पड़ेगी देखो कैसे ये तो आई टू की जो वैल्यू आ जाएगी सेवन टाइम्स में के प्लस वन निगेटिव के साथ जीरो से लेके वन यहां पे आ जाएगा 1 x की पावर क्योंकि एक बार निगेटिव होगा बस प्लस वन किया एक बार माइनस वन किया यहां पे आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर सेवन टू दी पावर के डीएक्स आ गया अब एक बार इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर लो मतलब यहां पे वैल्यू आ जाएगी आई टू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस सेवन इंटू के प्लस वन ब्रैकेट में तो एक बार आ जाएगा के प्लस वन आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा इसका मतलब ऐसे बन जाएगा देखो जीरो से लेके वन वन माइनस एक्स की पावर सेवन के प्लस वन डीएक्स माइनस जीरो से लेके वन वन माइनस एक्स की पावर सेवन के और डीएक्स आ गया तो एक बार ये वैल्यू देखो I2 बन गई और वो वैल्यू I1 बन गई बस इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ गया ये सवाल ऑलरेडी पहले भी आए हुए हैं जो मैंने तुम्हें बता रहा था क्वेश्चन उसी टाइप को फ्रेम करके आया बट इस बार बस वो के वे डाल दिया और कुछ नहीं किया तो जो I2 की वैल्यू मेरे को मिल रही है अब मैं सीधे आंसर लिखने जा माइनस सेवन टाइम्स में आई टू इज इक्वल टू माइनस सेवन टाइम्स में के प्लस वन एन टू यहां पर आ जाएगा आई टू माइनस आई वन के बराबर तो आई टू वाले चीज को इधर ले आओ तो यहां पर आ जाओ यहां पे आ जाएगा वन प्लस ये वैल्यू आ जाएगी सेवन टाइम्स में के प्लस वन और आई वन टाइम्स में सेवन इंटू के प्लस वन तो ये आई वन बाई आई टू की यहां से वैल्यू आ जाएगी तो आई वन बाई आई टू की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस सेवन टाइम्स में के प्लस वन इंटू सेवन टाइम्स में के प्लस वन

और उसके बाद आ जाएगा सेवन टाइम्स में के प्लस वन और साथ में आ जाएगा माइनस वन इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी सेवन टाइम्स में आर के माइनस वन वन में है. तो सेवन को उधर ले जाओ तो सेवन टाइम्स में आर के माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन के प्लस वन इंटरचेंज कर दो इसका मतलब ये वैल्यू मतलब मतलब तो समेशन के अंदर के इज इक्वल टू वन से लेके टेन और ये वैल्यू आ चुकी है के प्लस वन तो यहाँ पे पहले वन डालोगे टू डालोगे थ्री डालोगे मतलब ये वैल्यू आ जाएगी ना टू फिर थ्री से लेके इलेवन तक तो टू से लेके इलेवन तक को जोड़ना है तो वन से लेकर इलेवन तक को जोड़ दो और माइनस वन कर देना मतलब वन मतलब तो आंसर आना चाहिए बहुत ही ईजी वे में आया था ये बहुत ही आसान है क्योंकि ऑलरेडी सवाल ऐसे आए हुए फाइव जीरो, फाई जीरो, फाई जीरो, जीरो रहा था। उसका भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होता है वहां पे बस वो वैल्यूज चेंज दिया था जैसे सेवन था वहां पे हंड्रेड दे दिया था बस यहां पे सेवन की जगह कभी एट्टी एट दे देगा कभी नाइन दे देगा कभी इलेवन दे देगा तो बट वे ऑफ सॉल्विंग सेम चलता है तो अगर वो वाला क्वेश्चन इस बच्चे ने किया होता उसको पता होता है कि भैया तो तो जैसे ही बाईपार्ट लगाया तो आई टू और आई वन में हमारा रिलेशन आ जा रहा है तो बस हमें आई वन बाई आई टू निकालना था इसको आई वन बोला था इसको आई टू बोला था तो आई वन बाई टू की वैल्यू देखोगे वैल्यू निकल के आ गई वन प्लस सेवन इंटू के प्लस वन अपॉन सेवन अपॉन के प्लस वन फिर RK -1 की वैल्यू निकाली थी क्योंकि यहां पे लिखा था आर के माइनस वन सेवन इंटू आरके माइनस वन सेवन इंटू आरके माइनस वन की वैल्यू निकाले तो डिवाइड में अपन को निकालना था तो के प्लस वन आया और फाइनली वैल्यू सिक्स आई थी तो कितने आंसर अपने मैच किए क्योंकि जितने कॉम्बिनेशन थे वो सारे अपन ने डाल दिए थे अब हो सकता है देखो कभी कभी क्वेश्चन जो मिल रहे थे वो थोड़े से आधे अधूरे थे किसी का एरिया था तो उसमें इक्वेशन गलत दी हुई थी तो एक दो सवाल थे एरिया के बट उसके वगैरह एक दो के गलत दिए हुए थे जैसे समझ में नहीं आ रहा था एक्स एक्स रूट है उसमें कि टू रूट एक्स है तो उस क्वेश्चन को हमने स्किप ही मार दिया था तो जो जो क्वेश्चन थे उसमें से तुम्हें कितना लग रहा है कितना तुम्हें लग रहा है कि यार फिगर मेरा बन जाएगा अभी तक हमने जितने क्वेश्चन को डिस्कस किए उसमें तुम्हें कितना लग रहा है कि यार मेरा बन जाएगी बात हमारी यार हमें लग रहा है कि चीजें बन जाएंगी हमारा 80 परसेंट सेवेंटी परसेंट देखिए कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली जो लास्ट में तुम्हें बताया उसके लिए जे एडवांस के अप्लीकेशन थोड़े से आते हैं तो आसान है ये जैसे मान लो लास्ट के जो क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले पास थे कुछ कुछ मेंस टाइप के ओरिएंटेड थे खास करके डिफरेंशियल इक्वेशन से देखोगे कोई तगड़े सवाल नहीं है आसान आसान सवाल थे प्रोबेबिलिटी से भी आसान सवाल बेस थ्योरम बेस था काफी एक आसान सवाल था तो कोई ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें याद रखना भी बहुत मुश्किल होती है ना जैसे बच्चा जैसे निकला तो उसको तीस क्वेश्चन थोड़ी नहीं याद रहेंगे क्वेश्चन कहां याद हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू को डिफर करता है वो भी दो तीन घंटे के अंदर कलेक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है तो जितना टीम ने कलेक्ट करके लाए हैं वो सारा हमने मैक्सिमम सारे सारे डिस्कस कर दिए अब इसके बाद देखो नया जो पेपर आएंगे तो फिर जब डिस्कशन वगैरह होंगे तो तुम्हें सब मिल जाएंगे है ना तो कैसा रहा फिर कैसा रहा तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा जो तुमने पूरा देखा आज का पूरा लेक्चर तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके तुम्हारा क्या स्कोर बनने को है कैसा बन रहा है क्या स्कोर लग रहा तुम्हें यार मैं इतना तो सर फोड़ ही दूंगा सौ नंबर डेढ़ सौ नंबर दो सौ नंबर पिछले बार के कंपैरिजन में क्या तुम्हें मतलब लगा कि इस बार पेपर थोड़ा सा मीडियम आ रहा है टफ आ रहा है डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे अब देखो क्या होता है ना कि मेमोरी बेस्ड में क्या हो जाता है कभी कभी ईजियर लोगों को बच्चों को याद होता है सारे टफ क्वेश्चन तो अब जैसे इक्वेशन क्वेश्चन देखे एक्स की पावर फोर वाली उसमें कभी सेवनटीन होगा कभी सेवेंटी होगा बट इतना भी याद रख लेना वही बड़ी बात है बड़े बड़े क्वेश्चंस को थोड़ी नहीं याद रख सकता है 90 परसेंट फोर्टी परसेंट तो वो मेमोरी से कलेक्ट कर करके बनाता है अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा टीचर फिर उसको थोड़ा तो सा करता है चीजें बनती दो सौ सत्तर का ही बोल रहा था तीन सौ जिसके ढाई सौ नंबर, नंबर आ रहा है तैयारी अपनी अपनी स्टार्ट कर दे अब समय बहुत ही कम है है ना अपने जी एडवांस को बिल्कुल वेरी स्पेसिफिक वहां पे देखें कौन से टॉपिक से ज्यादा कवर किया जाता है उसको ज्यादा फोकस करना है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई पीएनसी हो गई उसको ज्यादा अच्छे से करना है इंटीग्रेशन हो गया कैलकुलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है खास करके अगर हम कोनिक सेक्शन की बात करें तो कोनिक सेक्शन डेफिनेटली एक सवाल आता है अगर जी एडवांस की बात करें तो डेफिनेटली सेशन से सवाल आता है चाहे वो पैरा बोला हुआ चाहे वो इलिप्स हुआ चाहे वो हाइपरबोला, बोला डेफिनेटली हंड्रेड वन परसेंट वहां से एक सवाल देखने को मिलता है और खास करके टेंजेंट्स के अप्लीकेशन का तो, तो तुम्हें जरूर मिलेगा या प्रॉपर्टी बेस से सवाल मिलेगा जरूर मिलता है उससे सवाल है। तो हाइपर बोला पैरा बोला इलेक्स से तो डेफिनेटली है कॉम्प्लेक्स नंबर से तो जरूर मिलना है ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम बनती है तो बढ़िया बनती है प्रोबेबिलिटी और पीएनसी से डेफिनेटली एक दो प्रॉब्लम तो बनती है थ्री डी जोट्री वैक्टर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना बट फिर भी देखिए जिससे कि ज्यादा देते हैं वो वाले टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से करना है ज्यादा उसमें मेहनत करनी है क्योंकि अगर हम इसमें तो ऐसा तो नहीं हंड्रेड परसेंट स्कोर करता है तो मैं पता होगा फोर्टी फिफ्टी भी एक बहुत बड़ा स्कोर कहलाता है जी एडवांस पे तो कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा अच्छे और बढ़िया प्रॉब्लम्स को करेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा अमेज की तैयारी के लिए तुम्हें हर टाइप के प्रॉब्लम्स करने पड़ते रहे क्योंकि तुम्हें वहाँ पे स्पीड भी चाहिए एक्यूरेसी भी चाहिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है बहुत सारे तुम्हें तुम्हें थोड़ी स्पीड चाहिए तो थोड़े तो से मीडियम लेवल की प्रॉब्लम बनानी पड़ती है थोड़े टफ लेवल की भी क्योंकि ज्यादा ही ज्यादा टफ लगा के गए पता लगा वहां पे समय हमें है ही नहीं आराम से चीजें कर रहे हैं तो फिर हम फिर निकाल नहीं पाएंगे ना जीमेंस हमें थोड़ी स्पीड भी चाहिए तो हमें मॉडरेट लेवल के भी सवाल बनाने चाहिए जल्दी जल्दी बनाना है तो स्पीड भी चाहिए वहां पर थोड़ा स्पीड का उतना फैक्टर नहीं होता है ना तो उन सब चीजों को ध्यान से इवेलुएट करके एक अच्छे लेवल की तैयारी करो बस बढ़िया से अब बढ़िया से लग जाओ जो हो गया सो हो गया अब तो देखो वापस तो चीज आ नहीं सकती है जो नंबर आने थे वो बन के रहेंगे अब ये अब एक बार देखो तुमने शिफ्ट वन भी दे दिया शिफ्ट टू भी दे दिया अब जो बनना होगा बन जाएगा अब जिसको लग रहा है कि मेरा एक अच्छा स्कोर बन रहा है तो ठीक है जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को ड्रॉप लेना है जो अपना सीन अपने है अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देगी अब वेट एंड वॉच की अब जो है जरूरत नहीं है अब जिसको लग रहा है कि अब मेरे को भाई अब जो है एक अच्छा स्कोर बन चुका है अब मेरे को लग जाना चाहिए बस ये सब देखो रिजल्ट विजल्ट का वेट करना ये सब टाइम तो उसमें खराब हो जाएगा तुम्हारा इसलिए बस मैं यही कहूंगा कि बढ़िया से अब जे एडवांस के तरीके से अब लग जाओ बढ़िया तरीके से तो सभी बच्चों को अब जो है कि अब नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा पेपर डिस्कशन मिलता है तो तुम्हें पता चल जाएगा उसके बारे में नोट्स वगैरह जो है तुम्हें टेलीग्राम चैनल है पिन बॉक्स में भी होगा तो उसमें टेलीग्राम चैनल में तुम्हें सारे जितने भी नोट्स आ रहे हैं जितने भी नोट्स है ना क्योंकि नोट्स भी तुम्हें कलेक्ट करने होंगे फिजिक्स के केमिस्ट्री के, के, के मैथ्स के तो टेलीग्राम जो है जेई वाला चैनल का उसमें ज्वाइन कर लेना तो उसमें तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगे तो फिर मिलेंगे मचाएंगे ऑल द बेस्ट एवरी वन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम बाय जय श्री राम